हम यहाँ पे आ रहे हैं और मिस्टर राजेंद्र जी हमारे सामने, मिस्टर राजेंद्र उपाध्याय हमारे सामने कंटिन्यूअसली यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं आपको। वो कंटिन्यूअसली दुबई में रह के हमारे यहाँ जो ऑफिस है जेएलटी में, वहां पे जाके वहां पे डियर एलेक्स के साथ में पूरी जानकारी लेके जितने भी इंडिया के और पूरे वर्ल्ड के जितने भी ग्रेट लीडर्स है उनके साथ बातचीत करके जितना भी हमारा प्लैटिन वर्ल्ड का अपडेट है वो अपडेट लेके हमारे पास रोज यहाँ पे मौजूद हो रहे। कंटिन्यूअसली जूम सीरीज जो उन्होंने स्टार्ट किए थी वो हमारे सामने आके पूरा यहाँ पे इंफॉर्मेशन और अपडेट देते, जो कि आज 4 फरवरी है और हमारे जूम सीरीज का ये 35वां डेज है। आज हमारा कंटिन्यूअसली जो कंसिस्टेंसी यहाँ पे मिस्टर राजेंद्र जी ने रखी है, आज हमारा 35वां डेज है, 35वां दिन है आज हमारा, जो कि हम कंटिन्यूअसली इस जूम सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर में मीटिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लिंक शेयर किया है वो लिंक आप सभी को यहाँ पे शेयर करके सभी को यहाँ पे जूम मीटिंग में इनवाइट करना है। उनको एक ही बोलना है कि मिस्टर राजेंद्र उपाध्याय इनका जूम मीटिंग है जो कंटिन्यूअसली दुबई से यहाँ पे हमें अपडेट दे रहे, और हमें क्यों किसी को जूम में इनवाइट करना चाहिए, जूम मीटिंग में अगर हम कंटिन्यूअसली जूम मीटिंग में आते हैं तो हमें डेली हमारा जो नॉलेज है वो नॉलेज बढ़ता जाता है। दूसरी बात, यहाँ पे आप जब स्टार्ट किया था तब से अभी तक जितने भी तुम्हारे पार्टनर्स है, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, अभी तो मिस्टर राजेंद्र उपाध्याय जी इनको तो 5 साल कंप्लीट हो गए थे, हमने उसका सेलिब्रेशन भी किया था 2 फरवरी को। तो सभी को आप कॉल करना है और उनको यहाँ पे इनवाइट करना है कि आप जूम मीटिंग में आओ, एक बार मिस्टर राजेंद्र जी को सुनो, डियर एलेक्स का क्या विजन मिशन है, उन्होंने क्या नया यहाँ पे लॉन्च किया है और हमें कैसे आर्थिक आजादी यहाँ पे मिल सकती है। तो उनको अगर आप जूम मीटिंग में लाते हो तो अभी एक बहुत अच्छा चांस है अपने को यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आजादी मिलने के लिए। अगर हम वो मीटिंग में आते हैं वो एक बार ज्वाइन हो जाएंगे, उनका सारा कंसेप्ट, उनका सारा जितना भी प्रॉब्लम था, जितने भी उनके प्रश्न है, उनको उसका आंसर मिल जाएगा और वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे और इससे आपकी जो टीम है वो भी बढ़ेगी। तो इसीलिए हम सभी को, मैं आप सभी को यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ी देर में मिस्टर राजेंद्र जी जो कि दुबई से हमारे सामने लाइव आएंगे, तब तक आप सभी को यहाँ पे जो हमारा जूम लिंक है वो शेयर करके सभी को यहाँ पे इनवाइट करना है, और हर रोज कुछ नया लेके आता है, आते हैं हमारे सामने मिस्टर राजेंद्र जी। और हाँ, बेशक आज भी बहुत कुछ नया अपडेट हमें मिलने वाला है, जो कि डियर अलेक्स सर भी हमारे सामने मौजूद नहीं हुए है, लेकिन डियर अलेक्स का जो भी संदेश हम सुनते हैं कि जो मिस्टर राजेंद्र जी का प्रेडिक्शन रहता है वो डियर अलेक्स वो बोलते हैं, तो हमें डियर अलेक्स का अपडेट लेने और मिस्टर राजेंद्र जी को सुनने के लिए और हमें हमारे जितने भी एम है, जितने भी विशेष है वो कंप्लीट करने के लिए हम जूम लिंक शेयर करते हैं और सबको यहाँ पे इन्वाइट करते हैं। मिस्टर राजेंद्र उपाध्याय थोड़ी देर में हमारे सामने आएंगे, वो हमें यहाँ पे पूरा अपडेट देंगे, हमें गाइडलाइन करेंगे। अभी सिर्फ 1 मिनट में हम स्टार्ट करेंगे, सिर्फ 1 मिनट में, तब तक लाइव कर लेता हूँ इसे।
या सबको सबके लिए यहाँ पे गुड मॉर्निंग। और हम यहाँ पे बहुत, यानी कि आज कुछ नया अपडेट हमें मिलने वाला है, और हम कंटिन्यूअसली यहाँ पे 1 जनवरी से जो जूम मीटिंग ले रहे हैं, आज उसका हमारे सामने यानी कि 35 डेज है कंटिन्यूअली सक्सेसफुली। आज हम 25वें दिन में है, और ये सीरीज मिस्टर राजेंद्र उपाध्याय इन्होंने स्टार्ट किया था। हम देख रहे कि बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा ये सीरीज उन्होंने हमारे सामने लाया था। और हम यहाँ पे थोड़ी देर में मिस्टर राजेंद्र जी को यहाँ पे वेलकम करेंगे, और मैं आपको क्या बताऊं उनके बारे में, हम सब उनको देखने के लिए यहाँ पे रोज एक्साइटेड होते हैं कि हाँ ये आदमी है, कि ये आदमी हमारे लिए इतने दूर से 3,000 4,000 किलोमीटर दूर से आज भी हमारे लिए लड़ रहा है। हाँ, इस आदमी को कोई चिंता नहीं और कोई भी ऐसा काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने उनकी 7 पीढ़ियां 10 पीढ़ियां भी बैठ के खा सके इतना कमा लिया है। लेकिन नहीं, उन्होंने बोलते हैं ना, उन्होंने जो बीड़ा उठाया है कि नहीं, मैं सभी मेरे कम्युनिटी को और मेरे सभी भाइयों को और दोस्तों को मेरे साथ लेके जाऊंगा, ऐसे मिस्टर राजेंद्र जी उपाध्याय मैं इनको यहाँ पे इन्वाइट करता हूँ। हाँ, हम पूरी कम्युनिटी उनको देख के यहाँ पे सीखती है, और उन्हें हम सब यहाँ पे फॉलो करते। और छोटी बात नहीं है, जो आदमी इंडिया में सबसे बड़े बड़े कन्वेंशन, जो कि डियर एलेक्स के बाद में अगर कोई इतना बड़ा कन्वेंशन रहता है, तो वो मिस्टर राजेंद्र जी उपाध्याय ले लेते हैं, जो कि इंडिया में हम सभी लोगों ने यहाँ पे देखा है, इतने बड़े बड़े कन्वेंशन लेने वाले और सभी को यहाँ पे साथ देने वाले, ऐसे हमारे भाई मिस्टर राजेंद्र जी उपाध्याय। या बहुत ही बढ़िया लोग सर आपका, आप हम जो सोचते थे आपको देखते हैं रूप में, उच्च रूप में आप सूट बूट में आते हैं, और हमें हम पूरी इंडियन कम्युनिटी आपको बहुत प्यार करती है सर। और हाँ, मेरा चेहरा नहीं सर, आपका चेहरा देखने के लिए सब एक्साइटेड है। तो प्लीज वेलकम मिस्टर राजेंद्र जी, आप कंटिन्यू कीजिए सर। यस 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 दीपक, सबके लिए गुड मॉर्निंग। बहुत अभी आज अच्छा लग रहा है, 250+ लोग हो चुके हैं अपने। आज का मीटिंग हम स्टार्ट करते हैं। जो भी आज की वीडियो है, जो अपना कंटिन्यू, जैसे कल अपने बहुत सारे अच्छे वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने कुछ अपडेट लिया, उसी हिसाब से हम शुरू में थोड़ा सा अपडेट देते हैं वीडियो के माध्यम से। फिर हमारा जो आज का मीटिंग है वो होगा, मैं खुद आपको जो भी बातें शेयर करने वाला, वो एक अपना आशीष सर, अश्विन जी है ना यहाँ पे, तो अश्विन जी का अपना प्लान, अपना जो प्रेजेंटेशन है, क्योंकि अपने कंपनी का जो प्रमोशन है अपने कुछ 10 तारीख तक कंटिन्यू किया हुआ है, जैसे का वैसा प्रमोशन रहेगा, और यही कारण है हम आप जो आज का जो प्रेजेंटेशन है वो कंटिन्यू करेंगे अश्विन जी के माध्यम से। फिर उसके बाद मेरे तरफ से आप लोगों को कुछ अपडेट मिलेगा, और फिर हम बाकी जो बातें जो शेयरिंग के होंगे या आपने कुछ क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू में हम अपना जो वीडियोज के माध्यम से सब समझ लेते हैं, और ये समझ लेना है कि हमारे लिए जो प्रमोशन है वो कंटिन्यू रखा है कंपनी, वो क्यों रखा है, क्या रखा है, उसके बारे में अपडेट दूंगा अपना प्रेजेंटेशन के बाद। वो सब चीजें आपको पता जो हमारे डिस्कस होने वाली है, लेकिन 10 तारीख तक हमको अगर टाइम मिला हुआ है तो उसके बारे में मैं इतने समझता हूँ कि अपने लोगों को जो गाइड होना चाहिए कि वो अपना जो प्रमोशन क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, और अपने सिस्टम कैसी है, जो नए लोग अगर यहाँ पे जुड़ेंगे उनके लिए भी है, जो पुराने लोग उनके लिए भी। तो इसीलिए हम अश्विन जी का जो प्रेजेंटेशन अभी 2 दिन से रुका था, वो आज फिर वापस वो कंटिन्यू करेंगे 2-3 दिन के लिए, और हम लोगों को जो समझने का कोशिश करेंगे जो ट्रेनिंग के माध्यम से, जो पैकेज जो भी है अपना, जो बेनिफिट कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है, उसके बारे में वो प्रेजेंटेशन रहेगा जो रेगुलर अपना होता है उस हिसाब से। तो हम स्टार्ट करते हैं दीपक, अपना जो पहला वीडियो जो अपना वो स्टार्ट कर दूं। कठिनाई आपको तभी तक दिखेगी जब कठिनाई को देखोगे। इस कमरे में लाल रंग कितनी जगह है देखो, आप भी एक बार जरा देख के बताओ, कुछ 7-8 जगह लाल रंग दिख रहा है यहाँ पे आपको। वीडियो के बारे में बताया, छोटा सा मैसेज है, बहुत कुछ जा रहा है उसी, ये अपना लगभग 6-7 मिनट का वीडियो है। जितने भी अपनी कम्युनिटी उनको मैं बार बार बोलूंगा, ये वीडियो अपने ग्रुप में ऑलरेडी शेयर हो चुका है, और ये वीडियो हमारे बहुत और बहुत काम का है। अगर एक एक लफ्ज, अगर इसका एक एक बात अगर आपने अच्छी तरह से सुना तो आपको पता चलेगा, ये वीडियो में ये बताया गया हुआ है कंपनी के अपना 2022 में जितने भी क्रिप्टो करेंसी का अगर स्टडी करेंगे आप, तो सबसे नंबर वन क्रिप्टो करेंसी अपना पीएलसी अल्टीमा को दिया गया है। ये चीज को आपको समझना है, जो इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करेंगे, पूरा जो जितने भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में है उसमें पीएलसी अल्टीमा जो है अपना, जो इसको आप क्लासिक बात कर रहे हैं, जो लोग क्लासिक के बारे में बहुत सारे पूरा या निगेटिव सोच रहे हैं ना, उनके लिए स्पेशली ये बहुत बड़ा मैसेज है। जो अल्टीमा अपना जो है पुराना क्लासिक बना के दिया कंपनी, वो पूरा दुनिया का
यानी पूरे वर्ल्ड की अगर बात करेंगे, सबसे अच्छा कॉइन यानी वहां पे बताया जा रहा है, सबसे अच्छा कॉइन बताया जा रहा है, इसका चार्टर जी बनी हुई है, जो जिस हिसाब से बना हुआ है, जो जिस हिसाब से वर्किंग कर रहा है मार्केट में, वो दुनिया में नंबर वन पे चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कंपनी के जो फॉलो अगर बात करेंगे, जो अपने कंपनी के ओनर मिस्टर अलेक सर लगातार एक साल से आप उनको बता रहे थे जो पांच रूल से अपने कंपनी के जो क्रिप्टो मार्केट के जो आपको फॉलो करना है, लेकिन हम लोगों ने उसको बार बार नजरअंदाज कर दिया और किसी ने भी उसको जो अगर बात करें तो कम्युनिटी ने उसको फॉलो नहीं करने की वजह से कंपनी अपना प्लेटफॉर्म जो स्टैकिंग के हिसाब से 5 साल के लिए लेके गया, तो उसका मतलब वो अपना 5 गोल्डन रूल से जो अपने क्रिप्टो के वो कंपनी वहां पे फॉलो कर रही है। इसलिए ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा प्रोजेक्ट बन गया है, जो अपना पूरी दुनिया में कहीं पे भी ऐसा प्रोजेक्ट आपको देखने को नहीं मिलने वाला जो अपना 5 साल का स्टैकिंग वाला प्रोजेक्ट है। आज लोग परेशान है, मुझे पता है कुछ लोग निगेटिव है, ये भी मुझे पता है, पैनिक नहीं चल रहा है, लेकिन आने वाला समय वो लोगों को बताएगा कि हमने जिस हिसाब से अगर इस सिस्टम के साथ हाथ बढ़ाया है, जिस हिसाब से अलेक्स सर ने आपको हम लोगों को अगर साथ में लिया है, तो 100% नहीं 1000% ये लोग बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे। और ये स्ट्रैटेजी इतनी बड़ी बनेगी कि हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ऐसी स्ट्रैटेजी पूरे दुनिया में किसी के पास नहीं है जो कंपनी अपने ओनर मिस्टर अलेक्स सर ने बना हुआ है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बनाया कि ये जो प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से जिस तरह से तरक्की मार्केट में हो रही सब लोगों की, ये ऐसी तरक्की मार्केट में पूरी दुनिया में किसी के साथ और किसी सिस्टम के साथ नहीं बनी है। साथ साथ अगर बात करें कंपनी का जो अपना कार्ड बना हुआ है, जो पूरे दुनिया का एक अलग डेबिट कार्ड कंपनी मार्केट में लेके आ चुकी है, जो दुनिया में किसी के पास ऐसा डेबिट कार्ड नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जो टेक्निकल अगर बात करेंगे, जैसे कंपनी का जो भी काम चल रहा है अपना, जो अपना अगर बात करें कंपनी जो पूरा अपना, हम हमेशा बोलते हैं कि अपना कंपनी कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है, तो हमारा पूरा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, तो उसका बारे में सब चीजें बातें उस 6 मिनट 7 मिनट की वीडियो में पूरी बताई गई है। अगर सही में अगर ये बार बार आप वीडियो सुनेंगे तो आपको क्लियर पार्ट बनेगा अपना अपने कंपनी के बारे में, अपने कंपनी के विजन के बारे में। तो इतना बड़ा छोटे से वीडियो में कंपनी ने अपने अपडेट दे चुकी है, उसका हम सुनते हैं, आपने लोगों को सुनाते हैं, तो 100% क्या है, लोग क्या करते हैं सिर्फ ऑडियो वीडियो आया देखना, कुछ सुनना नहीं। एक बार वीडियो एक साइड में वीडियो चल रही है, दूसरे साइड हम बातें कर रहे हैं, तो उसके वजह से क्या होता है, इतने अच्छे अच्छे मैसेज रहते हैं तो हमको उसके बारे में पता नहीं चलता है, और यही कारण है हम हमारे लाइफ में पीछे रह जाते हैं। तो मैं इसलिए बार बार बोलूंगा, ये जो वीडियो है वो अपने वीडियो ऑलरेडी ग्रुप में ऑलरेडी मैसेज दे चुके हैं, और वहां पे आप देखेंगे तो ये वीडियो सुनने के बाद आपको पता चलेगा ये दुनिया का नंबर वन का प्लेटफॉर्म है। और आने वाले समय आपको ये सिस्टम के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए, भले आज थोड़ा सा तकलीफ में चल रहे, लेकिन आने वाला कुछ समय के अंदर कंपनी जिस हिसाब से मार्केट में लेके आगे लेके जाने वाली, हम इसके सिवा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ ये सिस्टम के साथ आप जुड़े रहे, आगे बढ़ो, हमारा लाइफ अपना सबका लाइफ 100% यहाँ पे सक्सेस होने वाला है, इस चीज को समझना। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो अलेक सर के, अभी जैसे आपने यहाँ से सुना अलेक सर के माध्यम से जो भी बातें आपको और अच्छे सुनने को मिलेगी, all the technology and in the last almost 6 years, but this time is gone, and everyone who joined us now he came just to right time, because we are just 1 year or one step in one step till the final stage of my plan. And this, if we have created this, we won. This is the final solution. This is the project. This is the vision. अब तक जो भी 6 साल में क्रिएट हुआ वो पीएलसी और पीएलसीयू की स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण काफी सारे प्रोजेक्ट सब कुछ डेवलप हुआ, और अब जो लोग जुड़ने वाले हैं स्पेसिफिकली ये 1 साल का वक्त, मतलब ये लास्ट स्टेज पे है हम, जहां पे अगर ये जो चीज है ये सक्सेसफुली अगर अचीव रन हो जाता है तो फिर आगे की पूरी विजन, पूरी की पूरी प्लानिंग एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। I can tell you this in the webinar or in meeting, sure, but we can tell this to any customer. The customers go crazy if we explain this to people. अब मैं ये सारी चीजें आपको, हर इंसान को ये जरूर बता सकता हूँ, लेकिन हर एक कस्टमर को ये एक्सप्लेन करना इतना ज्यादा इजी नहीं है, क्योंकि ये सब देख के वो बौखला सकता है, उसे पता नहीं चलेगा। तो ये सारे इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। The customer, the brain will explode. जो कस्टमर का ब्रेन है वो फट सकता है। And then everyone has the same nice hair like me.
और फिर हर किसी के पास मेरे जैसे ही बाल होंगे because the hair is burning like crazy all the day क्योंकि ये सब सुनकर उनके बाल रोज जल रहे होंगे every day हर रोज जल रहे होंगे so let be this pain for this hair and for your head only the understanding that Alex is always for you there तो वहां की जो पेन है वो सिर्फ एलेक्स सर के सर के लिए रखते हैं और आपके सर पे जो चीजें हैं वो यही रन करनी है कि एलेक्स सर आपके साथ हमेशा है The Alex is working hard and he has absolutely clear strategy and plan how we can become mega mega successful and in the and play in the same league like top 10 coins तो एलेक्स के पास तो सारी की सारी प्लानिंग्स है सारी की सारी चीजें क्लियर है कि टॉप 10 कॉइंस तक पहुंचने के लिए और इससे एक मेगा कॉइन बनाने के लिए एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या क्या चीजें करने की इंपॉर्टेंट है एंड गाइस द अल्टिमा इज ओनली 1 ईयर ओल्ड व्हाट डू यू वांट फ्रॉम द कॉइन हु इज 1 ईयर ओल्ड ऑन द मार्केट और दोस्तों अल्टिमा सिर्फ एक साल की उम्र का हुआ है अभी एक साल की उम्र का कॉइन आप क्या उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक साल में वो आपको क्या क्या करके दे दे दिस वन ईयर ओल्ड बेबी एंड यू पुशिंग हिम एवरी डे लाइक क्रेजी ग्रो 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 अप एंड दिस आई एम द बेबी कम ऑन आई एम ओनली द बेबी आई कैन ग्रो फास्टर और आप रोज रोज ये सोच रहे हैं कि नहीं ये क्यों नहीं बढ़ रहा इसे बढ़ना है और बढ़ना है और बढ़ना है और वो ये बोल रहा है कि नहीं मैं अभी बेबी हूं मैं अभी छोटा हूं मुझे वक्त लगेगा इस तरीके से नहीं पुश किया जा सकता दिस इज लाइक वाज अ किड्स ये जो वीडियो है इसमें बहुत सारा मर्म यानी बहुत अच्छा बहुत सारी चीजें छुपी हुई है या जिस चीज को आपको समझना है जैसे अभी सर ने बोला ये सिस्टम पर लगातार 6 साल से वर्किंग कर रहा है लगातार 6 साल से वर्किंग कर रहा है और बहुत सारे लोग ऐसी भी बातें करते हैं कि सर पीएलसी को छोड़ दिया सर ने ये वीडियो में आपको पता चला होगा सर ने पहले बात किया है पीएलसी यानी प्लैटिनम कॉइन के वजह से अल्टिमा के वजह से ये सब संभव हो चुका है क्योंकि हम सब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करने के लिए या फिर हमको उसकी वजह से ताकत मिली है तो इसी हिसाब से जो भी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है रेडी किया हुआ है पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे कोई भी जो भी लगभग 19,000 प्लस क्रिप्टो करेंसी लेकिन कोई सिंगल क्रिप्टो करेंसी आपको सामने है क्या पर जिसके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है कोई लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर है कोई भी सिंगल करेंसी नहीं है जिनके पास खुद का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन हमारी कंपनी हमारा प्लेटफॉर्म इनके पास खुद का रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है रियल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है जैसा डेबिट कार्ड ओरिजिनल आप देख रहे हैं आपके हाथ में आ रहा है आप खुद का कंपनी का माध्यम से ना कि किसी और के माध्यम से इस चीज को समझना है यानी पीएलसी डेबिट कार्ड पीएलसी वॉलेट पीएलसी फार्म पीएलसी का खुद का ब्लॉकचेन खुद का अपना 100% कैशबैक ऑफर खुद का अपना प्लैटिनम डील यानी ऐसे अलग अलग बात करेंगे तो कंपनी के खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करके कंपनी काम कर रही है ताकि ये हर एंगल पे हर जगह पे अपना कॉइन का यूटिलाइज बढ़ेगा ना कि दूसरों के भरोसे पे ना कि कोई आएगा फिर हमको कॉइन को रेट बढ़ाने का कोशिश करेगा ऐसा कोई नहीं है हमारा खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर है जब भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर अपना रेडी होकर काम करना स्टार्ट करेगा हमारा करेंसी जो भी है जैसा अल्टिमा हो या अपना QX हो या जो भी रहेगा जो अपना कंपनी क्या करेगा यहाँ पे वर्किंग करना स्टार्ट करेगा और इसका यूटिलाइज बढ़ेगा यूटिलाइज बढ़ने का मतलब क्या होगा डिमांड क्रिएट करेगा और जब डिमांड क्रिएट करना स्टार्ट करेगा हम सोच नहीं सकते हम जिस प्लेटफॉर्म के साथ है आग बंद करके हम आगे बढ़ने वाले आग बंद करके किसी को भी डरने की जरूरत नहीं यहाँ पे कोई भी आदमी को यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के साथ डरने की जरूरत नहीं हाँ आपका कॉइन से वैल्यू कम ज्यादा हो सकता है लेकिन आपका नुकसान कभी नहीं होगा मार्केट में आप कभी ऐसा नहीं बोलेंगे हम डूब गए इस चीज को आपको समझना है हमको सिर्फ पेशेंस रखना है हमको सिर्फ आगे बढ़ने के लिए जो भी चीजें चाहिए उसको तैयार होने के लिए रेडी होने के लिए जो टाइम जा रहा है उतना टाइम आपको सिर्फ सिस्टम को देना है बाकी आपका कोई भी कहीं पे भी नुकसान नहीं होने वाला है क्योंकि हम ऐसे व्यक्ति के साथ है जो मिस्टर एलेक्स सर की अगर बात करें जो पूरे दुनिया का नक्शा चेंज करने निकल चुका है और वो 100% पूरा दुनिया का नक्शा चेंज करने के बाद ही काम लेने वाले इस चीज को समझना है इसीलिए हमको कभी भी डरने की जरूरत नहीं है ना कि नुकसान होने की जरूरत है कहीं पे भी अगर किसी ने कोई भी अगर यहाँ पे अपना हिसाब से आगे बढ़ने का कोशिश किया हुआ है और ऐसा उसको लग रहा है कि मैंने गलत जगह पे गया तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी ठीक है अगर आपका
कैलकुलेशन बिगड़ गया होगा कि आपने एक साल में या एक छह महीने में या दो महीने में क्या करना है और वो नहीं हो पाया। इसका मतलब ये नहीं कि आपने नुकसान किया, आप डूब गए, लेकिन थोड़ा सा समय दो, उसका थोड़ा सा समय जाएगा, लेकिन 100% आपने जिस सोच के हिसाब से अगर यहाँ पे आप आए उसी हिसाब से यहाँ पे पैसा जनरेट होने का सबको मौका मिलने वाला है, सबको मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि एक दूसरे को मिलने वाला है, कुछ लोग गिने चुने जो लोग यहाँ पे पैसा बनाएंगे और बाकी लोग नुकसान में जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। जो भी लोग यहाँ पे छोटा सा छोटा इन्वेस्टमेंट करने वाला भी लोग होंगे या अच्छे लेवल पे जो लोग यहाँ पे अगर अपना पैसा लगा रहे इस टेक्नोलॉजी को, तो उनको भी अच्छी तरह से पैसा मिलने वाला है, क्योंकि हमारा टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म है, ना कि हमारा क्रिप्टो मार्केट, ना कि हमारा अदर कंसेप्ट, ना कि हमारा डबल पैसा करके देना, तीन गुना पैसा करके देना, या पैसा लोगों को रिफंड पैसा मल्टीप्लाई के हिसाब से देने का कोई वादा कंपनी की तरफ से नहीं, ना हमारे तरफ से। हम सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी मार्केट में दे रहे हैं और वो मार्केट में टेक्नोलॉजी आपको पैसा बना के देने वाली है, और इस टेक्नोलॉजी को सिर्फ रेडी होने के लिए जितना समय जा रहा है उतना ही हमको पेशेंस रखना है। बाकी किसी का भी आज भी देख सकते हैं आप, डूबते हुए जहाज को कंपनी क्लासिक के माध्यम से आप अपनी कंपनी अपने सब लोगों को बाहर निकाल रही है और सबको अच्छा पैसा बनाने का मौका दे रही है, ये चीज को आपको समझना है। तो पैनिक होने की कोई भी बात नहीं है, जैसा अपना प्लैटिनम कॉइन क्यों ना हो, ब्लॉक प्लेसेस क्यों ना हो, सॉरी बाकी अपना क्लासिक क्यों ना हो, अल्टीमा आया है, एक्स कॉइन है। अभी अगर बात करेंगे नई टेक्नोलॉजी की, बात करते हैं नई टेक्नोलॉजी, कुछ चीजें सर ने शेयर किया कुछ अच्छे लेवल पे, ऊपर के लेवल पे, वहां पे सर को इस तरह से रिजल्ट मिला हुआ है कि जो भी कंपनी आने वाले दो दिन चार दिन चार पांच दिन एक हफ्ते के अंदर जो भी नए सिस्टम लेके आ रही है वो पूरे दुनिया का नक्शा चेंज करने वाली है, सब हमारा लोगों का नक्शा चेंज करने वाली है। पूरा इतना बड़ा भरा हुआ जबरदस्त ऐसा कंसर्ट कंपनी अपने बीच में लेके आ रही है, हम सोच भी नहीं सकते। तो ये चीज को आपको समझना है, और ये एक ऐसा सोच है जो आने वाला जो कंपनी प्लेटफॉर्म अपने बीच में लेके आ रही है वो हमारा पुराना सब लोगों का सब चीजें भूलने के लिए मौका देगी, यानी इसका मतलब जो भी पुराने लोग हैं इनको भी बाहर निकलने के लिए बहुत बड़ा मौका यहाँ पे मिलने वाला है। यही स्ट्रैटेजी ऐसी है कि ऐसे सब लोग ग्रो करके बाहर निकलने वाले। तो जैसे भी मैं सबको एक ये रिक्वेस्ट करूंगा अपनी जो कम्युनिटी उनके लिए, अभी जो फिलहाल कम से कम जो दो चार दिन आठ दिन दस दिन जो भी आठ पंद्रह दिन के लिए जो भी मीटिंग बनेगी, जहां पे भी मीटिंग बनेगी, सिर्फ अपडेट लेते रहो ताकि आपको जो भी नया अपडेट आएगा तुरंत आपके पास पहुंचेगा और उसके ऊपर आप तुरंत काम करना स्टार्ट करेगी। तो ये अपने ये वीडियो के माध्यम से कंपनी के अपने ओनर मिस्टर एलेक्स सर उनके माध्यम से आपको यहाँ पे मैसेज दिया गया है, तो वो मैंने आपको क्लियर किया। नेक्स्ट वीडियो गाइस, जस्ट थिंक अबाउट अलीबाबा हैज कैशबैक, नो, अमेज़न पेइंग कैशबैक 100%, नो, ईबे पेइंग कैशबैक 100%, No. Metro paying cashback 100%? No. But from today, yes. From today, they all paying you 100% cashback because of PLCU cashback program. Guys, this is go incredible. If you buy next time by Amazon, you buy only with money with cashback. If you buy next iPhone, you buy only with money from money from cashback. If you go travel to somewhere, you buy the ticket first class or business only with money with cashback. If you buy the flat only with money with cashback. If you buy the car, the vehicle, the cycle, bicycle, doesn't matter. Next time, if you buy the flowers for your wife only with the money from the with cashback. If you buy the food, only money with cashback. If you pay your rent, only with money with cashback. And then just play this game 1 year and you go crazy how much money you will save and earn with cashback program. And this is what I'm telling you. You need good habits, and this is spend money only if you got cashback for this. No cashback, no spending money. No cashback, no spending money. Okay? You have to pay education for your kids, pay it with the money from the cashback program. It's easy. ये जो वीडियो हमने देखा है, हम रोज देख रहे हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं आज आपके लिए। फिर वापस यहाँ पे सर ने ये बोला है कि हमारा जो
जैसा प्लेटफॉर्म की अगर बात करें, जो अगर ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टेबल जो भी है उन्होंने नाम लिया, जैसा अमेजोन हो या अपना फ्लिपकार्ट क्यों ना हो, अलीबाबा क्यों ना हो, हर जगह भी हम शॉपिंग करते हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ हमारा पैसा देने के बाद हमको चीज मिल रही है और वहाँ पे अपने को कुछ भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। लेकिन हमारा जो अपना प्लेटफॉर्म अभी लेटेस्ट अभी स्टार्टअप होने जा रहा है, जैसा भी अभी स्टार्टअप हो जाएगा नया टेक्नोलॉजी के साथ, तुरंत आपके बीच में अपना 100% कैजुअल वाला पार्ट स्टार्टअप होने जा रहा है। और सबसे खुशी की बात है उसमें अपने को डिजाइन किया हुआ है अपना नेटवर्किंग के लिए भी, यानी एक्टिव इनकम के लिए भी वहाँ पे अपने को इनकम जनरेट होने वाला है। ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। और वहाँ पे हम समझ सकते हैं जब ये 100% कैशबैक वाला पर स्टार्ट हो जाएगा, या फिर रियल इस्टेट होगा, कार प्रोग्राम होगा, या बाकी जो भी ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टेबल होंगे वहाँ पे हर जगह पे, जैसे हम ट्रैवलिंग करेंगे तो ट्रैवलिंग का जो टिकट होगा, एयरलाइन का जो टिकट भी रहेगा, आप बिजनेस क्लास का हो या कोई भी आपका टिकट क्यों ना होगा, उसका आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और साथ साथ आपको कैशबैक रिटर्न भी मिलेगा। साथ साथ आप कहाँ पे अगर रेस्टोरेंट में खाना खाते या कोई डीजल पेट्रोल अगर यहाँ पे हम वहाँ पर ले लेते हैं तो, या उसके बाद अगर कोई हम कहाँ पे होटल में जाके अगर रुकते हैं तो हर जगह पे हमको डिस्काउंट भी मिलेगा और सबसे बड़ी बात हमको वहाँ पे कैशबैक रिटर्न भी मिलेगा। तो ये सब हंगामा करने वाला पार्ट है जो अभी अपनी कंपनी के साथ अभी ऑलरेडी स्टार्टअप हो चुका था, लेकिन सिर्फ वो लोगों के लिए बेनिफिट दे रहा था, जो कस्टमर है उनके लिए बेनिफिट दे रहा था, लेकिन कंपनी उसको ग्रोथ करने के लिए उसको एक्टिव इनकम के लिए भी एक अटैचमेंट कर रही है, उसके वजह से उसको थोड़ा सा 1 महीना 1.5 महीना लग हुआ उसको टेक दिया था, लेकिन अभी वो तुरंत ही आने वाले नेक्स्ट वीक से अपने साथ जैसे भी नया टेक्नोलॉजी स्टार्टअप हो जाएगी, जो नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो रहा है कंपनी का, जो नया कुछ पैकेजेस अपने साथ कंपनी लेके आ रही है, उसके साथ ये भी स्टार्टअप होने जा रहा है और हम लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है, जो दुनिया में बहुत बड़ा हंगामा मचाने वाला है। और यही कारण है हमारा बिजनेस और हमारी कंपनी का ग्रोथ 100% यहाँ पे बहुत बड़ा होने वाला है। और यही पैसा बनाने का मौका हमको ये साल यानी 2023 और 2024 में बहुत बड़ा मौका यहाँ पे जनरेट होने वाला है। और वो क्यों होने वाला है उसका एक नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं, फिर हम अपने मीटिंग के ऊपर अपडेट करके लेके जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लास्ट एंड दिस इज माय गोल ऑन माय फोन, आई एम स्टैंडिंग अप विद दिस गोल, $10 billion, $10 billion to in this year, and I'm by $1 billion now. We are around about we did $1 billion turnover in this year. And I in year, and I will do $1 billion a month, and nobody can stop me. I have always achieved my goal in the last 6 years. Every time when I told to myself, Alex, extend. I have achieved extent, and this time I'm telling you guys, $1 billion. We are 100 million now. Extend is $1 billion because I know that all the money will go to the market, all money will go to people, and then you are just thankful, you are just happy, ये छोटा सा मैसेज आपने कंपनी के ओनर मिस्टर एलेक्स ने आपको दिया हुआ है, जो मैंने अभी अभी बात हमेशा बात कर रहा हूँ लगातार आपको 2-3 महीने से, मैंने आपको हमेशा बोला है का 2023 और 2024 ये बहुत साल अच्छा रहने वाला है हमारे सबके लिए। और ये सर का गोल कब का है मालूम है, जब पूरा मार्केट निगेटिव है सर, पूरा मार्केट पैनिकनेस में, वो टाइम पे अपना सर ने अपना गोल फाइनल कर चुके का, मेरा 2023 का गोल है 100 करोड़ मिलियन यूरोज का टारगेट उन्होंने ऑलरेडी ले चुके, तो पूरे कम्युनिटी को हमारे बीच में वो जो अपना फार्मिंग के माध्यम से जो भी हम यहाँ पे पैकेज बाय करेंगे उसके ऊपर जो भी हमको लोगों को जो एक्टिव इनकम मिलता है, वो एक्टिव इनकम का जो इनकम रहेगा वो ये साल में 2023 की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2023 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 100 करोड़ मिलियन यूरो। यहाँ पे हम सबको तय करना है मेरे को कितना लेना है, आपको कितना लेना है, ये सब चीजें हम हमारे ऊपर निर्भर करते हैं, ना कि कंपनी के ऊपर, ना कंपनी के ओनर के ऊपर, ना लीडर के ऊपर। आपको सिर्फ ये सिस्टम के साथ जुड़े रहना है, सिस्टम को समझना है, जो भी आपने लोग आपको समझा रहे हैं या अपनी कंपनी के ओनर मिस्टर एलेक्स जो आपने को समझा रहे, कंपनी के माध्यम से जो आपको मैसेज मिल रहे, उसके लिए आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। दिन रात मेहनत करने का मतलब ऐसा नहीं कि आपको कहीं पे जाके खेत में जाके काम करना है, तो दिन पर रात मेहनत करने का मतलब इतना ही है, पूरा अपडेट रहना है ये सिस्टम के साथ। जब भी कोई भी अगर मैसेज आता है तो उसके बारे में आपको जानकारी लेना है, अगर नहीं समझ रहा है तो आपके सीनियर्स हो गया, जो टॉप लीडर्स हो गया, या मैं खुद हूँ, जहाँ से भी आपको अपडेट मिलेगा, कहीं से भी अगर अपडेट मिलेगा तो वो अपडेट आपको हमेशा लेता रहना पड़ेगा। अगर आप सोते रहेंगे तो आप जो चल रहा है वही चलेगा, अगर आप जागते रहेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपको ये 2 साल आपके लिए इतना बड़ा काम करके देंगे कि हमारा आने वाला पीढ़ी पीढ़ी तक आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना बड़ा पार्ट, इतना बड़ा सोच लेके अपने
सिस्टम के साथ जुड़े हुए और उन्होंने जो तय किया है, जो उन्होंने वही बोला है कि मैंने 6 साल से लगातार सिस्टम में मेहनत कर रहा हूँ और मेरा हर साल का गोल जो भी रहेगा मैं 100% कम्प्लीट कर रहा हूँ। जो भी सर का गोल रहेगा, जैसा भी हर साल, जैसा पहले साल में जो उनका गोल था उन्होंने कम्प्लीट कर दिया, दूसरे साल में जो गोल लिया वो भी कम्प्लीट कर दिया, तीसरे साल में जो गोल लिया उन्होंने वो कम्प्लीट कर दिया, चौथे साल में लिया वो भी कम्प्लीट कर दिया, पांचवें साल में लिया वो भी कम्प्लीट किया, छठवें साल में लिया वो भी कम्प्लीट किया। यानी उनका आज तक का रिकॉर्ड है, 6 साल से वो मार्केटिंग कंपनी या कंटिन्यू काम कर रही है और 6 साल का हर साल का गोल उन्होंने आज तक कम्प्लीट कर चुके हैं। अभी ये साल का जिन्होंने गोल लिया है, 7वां साल उनका कंपनी का स्टार्ट हो चुका है और 7वें साल में कंपनी का गोल है। अभी ये साल 2023 का सिर्फ बात करें, ना कि 2024 ना कि 2025, तो आप समझ सकते हैं अगर 2023 का इतना बड़ा गोल है तो इससे आगे का गोल कितना बड़ा रहेगा, उससे आगे का ग्रोथ कितना बड़ा रहेगा, ये चीज को आपको समझना है। ये दुनिया की पहली ऐसी हस्ती है जो अगर बात करें, अगर समझ वाले को इशारा काफी है, यहाँ पे मैं इतना ही बोल सकता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे ये इंसान यानी जो मिस्टर अलेक सर की अगर बात करिए, ये भगवान से भी कम नहीं है, और भगवान भी हम उसको बोल सकते हैं क्योंकि वो खुद के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन खुद के लिए काम करते हुए वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि आज तक दुनिया में कोई भी ऐसे, कोई भी बोल रहा हूँ मैं, कोई भी की बात करूँ, जो भी टॉप किसी का भी आप नाम ले सकते हैं, या फिर मेरा नाम लेना उचित नहीं रहेगा, लेकिन मैं बोलूंगा दुनिया में रिचेस्ट से रिचेस्ट पर्सन कोई भी किसी का भी आप नाम लेंगे ना, वो लोग खुद बड़े हुए लेकिन किसी को बड़ा नहीं किया उन्होंने। ये चीज को आपको समझना है, खुद बड़े हुए लेकिन किसी को बड़ा नहीं किया। लेकिन मिस्टर अलेक सर की सोच पहले से अगर बात करेंगे, वो खुद भी बड़े हो रहे और सबसे अच्छी बात क्या है, लोगों को बड़ा कर रहे। आज भी उनका कहना यही है, 2023-2024 का टारगेट है उनका, कम से कम है 1 मिलियन लोग, यानी मिलियन मिलियन लोग, मिलियन में लोगों को बिलियन ट्रिलियन बनाऊंगा यूरो और डॉलर में। ये चीज को आपको समझना है। तो ये सबसे अगर बात करेंगे तो मैं आपके लिए इतना ही बोलूंगा कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि बोला ले लो तुम, तो यहाँ पे इतना ही बात है, अगर कंपनी का सोच इतना बड़ा है, कंपनी का लक्ष्य इतना बड़ा है, तो हमारा लक्ष्य कितना बड़ा होना चाहिए। हमको सिर्फ अपने लिए लक्ष्य करना है, कंपनी के लिए या लोगों के लिए नहीं करना है, कंपनी तो पूरे लोगों के लिए कर रही है, लेकिन हमको सिर्फ हमारा लक्ष्य, हमारा जो टारगेट, हमारा जो सोच है, या हमारा जो भी अगर दिमाग में जो लग रहा है कि मेरे को इतना पैसे की जरूरत है, इतना सोच लेके सिर्फ इसके साथ अपडेट रहना है, कंटिन्यू रहना है, और फिर भी आप इतना बड़ा पैसा बना सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करें, हम कुछ नहीं किए, कंपनी बोल रही है, सिस्टम बोल रही है, उसको फॉलो करें, लोगों को उसको बताने का कोशिश करें, लोग कंपनी को फॉलो करें, सबको पैसा मिल रहा है, ये चीज का आपको समझना है। तो इसी तरह से अगर आप सब, मैं वही बोल रहा हूँ, जो मीटिंग अभी चल रही है हमारी, एक भी मीटिंग किसी ने भी मिस नहीं करना है। जो भी मीटिंग मिस करेगा, जो भी लोगों को साथ में लेने को अगर मिस करेगा, जो भी अगर छोटी छोटी चीज के लिए अगर नाराज होते बैठेगा, तो वो खुद के लिए तकलीफ करेगा, खुद के लिए पीछे रहेगा, सिस्टम के लिए कभी पीछे नहीं रहेगा। सिस्टम हम रहेंगे तो भी सिस्टम आगे बढ़ेगी, हम नहीं रहेंगे तो भी सिस्टम आगे बढ़ने वाली। ये चीज को आपको समझना है, अरे सिस्टम के साथ आपको जुड़े रहना है और आगे बढ़ना है। और आने वाले 2 साल में सिर्फ आपको अगर आपका पूरा लाइफ का जो भी अगर पार्ट रहेगा, फैमिली का पार्ट रहेगा, बाकी और बिजनेस के पार्ट रहेंगे, जो भी रहेंगे, वहां पे अगर आप सक्सेस हो रहे तो आपको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहां पे अगर आप सक्सेस नहीं हो रहे तो मैं आपको वादा करता हूँ कंपनी की तरफ से, सिस्टम की तरफ से, आप ये सिस्टम में सिर्फ 2 साल टिके रहो, आने वाले साल आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज को आपको समझना है। इतना मेरा 5 साल से यहाँ पे तजुर्बा मैं देख रहा हूँ, जो जो लोग मेरे पे भरोसा किया, जो लोगों ने सिस्टम के ऊपर भरोसा किया, मिस्टर अलेक सर के ऊपर भरोसा किया, वो लोग आज भी अगर काम करना बंद कर देंगे तो भी उनकी लाइफ वो जी सकते हैं। ये चीज को आपको समझना है। तो इसी के साथ मैं इतना ही बोलूंगा, सीखना है, आगे बढ़ना है तो किसका सुनना मालूम है, जो अपने से ज्यादा कुछ कमा रहा है, अपने से ज्यादा कुछ अगर उसको मालूम आते उसका सुनना, ना कि आजू बाजू का सुनना। जिसको कुछ पता नहीं है उसका आप सुनेंगे तो आप उसके जैसे कुछ आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर उसके पास अगर थोड़ा पैसा है और उसके पूछेंगे आप ज्यादा पैसा कैसे बनानेगा तो भी आपको बड़ा पैसा बनने का मौका कभी नहीं मिलेगा। तो लाइफ में कभी भी अगर आपको आगे बढ़ना है, कहीं भी अगर आपको आगे बढ़ना है, आपसे ज्यादा किसके पास है उसका सुनना, कोई भी क्यों ना हो। मैं ये नहीं बोलूंगा मेरा ही सुनना जरूरी है आपको, किसी का भी। अगर आपको आपके लाइफ में आगे जाना है तो वो कितना पढ़ा लिखा है, वो कितना क्या कर रहा है उसको मत देखो, उसके पास क्या है और वो किस तरीके से कर रहा है उसको देखो और आगे बढ़ो। इतना ही बोलता हूँ आज यहाँ पे मैं, मेरा अपडेट के जो भी अपनी कंपनी की वीडियो के माध्यम से आपको जो अपडेट देना था वो तो मैंने आपके दे दिया, और कुछ नया अपडेट लेके फिर वापस मैं आपके बीच में आऊंगा। हम फिलहाल अभी प्लान प्रेजेंटेशन के बारे में अश्विन जी है उनके पास अभी मैं यहाँ पे हैंडल करता हूँ, वो अपना प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे, उसके बाद मैं आपके बीच में आऊंगा फिर वापस अपडेट लेके जो लाइव चल रहा है। तो थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत अच्छा
यहाँ पे आपने अपडेट दिया सबको। यस सर। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे राजेंद्र सर ने आप लोगों को या यहाँ पे जो भी हमारा गेस्ट आए हैं सबको कोशिश किया यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। और जैसे कि हम लोग रोज बोलते हैं, ये जो हमारा वेबिनार होता है ये फुल्ली इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेटिव वेबिनार होता है। यहाँ पे सिर्फ लोगों को हम लोग क्या इंफॉर्मेशन देते हैं, किसके बारे में? टेक्नोलॉजी के बारे में, ताकि हम जो टेक्नोलॉजी बेस्ड कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं उसी टेक्नोलॉजी बेस्ड कॉन्सेप्ट में आके आप भी अपना फाइनेंशियल गोल को यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। और एक बात यहाँ पे, जैसे कि राजेंद्र सर आप लोगों को बोले, अगर आप प्रेजेंट प्रोफेशन जो भी प्रोफेशन में है वो करते करते अगर आप लोगों का यहाँ पे ड्रीम फुलफिल हो रहा है या आप जो सोच रहे हैं, आप जो प्लानिंग ले रहे हैं वो अगर फुलफिल हो रहा है तो आपको यहाँ पे आने का जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आपको वेलकम है। ओके, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। हमारा जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी को हम आप लोगों के पास पहुंचाना चाहते हैं उसके बारे में। बट स्टार्ट करने से पहले एक चीज बोलना चाहेंगे, यहाँ पे जो भी बात होता है, चाहे कमीशन, इनकम, बोनस, जो भी बात हो, सब डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितना प्रोजेक्ट को समझते हैं, साथ साथ आप कितना प्रोजेक्ट में इफल लगाएंगे और आपका कितना भूख है। भूख का मतलब क्या है? अपने आप को अपग्रेड करते हुए प्रोजेक्ट के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना है। अगर बढ़ेंगे आपका भी यहाँ पे बहुत सारे जो लोग यहाँ पे अचीवमेंट कर चुके हैं, बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे अचीवमेंट कर चुके हैं, बहुत सारा कस्टमर आके यहाँ पे अपना ड्रीम फुलफिल करा है, आपका भी यहाँ पे फुलफिल हो सकता है। तो चलिए आज का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे राजेंद्र सर ने आपको बताया कि हमारा जो प्रोजेक्ट है टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट है, जिसको बोलते क्या, डिजिटल टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू बूस्ट आवर अर्निंग एंड पर्सनल ग्रोथ विद द हेल्प ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो ये डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप कैसे अपना प्रेजेंट अर्निंग सोर्स को बढ़ा सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और वो टेक्नोलॉजी का जिसका बोलते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी, और वो टेक्नोलॉजी बेस्ड कॉन्सेप्ट क्या है, जिसका नाम है प्लाटिन वॉल लिमिटेड। आप देख सकते हैं, और यहाँ पे मिस्टर राजेंद्र सर ने प्लाटिन वॉल लिमिटेड के बारे में बहुत सारा एग्जाम्पल दिया, बहुत सारा वीडियो भी दिखाए। तो आज उसी आपको रिक्वेस्ट करेंगे, प्रोजेक्ट को थोड़ा समझने के लिए कोशिश करिएगा, क्योंकि आज का डिस्कशन ये 10 से 15 मिनट का डिस्कशन रहेगा मेरा। ये डिस्कशन शायद आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट दे सकता है, दे नहीं सकता दोस्तों, दे रहा है, क्योंकि मैंने भी ये प्रोजेक्ट लास्ट 2 साल पहले सुना था और उस दिन लिसन किया था, समझा था, और आज मैं भी यहाँ पे मेरा करियर चेंज कर चुका हूं। तो चलिए जानते हैं प्लाटिन वॉल के बारे में। तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली आपको लेके जाऊंगा, जैसे कि आप एक वीडियो यहाँ पे दिखे प्लाटिन वॉल के बारे में। अगर प्लाटिन वॉल के बारे में जानना है तो आपको साइट भी यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, platinwall.com में जाएंगे। अब platinwall.com में जाएंगे तो प्लाटिन वॉल का डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो ये जो प्लाटिन वॉल, ये प्लाटिन वॉल है क्या चीज है दोस्तों, मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका मोबाइल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रिलेटेड है। उसके साथ साथ जो लेटेस्ट बिजनेस मॉडल जिसको बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी को रिलेटेड करके ये टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, लोगों को प्रोवाइड करता है। और ये अगर मैं बात करता हूं, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो लोग अपने आप को अपग्रेड करते हैं, ब्लॉकचेन को लाइक करते हैं और टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपना फाइनेंशियल कंडीशन को इंप्रूव करते हैं, उनका एक कम्युनिटी बेस है प्लाटिन वॉल। ओके, तो इसके बारे में अगर और जानकारी लेना चाहते हैं तो अबाउट अस आप देख सकते हैं, ये अचीव सक्सेस द प्लाटिन वॉल, अवर कम्युनिटी इज मेड अप टू हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपुल फ्रॉम ओवर 120 कंट्री, 120 कंट्री में रनिंग है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आपने वीडियो में भी देखा। और 120 कंट्री में जो टेक्नोलॉजी लोग यहाँ पे कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम लोगों का जो पार्टनर्स होते हैं यहाँ पे, जो कम्युनिटी होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपना स्टडी करके, ट्रेनिंग लेके, एक से दूसरे सिटी में जाके, एक से दूसरे कंट्री में जाके लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में समझाते हैं और उसी टेक्नोलॉजी को लोगों का यूजेस कराते हुए उनका फाइनेंशियल कंडीशन को इंप्रूव कर रहे हैं। तो ये जो काम कर रहे हैं, खुद टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, दूसरे को समझा रहे हैं, ये करते करते अगर प्लाटिन वॉल में आप कम्युनिटी में आते हैं, आप यहाँ पे हाई रिवॉर्ड्स अचीवमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक यहाँ पे प्रमोशन का सिस्टम भी होता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी टेक्नोलॉजी आते हैं प्लाटिन वॉल के जरिए, सब
लोगों को लोगों से प्रोवाइड किया जाता है, मतलब पब्लिक टू पब्लिक दिया जाता है, इसका कोई एड नहीं होता है, पेपर में कोई नहीं देता है। ओके, तो इसका अगर मैं बात करता हूं, ये स्टार्ट कब हुआ था, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं, इसका आप विजिट करेंगे तो आपको दिखाई देगा, बट मैं डायरेक्ट आपको लाइव दिखाना चाहूंगा। और ये स्टार्ट हुआ था फर्स्ट वाला वेबिनार हुआ था यहाँ पे बर्लिन में, आपको दिखाई दे रहा है 2017 में ये हुआ था, 2018 में दुबई में भी हुआ था, 2019 में सिंगापुर में हुआ था, कुछ वेबिनार होते हैं यहाँ पे पैराग्वे में हुआ था और दुबई में 2021 में भी हुआ था, और कमिंग 2023 मार्च 4 तारीख को दोबारा दुबई में इवेंट होने वाला है। अगले कंपनी का क्या स्ट्रेटेजी है, अगले क्या प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, यहाँ पे जो कम्युनिटी मेंबर्स यहाँ पे काम करते हैं उनको सिखा दिया जाता है, वो लोग जाके अपना सिटी में, अपना स्टेट में, अपना डिस्ट्रिक्ट में, अपना अलग अलग कंट्री में इसको प्रोवाइड किया जाता है। तो आप उसी के लिए आप इसको अगर ज्यादा जानकारी लेना है तो platinwall.com में आप इसके बारे में डिजिट कर सकते हैं। साथ साथ अगर मैं यहाँ पे बोलता हूं, इसका जो फाउंडर का, जैसे कि आप वीडियो में दिखे यहाँ पे मिस्टर एलेक्स रेनहार्ट को, इनके बारे में अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं, आप यहाँ पे सिर्फ फिजिकली नहीं, ये डिजिटली भी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे विजिट करना पड़ेगा reinhardt.academy.com में जाएंगे। तो आप भी यहाँ पे एजुकेशन लेके आप भी अपने आप को अपग्रेड करते हैं, बहुत सारा है, वीडियो है, आप इनको देख सकते हैं, मिस्टर एलेक्स रेनहार्ट जैसे कि आपने दिखाया, तो आपका माइंड में ये भी आ रहा होगा सर आप कैसे यहाँ पे लोग, लाखों लोग यहाँ पे अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, करोड़पति कैसे हो रहे हैं। दोस्तों यही बात सबसे खासियत है जो प्लैटिनम वॉल का, सिर्फ ये टेक्नोलॉजी बेचता नहीं, टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज सिखाता, नॉलेज देता है, ब्लॉकचेन के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में, नया नया स्टार्टअप के बारे में लोगों को समझाते हैं, यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ यहाँ पे लोग कैसे अपना पर्सनालिटी डेवलप करें, एटीट्यूड कैसे डेवलप करें, मार्केटिंग स्किल को कैसे डेवलप करें, उसके बारे में यहाँ पे सिखा दिया जाता है। एक चीज यहाँ पे होता है ना, विदाउट एजुकेशन आप कभी भी डेवलप नहीं कर सकते हैं, और आज प्लैटिनम वॉल में एजुकेशन के लिए alexrenhardtacademy.com भी खोल चुका है, आप यहाँ पे भी विजिट करके इनके बारे में जान सकते हैं। साथ साथ सिर्फ हम लोग नहीं बोल रहे, प्लैटिनम वॉल में पब्लिक मीडिया में क्या बोलते हैं आप देखिए, उसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं पूरा डिटेल्स आपको देगा, आप स्क्रीनशॉट भी लेके देख सकते हैं आप platinwall.com में, प्रेस रिलीज में क्या हो रहा है देखिए, हम नहीं बोल रहे यहाँ पे, सिर्फ हमारा जो लीडर्स है, हमारा जो प्रमोटर्स है यहाँ पे नहीं बोलते, यहाँ पे प्रेस रिलीज मीडिया के माध्यम से भी आपको यहाँ पे बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा, बहुत सारा मीडिया है यहाँ पे, आप जाएंगे आपको दिखाई देगा बहुत सारा मीडिया में प्लैटिनम वॉल के बारे में, मिस्टर एलेक्स रेनहार्ट के बारे में यहाँ पे दिखाई देगा आपको, मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे बहुत सारा, कोई भी आप बोलेंगे सर इतना सारा दिखा रहे हैं, कोई भी एक को क्लिक करिए, आप कोई भी साइड में जाएंगे इसके बारे में आप देख सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे एक वीडियो चला हुआ था, आप यहाँ पे वर्ल्ड का नंबर वन मैगजीन फोर्स में क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखते हैं टॉप 10 क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर टू वॉच इन 2022। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे जो लिखा है, और ये रिलीज कब हुआ था आप देख सकते हैं April 7, 2022 में, और यहाँ पे मिस्टर एलेक्स रेनहार्ट सर भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड में, सेकेंड पोजिशन में, और हम लोग बार बार बोलते हैं इन्होंने एक ऐसा टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दिया कि ये टेक्नोलॉजी के लिए, ब्लॉकचेन को लेके जो टेक्नोलॉजी है इसके लिए सेकेंड पोजिशन में आ चुके हैं, और वो टेक्नोलॉजी क्या है मैं नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, ये डायरेक्ट मैं साइड से आपको दिखा रहा हूं, ये आप देख सकते हैं फोर्स का साइड में आप जाके देख सकते हैं, इसीलिए मैं बोलता हूं प्लैटिनम इज नंबर वन, आप देख सकते हैं मिस्टर एलेक्स सर के बारे में यहाँ पे लिखा है ना, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, और ये कब से स्टार्ट हुआ 2016 से, 2016 से ये ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है, और आज लगभग एक नहीं 22 प्लस टेक्नोलॉजी लॉन्च कर चुका है सो, और इन्होंने सक्सेसफुल बिजनेस कोच के हिसाब से उनका जो फास्ट बुक है ना उनको भी लॉन्च कर दिया है यहाँ, तो ये एक राइटर है प्लस बिजनेस कोच भी है दोस्तों, और इनके बारे में और भी अगर जानकारी लेना चाहते तो बहुत कुछ है इनके बारे में, आप कोई भी मीडिया में आप टॉच करेंगे बहुत सारा है, आप बोलेंगे कहें मैं जो भी मीडिया को मैं टॉच करूंगा आप यहाँ पे चलते हैं बीबीएन ऑस्ट्रेलिया में, मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे भी दिया हुआ है किसके बारे में, प्लैटिनम वॉल के बारे में, मिस्टर एलेक्स सर के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्लैटिनम वॉल लिखा है ना, पीएलसी डेबिट कार्ड के बारे में, एक ऐसा टेक्नोलॉजी बना दिया मार्केट में जिसको हर किसी को जरूरत होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड का जरूरत होता है अभी, क्रेडिट कार्ड का जरूरत है, प्लैटिनम को एक डेबिट कार्ड भी यहाँ पे बना जिसके लिए
ये वाल में फेमस हो गए, कॉइन्स बेस है यहाँ पे, सब चीज के बारे में, पीएलसी कार है, ये सब दिया है सर, पीएलसी कार की वजह से इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है कंपनी के बारे में। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे बहुत सारे टेक्नोलॉजी लॉन्च कर चुका है प्लैटिनम वाले, जैसा कि और अगर मैं साइड में जाना चाहूंगा यहाँ पे, अब यह पीएलसी कार का जो मैं बात कर रहा था, बहुत कार है यहाँ आप देख सकते हैं। आप बोलेंगे ये कार से क्या होगा, ये कार से आप दुनिया में कोई भी कंट्री में जाएंगे, ये कार से आप शॉपिंग कर सकते हैं, उसी कंट्री का रीजनल करेंसी भी निकाल सकते हैं। साथ साथ और भी क्या प्रोजेक्ट है, एक दो प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, जैसा कि अल्टिमा प्रोजेक्ट, अल्टिमा फार्म के बारे में यहाँ पे बात हो रहा था, और अल्टिमा जो आया था मिंटिंग टेक्नो, उसमें यहाँ पे लाखों लोग करोड़पति हो चुके हैं, यहाँ पे लाखों रोड करोड़पति। वही हिसाब से मैं अगर जाता हूं, और भी यहाँ पे है प्लैटिनम डील, जहाँ पे कैशबैक का बात हो रहा था, यहाँ पे प्लैटिनम डील एक ऐसा पोर्टल है, ये ऑलरेडी लाइव है दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं ये कार के माध्यम से, और डिस्काउंट भी यहाँ पे होता है, बहुत सारा डिस्काउंट भी यहाँ पे होता है, अलग अलग कार्ड होता है हमारा, वो कार के हिसाब से आप डिस्काउंट हो सकते हैं। और क्या है यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे बात करता हूँ डिस्काउंट की बात करता हूँ, ultimacashback.com में जाएंगे, हमारा साइट है, आप विजिट भी कर सकते हैं, कैशबैक फॉर परचेस अप टू 100%। एलेक्सा ने यहाँ पे बताए थे ना, आपको अमेजन देता ना फ्लिपकार्ट देता, कोई नहीं देता, बट एक ही साइट देगा आपको प्लैटिनम वॉल के जरिए, जो भी प्रोडक्ट आप बाय करेंगे आपको अप टू 100% तक कैशबैक आएगा, और ये प्लान भी ऑलरेडी लाइव है, और बहुत इसको भी आप विजिट कर सकते हैं। साइट कौन सा है, ये साइट में। तो हम लोग कहने का मतलब ये और क्या प्रोजेक्ट है, और एक जबरदस्त प्रोजेक्ट है मैं दिखाना चाहूंगा, platinero.com में जाएंगे, एक क्लाउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है, न्यू जनरेशन ऑफ क्लाउड फंडिंग प्लेटफॉर्म Platinero। आप ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपके पास अगर प्रोजेक्ट है, फंड्स नहीं है, प्लैटिनम वॉल के जरिए आपको फंड्स दिया जाएगा, अदरवाइज आप भी Platinero में आप फंड्स को इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत सारा प्रोजेक्ट है, आप भी वहीं पे भी जाके देख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है, हम जो प्रोजेक्ट में काम करते हैं प्लैटिनम वॉल में, एक ऐसा प्रोजेक्ट है, जैसे कि राजेंद्र सर ने आप लोगों को बोला, लास्ट 6 ईयर कंप्लीट 7 ईयर्स रनिंग है, ये चल रहा है, क्यों चल रहा है, अपने आप को ये अपग्रेड करता जाता है, और हर चीज ये भी बोला जाता है, मार्केट डिमांडेबल प्रोडक्ट लेके आता है, मार्केट में जो चीज का जरूरत होगा आने वही हिसाब से यहाँ पे प्रोडक्ट लेके आता है। तो एट प्रेजेंट लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी चल रहा है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा जस्ट 5 मिनट में इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, जिसका नाम है PLCU-X मिंटर दोस्तों। ये PLCU-X ये मिंटर है, और PLC मिंटर के जरिए, माइनिंग के जरिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं यहाँ पे लिखा है फॉरगेट अबाउट कॉम्प्लेक्स द हार्ड माइनिंग। आप देखिए क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के जरिए लोग यहाँ पे लाखों अरब रुपया यहाँ पे कमाए, बट वहां पे माइनिंग में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगता है, और रिस्क भी होता है। बट आज मिस्टर एलेक्स ने एक ऐसा टेक्नोलॉजी हमको दे दिया अपना स्मार्टफोन के जरिए, कैसे आप लोग सही सुना है, अपना स्मार्टफोन के जरिए, जो फोन में आप अभी जूम मीटिंग कर रहे हैं उसी स्मार्टफोन के जरिए, दो एप्लीकेशन के माध्यम से आपको जाना कहा है, एप स्टोर में जाना है और गूगल प्ले स्टोर में जाना है, दो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, और उसी दो एप्लीकेशन के जरिए आपका मोबाइल से आप यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को माइनिंग कर सकते हैं, या जिसको बोलते हैं हम तो मिंटिंग। और ये कैसे होगा, ऐसे होगा दोस्तों मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, और किसको हम लोग माइनिंग करेंगे, मिंटिंग करेंगे, और वो टेक्नोलॉजी क्या है उसके बारे में अगर मैं बता दूं, टेक्नोलॉजी किसको, PLCU-X का ब्लॉकचेन के बारे में अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे कॉइन बेस के हिसाब से चलता है, जिसको कि लाइट कॉइन बेस में 0.15 में चलता है, और साथ साथ PLCU-X का टोटल सप्लाई की मैं बात करता हूं, आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल सप्लाई और अवेलेबल सप्लाई कितना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके लिए आप विजिट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको साइट बताया यहाँ पे क्या PLCU-X.com में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप जो भी प्रोफेशन में हैं सब काम करने के साथ साथ ये PLCU-X मिंटिंग टेक्नोलॉजी के वजह से यूज करते हुए आप यहाँ पे प्रेजेंट अर्निंग को बढ़ा सकते हैं, और वो कितना बढ़ा सकते हैं अनबिलीवेबल है सर, यहाँ पे मिंटिंग फैक्टर आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना 6% X3 में दिया जाएगा। उसका मतलब क्या है, आप अगर यहाँ पे कोई भी फंड्स लगाते हैं, मतलब एक PLCU-X को मिंटिंग करते हैं, तो आप यहाँ पे 6 PLCU-X होता है, ये दिखा है ना 6X का यहाँ पे दिया है, और कितना विद इन 1 ईयर, कितना आपको 12 महीने में होगा, कितना महीने में सर 12th महीने में, कितना 6 × 1 = 6 होगा, मतलब 600% आपको मिलेगा यहाँ पे 1 साल में, और ये कितना होगा हर महीने यहाँ पे आपका 50% आपको मिलेगा,
क्या मिंटिंग क्वाइन मिलेगा? आप बोलेंगे ये समझ में नहीं आ रहा, चलिए मैं समझता हूं। आपको क्या करना है, कंपनी यहाँ पे क्या बोलते हैं, आप टेक्नोलॉजी बाय करिए। क्या करिए सर, आप यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी बाय करिए, दो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए जिसको बोलते हैं प्लाटिन अल्टीमा फार्म अल्टीमा वॉलेट, और यहाँ पे अगर PLCUX देते हैं, PLCUX को आप लोड करते हैं, अगर एक कॉइन हम लोग यहाँ पे लोड करते हैं या इनपुट करते हैं या फ्रोजन करते हैं जो भी बोलेंगे, आपको यहाँ पे 6 कॉइन मिलेगा। कितना सर? 6 कॉइन मिलेगा यहाँ पे। और कैसे मिलेगा? एक अगर करेंगे 0.5 कॉइन क्या PLCUX मिलेगा, कितना महीने, हर महीने में 0.5 आपको PLCUX मिलेगा। और ये कितना अप टू आपको कितना 12 महीने तक मिलेगा, 12 मंथ तक सर, 12 महीने तक मिलेगा। और 12 महीने में कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। एक का यहाँ पे आप 6 करेंगे, 6 करेंगे, उसका मतलब क्या 600% साथ साथ एक सीसी। यहाँ पे और मैं बता दूं, आप जो यहाँ पे करेंगे मिंटिंग, आपको एक का तो 6 मिलेगा ही, साथ साथ आप जो एक कॉइन यहाँ पे फ्रोजन किए हैं किसमें फार्म में, ये भी यहाँ पे रिटर्न हो जाता है, और ये हो जाता है प्लस 1 करने से 7 हो जाएगा आपको 7 कॉइन। और ये कैसे मिलता है आपको, लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं दोस्तों, सिर्फ आपको प्ले स्टोर में जाना है और एप्पल स्टोर में जाना है, दो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, अल्टीमा फार्म एंड अल्टीमा वॉलेट, और वहां पे PLCUX कॉइन को लाके डाल देना है। आप बोलेंगे PLCUX कहां पे मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप PLCUX कहां पे अवेलेबल है, CoinSbit एक्सचेंज हमारा है जो कि इंटरनेशनल एक्सचेंज है, CoinSbit से आप लेके आएंगे, आपको फार्म में लोड करेंगे एप्लीकेशन में क्या PLCUX, और हर महीने यहाँ पे 50% आपको न्यू कॉइन जेनरेट होगा। कौन सा होगा? PLCUX। जैसे कि मैं बोलता हूं, अगर हर टाइम मैं भी बोलता हूं, जैसे कि खेती करते हैं ना सर, आप लोग क्या करते हैं, एक जमीन होता है और जमीन में अच्छे करके हल करते हैं, उसमें पेस्टिसाइड डालते हैं, पानी डालते हैं, आप आपको धान या आपका गेहूं का खेती करते हैं, अगर एक बस्ता का खेती करते हैं हमको 100-200 बस्ता होते हैं। अगर ये फार्मिंग के लिए मान लीजिए हम लोग 1 लाख रुपया खर्चा करते हैं तो 3 से 4 महीने में कितना होता है, 2 से 5 लाख रुपया हो जाता है, होता है कि नहीं, आप लोग जानते हैं। बट ये तो बहुत बेनिफिट है फार्मिंग, बट यहाँ पे हार्ड लेवल लगता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए आपको नॉलेज होना जरूरी है। और उसी टेक्नोलॉजी के आज प्लाटिन PLCUX मिंटिंग फार्मिंग के हिसाब से आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पे जमीन मिल जाएगा टेक्नोलॉजी, और जो धान या गेहूं का कर रहे थे यहाँ पे PLCUX का हम लोग करेंगे, और एक से हम लोग भी यहाँ पे 6 करेंगे। आप बोलेंगे सर इसके लिए कितना क्या पैकेज है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे लॉगिन करके बता दूं उसके लिए क्या करना पड़ेगा। कुछ नहीं सर, आप एक काम करिए, रजिस्ट्रेशन करिए फर्स्ट, हमारा वेबसाइट में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, डाउनलोड अल्टीमा फार्म एप्लीकेशन, एक्टिव योर फार्म एंड एंश्योर द फुल एडवांटेज ऑफ द PLCUX टेक्नोलॉजी। आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, ये कैसे, आपको जिसने बुला उनसे बात कर लियो आपको बता देंगे, और डाउनलोड करना है, उसके बाद आप फार्म में PLCUX को लोड कर देना है, लोड करेंगे तो ऑटोमेटिक ये हर महीने 50% आपको न्यू कॉइन जनरेट करेगा, आप बैठे बैठे सोते सोते आपको पैसा इनकम होते रहेगा। यहाँ पे बोलते हैं ना, ऐसा कुछ काम करिए जो सोते सोते भी पैसा आना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, हमारा जो टेक्नोलॉजी हम आपको जो प्रोवाइड करेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, हर महीने 50% का न्यू कॉइन जनरेट करेगा अप टू 12 मंथ। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए मैं बताता हूं उसका पैकेज के बारे में। उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया, और मैंने यहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन करके रखा हूं, जैसे कि आप करेंगे तो आपको नाम ईमेल आईडी देंगे तो यहाँ पे आपको खुल जाएगा, दिखाई दिया जाएगा। चलिए मैं भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे पैकेज के बारे में मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। हमारा जो साइट है ultimafarm.com में आपको जाना है, और यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कम से कम कितना से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये पैकेज है, मैंने भी यहाँ पे लिया हुआ है PLCUX का, आप देख सकते हैं ये की होता है, यहाँ पे की है ना, आप देख सकते हैं ऑर्डर का, ये ऑर्डर है, और ये मैंने लिया था, ये मिंटर पैकेज मैंने लिया था, मैंने फार्म लिया था, एक्टिवेशन लाइसेंस की है, ये पैकेज है अमाउंट का, किसका, फार्म का, और ये टाटा एक्टिवेशन। और चलिए मैं बताता हूँ पैकेज के बारे में, हम लोग देखते हैं यहाँ पे पैकेज कैसा है, सबसे कम है सबसे ज्यादा से कितना हो सकता है। तो यहाँ पे पैकेज है, आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते, और एक जबरदस्त यहाँ पे ऑफर चल रहा है दोस्तों अभी, जैसे कि डेबिट कार्ड के बारे में मैंने बताया था यहाँ पे वीडियो में भी, आप देखे थे ये कार्ड आपको फ्री में मिल रहा है गिफ्ट के हिसाब से, आप यहाँ पे ये कार्ड के आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और ये कार्ड फ्री में है। कौन सा पैकेज में? 110 यूरो का पैकेज में। आपको इसके लिए फार्म के लिए सिर्फ एक
110 यूरो आपको देना पड़े। फार्म का मतलब ये जो आप एक्टिवेशन करेंगे टेक्नोलॉजी, या इसको खेती बोलते हैं, खेती करने के लिए जो जमीन होता है ना, इसको बोलते हैं मतलब मिंटर बोलते हैं, इसको एक्टिवेशन करने के लिए 110 यूरो लगता है। और 110 यूरो मतलब 100 रुपीस मान लीजिए, 110 यूरो मतलब कितना होगा, 110,000 के आसपास। परफेक्ट नहीं बता सकता हूं, 110,000 देंगे आपको, एक टेक्नोलॉजी दिया जाएगा, एक्टिवेशन किया की दिया जाएगा। अगर एक्टिव कर लिए तो ये जो हमारा टेक्नोलॉजी है ये आपको हर महीने 50% न्यू कॉइन क्रिएट करने के लिए एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एक्टिव तो हो गया, पीएलसी एक्स तो डालना है ना, तो यहाँ पे 110,000 110 यूरो में फार्म में कितना डाल सकते हैं ये देखिए, यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम फ्रीजिंग मैक्सिमम लोड, फ्रीजिंग मैक्सिमम लोड 0.01333 इतना डालेंगे, इसका हर महीने 50% न्यू कॉइन, उसका मतलब कितना होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना, ये वाला है ना मंथली मिंटिंग फॉर मंथ, वो हिसाब से होगा। तो आप बोलेंगे ये कितना आइनर हो सकता है, दोस्तों मैं बता दूं पीएलसी एक्स जो है ये स्टेबल कॉइन है और इसका प्राइस है कितना, $1,00,000, कितना $1,00,000। तो ये 0.01333 कितना होगा लोडिंग के लिए, अगर लोडिंग के लिए मैं बोलता हूं यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं कितना होगा, ये फार्म हो गया आपको 110,000 के आसपास बोल रहा हूं मैं, ओके। यहाँ पे आपको लोडिंग के लिए कितना होगा, ये लगभग $1,300 के आसपास होगा, आप जानते हैं $1,300 मतलब 1,00,000 शायद 1,17,18,000 होगा यहाँ पे अगर करते हैं तो, ये आपको आएगा और ये कितना मिलेगा इंटू 1,00,000 कर दीजिए, ये लगभग $600 के आसपास आएगा हर महीने। और कितना महीने तक आएगा, ये आएगा यहाँ पे, और ये कितना आएगा अगर 1,00,000 में करता हूं, यहाँ पे आ जाते हैं 7,999 इतना डॉलर के आसपास आपको एक साल में, मतलब $1,300 आपको एक साल में हो जाते हैं इतना डॉलर। और साथ साथ मैंने क्या बोला, आप जो यहाँ पे जो लोड किए हैं कौन सा वाला, ये वाला पीएलसी ये वाला, ये भी 1,300 के आसपास यहाँ पे ऐड हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। तो प्लस यहाँ पे अगर 1,300 कर लेते हैं तो कितना होगा, आप कैलकुलेशन कर लीजिए, लगभग कितना 9,300 डॉलर के आसपास हो जाएगा सर आपको। यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने बताने के लिए कोशिश किया और हर महीने आपको $600 आएगा, बट यहाँ पे आपको कितना लगा, आपको 110,000 और $1,300 लगभग, ये मान लीजिए 1,50,000 रुपये, 1,20,000 या 1,15,000 हो जाता है टोटल, यहाँ पे लगभग हो जाते हैं सर 2,20,000 के आसपास शायद, नहीं 2,30,000 के आसपास आएगा, आप कैलकुलेशन कर लेंगे, मैं समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ जस्ट, ये परफेक्ट अमाउंट नहीं बता सकता हूं। अगर 2,20,000 में आप फार्म लेते हैं टेक्नोलॉजी प्लस क्वेन तो हर महीने $600 जो कि लगभग आएगा, लोड होगा ये लगभग कितना आएगा 60,000 के आसपास आ सकता है, इससे भी ज्यादा, इंटू कर लिए $600 आता है, मैं जब समझाने के लिए आपको कोशिश किया सर। तो वही हिसाब से आपको हर महीने मिलेगा और हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कितना किए, छोटा सा अमाउंट किए सर $1,300 प्लस यहाँ पे $1,100 इन्वेस्ट किए और हर महीने $600 एक साल में हमको मिलेगा यहाँ पे कितना 7,900 मतलब $8,000 के आसपास, समझ में आ रहा है। जैसे कि मैंने बोला आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका 50% महीना क्या देगा आपको, एक्स देगा सर। आप बोलेंगे सर ये हर महीने विड्रॉल कर सकते हैं, बिल्कुल सर, आप जैसे कि कॉइंस बीट से लेके आते हैं हर महीने जो आएगा कॉइंस बीट से जाके आप सेल भी कर सकते हैं। तो वही हिसाब से यहाँ पे अलग अलग पैकेज है, आप जिसने भी बोला उनसे बात कर सकते हैं, उससे भी बड़ा वाला पैकेज है 1,100,000 का यहाँ पे फार्म होता है 11,000 यूरो का और यहाँ पे आप लोड कर सकते हैं ये वाला 0.133 का। ये हिसाब से हमारा पैकेज है सर, यहाँ पे लगभग सिर्फ फार्म यहाँ पे 5,50,000 यूरो का है और 5,50,000 यूरो में आप 6.666 कॉइन भी आप लोड कर सकते हैं। और मैं बता दूं ये हर महीने आपको 50% का न्यू कॉइन आपको जनरेट करके देगा, ओके। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था हमारा प्लाटिन वॉल क्या है, ये ऐसा कम्युनिटी बेस है जो लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लाइक करते हैं, लाटिस बिजनेस मॉडल को लाइक करते हैं, थोड़ा बहुत रिस्क लेना पसंद करते हैं, उनका एक कम्युनिटी बेस है प्लाटिन वॉल दोस्तों। और आज ये काम करते करते ये टेक्नोलॉजी को समझाते समझाते लोगों के पास पहुंचाते पहुंचाते लोग तो यहाँ पे बेनिफिट हो रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारा रिवार्ड प्रोग्राम भी होता है और जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था हाई रिवार्ड्स अचीवमेंट्स करते हैं यहाँ पे हाई रिवार्ड्स। और ये करते करते ये टेक्नोलॉजी के साथ काम करते करते यहाँ पे बहुत सारे लीडर अपना करियर बना चुके हैं
और ये आज मैं बात कर रहा हूं, हमारे पास एग्जाम्पल है मिस्टर राजेंद्र उपाध्याय सर, जो कि लास्ट 5 साल में टेक्नोलॉजी को खुद समझे, लोगों को समझाते समझा के आज इंडिया से जाके ये प्रोजेक्ट में रिफरल मार्केटिंग प्रोग्राम में डिजिटली इंडिया से जाके दुबे का जो वर्ल्ड का सबसे टॉपेस्ट जो बिल्डिंग होता है वहां पे एक नहीं भुज खलीफा में दो दो फ्लैट भी बिकिंग ऑलरेडी ले चुके हैं, साथ साथ उनका ऑफिस भी है। और अभी राजेंद्र मिस्टर राजेंद्र उपाध्याय सर हमको गाइड करते हैं और कहां से, डायरेक्ट दुबई से, अभी दुबई में बैठे हैं और हम उनको सुन रहे हैं। तो चलिए मैं और कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ सीखिए, नॉलेज लीजिए और अगर आपको ड्रीम फुलफिल करना चाहते हैं थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपग्रेड करिए, थोड़ा बहुत नॉलेज लीजिए सर, बिना प्रेशर में कहीं पे भी कोई भी चीज ऊपर नहीं उड़ता है। ओके, तो चलिए थैंक यू वेरी मच, बाकी जो भी डाउट है आपको जिसने भी बुलाओ से बात करिए और यहाँ पे बने रहिए, हमारा यहाँ पे बहुत सारा एक्टिव लीडर्स हैं जो लोग यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुके हैं उनको भी हम सुनने के लिए मौका मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, ओवर टू दीपक सर। अश्विन जी रोज की तरह आपने बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया है, आपका प्रेजेंटेशन हमारे इस जूम मीटिंग को चार चांद लगा देता है, आपने कंटिन्यूअसली यहाँ पे प्रेजेंटेशन देते और आज का प्रेजेंटेशन एक अनोखी तरीके से आपने दिया कि जो कि पीएलसी एक्स फार्मिंग का जो आपने बताया है कि जो प्रोडक्ट है आपने वो और सबसे बढ़िया डियर एलेक्स का जो प्रोडक्ट है वो है फार्मिंग का, जिसके जरिए अपन सिर्फ मोबाइल से अपने मोबाइल से मीटिंग कर सकते हैं, कॉइन माइनिंग कर सकते हैं हम अपने मोबाइल से, ना कि हमें बड़े बड़े कंप्यूटर, ना बड़ी इलेक्ट्रिसिटी और ना कुछ चाहिए, सिर्फ हमारे मोबाइल द्वारे, हमारे स्मार्टफोन द्वारे हम इसका फार्मिंग कर सकते, मिंटिंग कर सकते, ऐसा प्रोडक्ट डियर एलेक्स ने हमें दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए हम मिस्टर राजेंद्र जी के तरफ फिर आते हैं, राजेंद्र सर आप बात कर सकते। यस अश्विन जी, बहुत अच्छा आपको गाइड किया सब लोगों को और सेम में आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, सब लोगों को अच्छा लग रहा है, इसलिए आप लोग भी वहां से एजुकेट होते जा रहे हैं और ये हमारा सिलसिला हमेशा चलता रहेगा, हम साथ में आगे सबको लेके जाएंगे। और सबसे बड़ी बात आज का जो प्रेजेंटेशन का मतलब इतना ही है क्योंकि हमको सब लोगों को 10 तारीख तक प्रमोशन को कंटिन्यू किया कंपनी, ये चीज को समझना है, इसीलिए हमने वो प्रेजेंटेशन वापस किया क्योंकि हमारे पास आज लगभग 4 तारीख है, लगभग एक हफ्ता है क्योंकि 10 तारीख तक हमको जो एक्स कॉइन का जो अपना काम की कैपेसिटी है वो अपने को जैसे कि वैसी कंपनी दी है ताकि हम लोगों को एक अच्छे से मौका मिले क्योंकि एक लास्ट चांस है, सर ने बोला है वो एक लास्ट चांस है, बाद में लोग पछताएंगे क्योंकि ये जो फार्मिंग आपको मिल रहा है यहाँ पे हम जितने भी कॉइन रखेंगे इस फार्म के अंदर वो अपने को एक साल के बाद रिटर्न्स मिलेंगे प्रॉफिट के साथ, लेकिन अभी जो नया टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें हम जो भी कॉइन रखेंगे वहां पे आपको रखे हुए कॉइन आपस नहीं मिलने वाले, सिर्फ प्रॉफिट जनरेट करेगा, ये चीज को समझना है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये बहुत बड़ा अच्छा मौका है सब लोगों के लिए, कैपेसिटी भी अच्छी है, साथ साथ यहाँ पे दो चीजें होगी, उसका कैपेसिटी भी कम हो जाएगा, साथ साथ नए सिस्टम के साथ हम काम करेंगे तो उसके टाइम पे अपने जब भी ये कंपनी अपने एक हफ्ते में कंपनी अपना टेक्नोलॉजी लॉन्च कर रही है तो उसके बाद आपको जो भी कॉइन रखेंगे उसको कॉइन आपको रिटर्न्स नहीं मिलेगा, ये सबको सब लोगों को समझना है ताकि लोगों को गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। उसके बाद ये जो प्रमोशन आपने को इसलिए बढ़ा के दिया है जैसा टेक्निकल टीम ने बोला था 2 या 3 दिन में हो जाएगा, लेकिन कुछ टेक्निकल काम थोड़ा सा बढ़ गया है और कंपनी दिन रात उसके ऊपर मेहनत कर रही है, उसका और 3-4 दिन लग सकते हैं, इसके वजह से एक दिन बोल के लंबा नहीं लेके जाना है, इसलिए कंपनी डायरेक्ट डिसीजन लिया हुआ है कि 10 तारीख तक हमको पुराने काम के ऊपर काम करने का मौका दिया हुआ है, तब तक कंपनी अपना पूरा काम पूरा रेडी करके अपने बीच में लेके आने वाली, क्योंकि सर ने जो भी बोला है सर का मैसेज बार बार हमारे लोगों टॉप लीडर की तरफ से आ रहा है, टॉप लीडर को कंपनी मैसेजेस दे रही है जैसा बीच बीच में, क्योंकि लोग पैनिक नहीं होना चाहिए, लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और कुछ चीजें आगे बढ़ने के लिए अपने को सब साथ में लेके जाना चाहिए, इसके वजह से जो भी अपडेट चल रहा है, जो भी सिस्टम कंपनी अपडेट कर रही है उसका बीच बीच में कंपनी अपडेट देते आगे बढ़ रही है और उसको ज्यादा से ज्यादा 10 तारीख के पहले ये सब कंप्लीट हो जाएगा, 10 तारीख तक अपना जो पुराना जो भी अपना काम चल रहा है वो हम कंटिन्यू कर सकते हैं, सब चीजें हम वहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, जो जिसको फार्म परचेस करना है वो फार्म ले सकता है, जो भी अपना काम करना है जैसा अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करना है जो भी करना है वो सब चीजें हम अभी कर सकते हैं 10 तारीख तक। तो हमारा ये मीटिंग 10 तारीख तक इसी हिसाब से कंटिन्यू रहेगा, जो प्लान प्रेजेंटेशन वगैरह सब चीजें हम कंटिन्यू करेंगे। मिस्टर आलेक सर जल्दी अपने बीच में आने वाले जो हमको सब लोगों को अपडेट देने वाले, तो तब तक हम अपने हिसाब से अपडेट देते रहेंगे क्योंकि सर का यही कहना है, जो भी लीडर से अपने जो भी हमारी कम्युनिटी है उनको सर का यही कहना है
मैं अकेला सब जगह पे नहीं पहुंच सकता, मैं अकेला सब लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता, लेकिन आप लोगों को वहाँ पे लोगों के टच में रहना है ताकि मैं आप लोगों के बीच में कुछ अच्छा लेके आऊँ, और वो टाइम पे हमारे लोग आपके साथ होने चाहिए। तो इसी की वजह से हम कंटिन्यू काम कर रहे सब लोग, उसी तरह मिस्टर अलेक्स सर और उनकी जो भी टेक्निकल टीम है वो पूरा दिन रात मेहनत कर रही है। हम जितना टाइम नहीं दे रहे, हम अगर मीटिंग में 1 घंटा 2 घंटे के लिए परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो लोग अभी दिन रात 24 घंटे के हिसाब से काम कर रहे हैं। अलेक्स सर खुद यूरोप में जाके बैठे उस काम की वजह से, क्योंकि वो सामने देख के उसको पूरा टेक्निकल टीम के साथ खड़े और उनको आगे पीछे करके उनको फटाफट काम करने के लिए उन्होंने बोल दिया है। तो इसके वजह से जल्दी जल्दी अपना काम पूरा हो जाएगा। जब भी ये काम पूरा हो जाएगा और अपना सिस्टम रन हो जाएगा, मैं आपको क्लियर बोल देता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म इतना बड़ा आने वाले समय में काम जनरेट करके देने वाला है, इतना बड़ा अपने को इनकम जनरेट करके देने वाला है, हम सोच नहीं सकते। जितना वो रुका है उतना फास्ट ग्रो करने वाला है। तो इसी के साथ कंपनी उसी हिसाब से अपडेट करे, क्योंकि कंपनी को ये साल में 2023 में 100 करोड़ मिलियन इतना इनकम लोगों को जनरेट करके देना है। और इनका इनकम अगर लोगों को जनरेट करके देने का मतलब आप समझ सकते हैं, क्वाइन ये अलग पार्ट है, फार्मिंग अलग पार्ट है। इनकम हमको जो जनरेट होने वाला है, जो कंपनी का लक्ष्य है, वो सिर्फ फार्मिंग के ऊपर है, ना कि क्वाइन के ऊपर है। तो क्वाइन ये अलग पार्ट रहेगा, क्वाइन का जो ट्रांजेक्शन बनेगा वो अलग पार्ट रहेगा, उसका जो मल्टीप्लिकेशन बनेगा वो अलग पार्ट रहेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग के ऊपर जो अपने को कमीशन दिया जा रहा है, टेक्नोलॉजी के ऊपर जो हमको कंपनी कमीशन है, रेफरल इनकम दिया जा रहा है, वो सिर्फ 2023 का टारगेट है कंपनी का 100 करोड़ मिलियन डॉलर या 100 करोड़ मिलियन यूरो, हम ये समझ सकते हैं। तो ये इतना पार्ट अगर 10 महीने में 11 महीने में अगर हमारे लोगों के बीच में अगर जाने वाला है, तो आप समझ सकते हैं टेक्नोलॉजी कितनी बड़ी लेवल पे काम करने वाली। और ये एक टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है, हमारो मल्टीपार्ट टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होकर आ रही है। ये चीज को समझ लीजिए, 100% कैशबैक आ रहा है, उसके बाद अपना जो बहुत सारी चीजें मैंने अभी आपको बताया, फार्मिंग भी है, पॉइंट्स भी है, उसके बाद अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी है, उसके बाद अपना जो 100% कैशबैक वाला ऑफर है, उसके बाद अपना प्लैटिनम डील है, उसके बाद अपना जो क्राउड फंडिंग का प्लेटफॉर्म है, उसके बाद अपना कंपनी का जो अलग अलग स्ट्रेटेजी के हिसाब से कंपनी बहुत सारे, जैसा ट्रैवलिंग का जो अपने डिस्काउंट मिलने वाला या रिटर्न मिलने वाला है, डिस्काउंट पैसा रिटर्न मिलने वाला है, ये सब चीजें उसमें, तो ये सब चीजें इंक्लूड करके कंपनी अटैचमेंट करके सब चीजें अपने बीच में लेके आने वाली। तो इसके वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते के अंदर ये कभी भी कम्प्लीट हो सकता है। किसी भी दिन अपने को ये 1 हफ्ते के अंदर गुड न्यूज मिलेगी और अपना प्लेटफॉर्म काम करना स्टार्ट करने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा 10 तारीख तक हमको मौका मिला हुआ है, वो 10 तारीख तक हम पुराने प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करेंगे, उसके साथ कंपनी नया टेक्नोलॉजी के साथ अपने 1 हफ्ते के अंदर अपने बीच में आने वाली है। उसका रोज कुछ ना कुछ अपडेट जो अपने मीटिंग के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से आप लोगों को बीच में मिलता रहेगा, और हम लोग उसको एजुकेट होते आप ये लेके जाएंगे। तो मैं इतना ही बोलूंगा, अपने लोगों को यहाँ पे 100% अटैच में रखना है, कंटिन्यू रखना है, ताकि कभी भी गुड न्यूज मिल सकती है और हम इसको मल्टीप्लाई कर लेने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो इसी के साथ मेरे तरफ से जो भी अगर बात करेंगे, जैसा लोगों का एक्स प्लान के बारे में फिर वापस आपको क्लियर करता हूँ। एक्स प्लान के बारे में आपका जो विड्रॉल जो की बात करेंगे, वो 15 तारीख से लेकर 20 तारीख तक, यानी फरवरी की बात करते हैं, इसके बीच में आपका विड्रॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि कंपनी जब भी इस टेक्नोलॉजी लॉन्च कर देगी, उसके विद इन 1 हफ्ते के अंदर कंपनी इंटरनल एक्सचेंजर स्टार्ट करने वाली है। क्योंकि इंटरनल एक्सचेंजर ही ऐसा एक्सचेंजर है, जैसे हमारे सब जो सवाल है वो यहाँ पे खत्म होने जा रहे हैं, क्योंकि उसको उसी हिसाब से डिजाइन किया हुआ है कंपनी ने। तो इसके वजह से क्या होने वाला है, जब भी ये कंपनी का जो नया टेक्नोलॉजी वो लॉन्च हो जाएगा, उसके 1 हफ्ते के बाद हमारा एक कॉइन का जो विड्रॉल की जो परेशानी लोगों की चल रही है, उसको 1 हफ्ता और लगेगा, और उसके बाद इंटरनल एक्सचेंज स्टार्ट होगा। यानी समय का अगर बात करेंगे, लगभग 15 फरवरी से लेके 20 फरवरी, जैसे मैं पहले ही बोला है आपको, अगर 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले की मीटिंग आप सुनेंगे तो उसी टाइम मैंने वही बोला है आपको, एक कॉइन का विड्रॉल 15 तारीख 20 तारीख के बीच में स्टार्टअप हो जाएगा। लेकिन हमारा जो विड्रॉल जो है अपना फार्मिंग लगने के लिए, ये टेक्नोलॉजी जैसे भी स्टार्टअप हो जाएगी वो तुरंत लगना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स कॉइन से या पीएलसीयू कॉइन से हम फार्मिंग लगा तो सकते हैं, लेकिन उसका कोई भी इनकम जनरेट नहीं होने वाला है, कोई भी रेफर इनकम आपको जनरेट नहीं होने वाला है, ये चीज को समझना है। तो कॉइन से जो भी आईडी लगेगी उसके लिए कंपनी ऑप्शन ओपन करने वाली है, लेकिन एक्स कॉइन से अगर अपन आईडी लगाते हैं, यानी अपना फार्मिंग परचेस करते हैं, या हम अगर पीएलसीयू से अगर फार्मिंग परचेस करेंगे, तो आने वाले समय में लंबे समय तक यहाँ पे क्या होने वाला है मालूम है, ये कॉइन का इनकम जो है, जो अपने को प्रेफर इनकम जो आता है 15 लेवल का, या रैंक बोनस जो आता है वो, या जो भी अपना डायमंड इनफिनिटी बोनस आता है, वो सब बोनसेस आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाले। जितने भी कॉइन से आप खुद का आईडी यानी आपको पैकेज बाय कर सकते हैं, उसका फार्मिंग मिलेगा आपको, कैपेसिटी मिलेगा, लेकिन आपको इनकम नहीं मिलेगा, ये चीज का आपको समझना है।
उसके बाद आपका जो ऑप्शन रहेगा जैसा डॉलर का रहेगा, जो भी डॉलर में बहुत सारी चीजें दी हुई है जैसा ERC-20 है, ERC-20 वगैरह बहुत सारे। उसके बाद अपना यूरो का ऑप्शन आ सकता है, उसके बाद अपना ऑलरेडी बिटकॉइन का ऑप्शन कंपनी दे चुकी है। उसके बाद आता है अपना जो कंपनी बैंकिंग सेक्टर से यानी कार्ड क्रेडिट कार्ड है या बैंक ट्रांसफर वगैरह, ये भी ऑप्शन कंपनी अभी वहाँ पे कंपनी जा रही है जो स्टार्टअप अपने बीच में आने वाला है। तो अभी जो भी फिलहाल अपने को परचेसिंग करना है तो कॉइन के ऊपर कभी नहीं होने वाला है, और होगा भी तो उसका कमीशन नहीं मिलने वाला, ये पहले अपने माइंड में क्लियर करना है, इसको समझना है। वो ना अपना काउंटिंग होने वाला है, ना अपना बोनस के लिए काउंटिंग होगा, ना अपने टर्नओवर के लिए काउंटिंग होगा, ये चीज को समझना है। सिर्फ हम फार्मिंग ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, लेकिन उसका कोई भी इनकम जनरेट नहीं होने वाला। उसके बाद अगर बात आती है आपकी क्लासिक की, आज आप देख सकते हैं लगभग $300 क्लासिक का रेट चल रहा है, यानी अच्छे तरह से आज रेट लगभग डेढ़ गुना, यानी $200 के लगे अगर $300 लॉस हो चुका है तो लगभग डेढ़ गुना ऑलरेडी रेट चल रहा है। लेकिन मैं इतना बोलता हूँ आप लोगों को, अभी भी मौका है क्लासिक के लिए, आपको अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करना है, पैसे स्वैपिंग करना है, तो उनके लिए जैसा भी ये टेक्नोलॉजी लॉन्च हो जाएगा लोगों को सब कुछ पता होना चालू जाएगा। ये 300 का 600 और 600 का 1200 का बनेंगे पता नहीं चलेगा, ये चीज को आपको समझना है। मैं ये नहीं बोलूंगा उसका बहुत बड़ा रेट बनेगा, लेकिन मल्टीपेशन स्टार्ट हो जाएगा, ये चीज को समझना है। क्योंकि क्लासिक ओरिजिनल कॉइन है, आने वाले समय में सिर्फ उसका क्या है, डिमांड क्रिएट करने के लिए सप्लाई ज्यादा है, उसके वजह से उसका डिन राउट है, डिमांड कम है, इसके डिमांड नहीं हो रहा है क्योंकि सप्लाई ज्यादा है, और इसके वजह से उसका रेट डाउन है। कॉइन खराब नहीं है, टेक्नोलॉजी खराब नहीं है, लेकिन सिर्फ क्या हुआ है, डिमांड क्रिएट नहीं हो रहा है। और डिमांड क्रिएट करने के लिए कंपनी जो भी स्ट्रेटेजी अगर तैयार की हुई है और उसके ऊपर कंपनी का जो स्वैपिंग जो भी पार्ट चल रहा है, उसके वजह से आने वाले कुछ समय के अंदर इसका डिमांड क्रिएट होना स्टार्ट करेगा, फिर वो कॉइन अपना रेट मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेगा, लेकिन उसको थोड़ा समय लगेगा। लोगों को वही सवाल आता है जैसे मैं बोलता हूँ बार बार, कब अगले हफ्ते बढ़ेगा, मेरे को बहुत सारे मैसेज दिन में आते हैं, कम से कम 2-5 मैसेज तो कम से कंपलसरी आते हैं सर क्लासिक का रेट, लेकिन वो कौन से लोग है मालूम है, जो अपने सिस्टम के साथ नहीं चल रहे, जो अपने प्लेटफॉर्म के साथ नहीं जुड़ रहे, वो लोग है जिनके सवाल आते हैं, क्योंकि जो कभी मीटिंग में बैठ के ही नहीं है तो इसके लिए उनको मालूमात मिलती ही नहीं है, सिर्फ उनका सवाल इतना ही है वो रेट कर पड़ेगा, इसलिए उनका सवाल है। तो यही बात है, जो लोग टेस्ट में नहीं है उनके लिए सवाल हमेशा रहेगा, आज भी रहेगा, कल जाके वो क्लासिक $1,00,000 भी निकल जाएगा तो भी उनका सवाल रहेगा, क्योंकि वो मीटिंग में है नहीं, ये चीज को समझना। तो जो लोग अपने साथ में है वो सब लोगों का लगभग सवाल क्लियर हो रहा है, लगभग उसको अच्छी जानकारी मिल रही है, उसके वजह से वो लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पे क्लासिक के लिए मैं इतना बोलूंगा, कॉइंस जो है अपना वो ओरिजिनल है, उसको सिर्फ आने वाले एक साल में यानी आने वाला दिसंबर जनवरी में ये कॉइन कन्वर्ट किया जाएगा नए टेक्नोलॉजी के साथ, ये चीज को समझना। यानी क्लासिक देख के आपको एक नया टेक्नोलॉजी जो है अपना जो ट्रोन ब्लॉकचेन के ऊपर इसको डिजाइन किया जाएगा, जो मदर करेंसी के साथ यूज किया जाएगा, ये चीज को समझना। यानी क्लासिक एक मदर करेंसी ऐसा हम समझ सकते हैं क्योंकि उसको मदर करेंसी में कन्वर्ट किया जाएगा। यानी आप जो भी है आपका वैल्यू कम है, कॉइन कम नहीं हुआ है, सिर्फ पेशेंस रखना है, वो आप $1,00,000 नहीं उससे कई गुना ज्यादा आपको देखने को मिलने वाला है। जो हम शुरू से बात करें अलेक्स सर भी मैं भी, का क्लासिक आने वाले दिन में $1,00,000 $2,00,000 या उससे ज्यादा भी आपको देखने को मिलने वाला है, लेकिन उसको थोड़ा समय लगेगा। भले वो क्लासिक का कैलकुलेशन वो ट्रांसफर कर देंगे ब्लॉकचेन के अंदर, नए ब्लॉकचेन के अंदर उसका नया कुछ नाम रखेंगे फिर वापस, और उसके वो बढ़ेगा लेकिन आपका ही कॉइन रहेगा, इस चीज को समझना। जैसे हम अगर कोई स्वैपिंग कर रहे क्लासिक को अगर स्वैप कर रहे और PLC में ले रहे तो उसका $20,000 है, तो वो नया कॉइन का नाम दिया PLCU, लेकिन आपका क्लासिक ही $20,000 है ना, ये चीज को आपको समझना है। उसी तरह आज जो आपके पास क्लासिक अगर बचता है और बाद में अगर उसको आप कन्वर्ट करते हैं आने वाले दिसंबर महीने में जनवरी महीने में, जब ये टेक्नोलॉजी नया स्टार्ट करेगी कंपनी, जो उसके ऊपर काम चल रही है कंपनी का, नए ब्लॉकचेन के साथ, नए टेक्नोलॉजी के साथ, जैसा ट्रोन ब्लॉकचेन के हिसाब से कंपनी अगर स्टार्टअप कर रही है, तो वहां पे जब ये कन्वर्ट किया जाएगा उसका रेट क्या रहेगा ये नहीं बोल सकते, लेकिन वो मदर करेंसी बनेगा। अगर मदर करेंसी का मतलब आप समझ सकते हैं, आज भी अगर बात करेंगे मदर करेंसी बिटकॉइन को जो माना जाता है, तो आज सबसे ऊपर बिटकॉइन का रेट चल रहा है। और जब हमारी बिटकॉइन अपना क्लासिक बिटकॉइन के जैसे अगर मदर करेंसी बनेगा और उसको यूटिलाइज करने के लिए कंपनी बहुत सारे ऑप्शन अगर मार्केट में ऑलरेडी रेडी कर चुके हैं और उसका यूटिलाइज उस हिसाब से अगर होने वाला है, तो आप समझ सकते हैं बिटकॉइन सिर्फ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहा है, ना कि अदर जगह पर काम कर रहा है, तो भी वो मदर करेंसी कहला रहा है और 80 जगह से काम कर रहा है। लेकिन जब हमारी मदर करेंसी खुद की मदर करेंसी काम करना स्टार्ट करेगी, तो वो टाइम पे हम समझ नहीं सकते कि यहाँ पे कितना मल्टीप्लिकेशन बनने वाला है और कितना मल्टीप्लिकेशन अपने को जनरेट करके देने वाला है। तो इसलिए मैं इतना ही बोलूंगा, ये समझ लो कि अगर आपने यहाँ पे कुछ भी अगर टेक्नोलॉजी के लिए पैसा लगा हुआ है, अगर कॉइन परचेस करके रखा हुआ है, वो हम सिर्फ 1 साल के लिए या 2 साल के लिए क्या करें, पेशेंस रखना है। आप सोचेंगे भी नहीं इतना मोटिवेशन यहाँ पे मिलेगा, सही में बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपको खाली टाइम निकल के लिए बोल रहा हूँ या ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपको कन्विंस करके आगे लेके जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब ये सिस्टम को आप सब
स्टडी करेंगे तो आप 100% सही जगह पे 100%। सिर्फ आपको गलत क्यों लग रहा है मालूम है, आपको जो 2 दिन के बाद मिलने वाला तो आज नहीं मिल रहा है इसके वजह से, इतना ही तकलीफ है, बाकी कुछ नहीं है। ना आपका कॉइन जीरो हुआ है, ना आपका कॉइन मिंटिंग आना बंद हुआ है, ना वो आपको ट्रेड हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सब जगह पे सब सिस्टम चल रहा है। लेकिन सिर्फ उसको क्या करना है, पेशेंस रखना है। वो पेशेंस आपको दो तरीके इसको समझना है, दो तरीके बोले तो आप पेशेंस रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, जब रेट बढ़ेगा तब तक रोक सकते हैं। जैसे आपको 1 साल तक 2 साल तक 3 साल तक कुछ नहीं करना है, सिर्फ होल्ड करके रखना है। जैसा भी रेट मल्टीप्लाई करेगा ऑटोमेटिकली आपका पैसा मल्टीप्लाई करने वाला है, उसके लिए कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन दूसरा एक ऑप्शन क्या दिया कंपनी, अगर आपको वहां तक रुकना है तो सिर्फ रुकना पड़ेगा, लेकिन स्वैपिंग करेंगे तो आपको पर मंथ आना स्टार्ट हो जाएगा, वो भी 5 साल तक आता रहेगा। ये चीज तो आपको समझना है। तो मेरा आपके लिए सबके लिए, जैसा कंपनी का भी टारगेट है, कंपनी भी कहती है क्या, आप अगर आपके पास जितना भी कॉइन रहेगा उसमें से 50% आप स्वैप करो, 50% जैसा का वैसा रखो। क्यों बोलती है, क्योंकि कंपनी को भी पता है उसका फ्यूचर अच्छा है, ये चीज को आपको समझना है। नहीं तो अलेक्स सर खुद नहीं बोलते कि आप स्वैप करो आधा पैसा ही रखो, वो भी बोलते हैं 100% आप स्वैप कर दो, लेकिन उनको ये पता है ये कॉइन हमारा गलत नहीं है, ये सिस्टम हमारी गलत नहीं है, तो ये यहाँ पे भी काम करेगा, यहाँ पे भी काम करेगा, यानी दोनों जगह पे काम करेगा। सिर्फ हमको क्या है, अगर दोनों बेनिफिट लेना है तो 2 जगह पे रख सकते हैं, 1 बेनिफिट लेना है तो 1 जगह पे जा सकते हैं। तो आपको दोनों ऑप्शन में आप जैसे कोई से रख सकते हैं, बाद में उसको प्रॉफिट जनरेट करेगा वो टाइम पे आपको प्रॉफिट जनरेट होगा, नहीं तो आप स्वैप कर सकते हैं, वहां पे प्रॉफिट जनरेट करना है तो वहां पे जनरेट कर सकते हैं। लेकिन मैं अपनी कम्युनिटी के लिए स्पेशली, क्योंकि लोग मेरे साथ जुड़े हैं तो मेरे को उनकी ख्याल है, इसके वजह से मैं 100% आपको राय दूंगा, आपके पास जितने भी कॉइन है वो पहले स्वैप करो, और वहां से जो इनकम आएगा वापस चाहे तो आप अल्टिमा लेके रखो, नहीं तो फिर आपका नया जो अल्टिमा आएगा उसको आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल अगर आपके पास जितना भी अल्टिमा की ताकत है, जो भी क्लासिक की ताकत है, वो सब आप क्या करो, स्वैप करो, 100% स्वैपिंग करो, ताकि क्या होगा आपको 100% आपका पैसा एक सिक्योर हो जाएगा। पहला पार्ट क्या होगा, आपका पैसा 100% सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि तो $20,000 यानी लगभग आज के रेट में अगर कैलकुलेशन करेंगे लगभग 60-70 गुना मल्टीप्लाई हो रहा है। ये चीज को समझना है, आज के रेट $300 की भी बात करेंगे ना, लगभग 70 गुना 80 गुना पैसा आपको जनरेट हो रहा है मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, आज की वैल्यू के हिसाब से। तो ये चीज को आपको समझना है। अगर आपका पुराना भी पैसा है तो भी वो मल्टीप्लाई कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा है। पुराना भी अगर आपका कॉइन है तो मैंने पहले ही बोला आपका 1 कॉइन का 6 कॉइन 5 कॉइन अगर बना के दिया है और उसको $20,000 भी दिया जा रहा है तो आपका $100,000 से भी अगर आपने परचेस किया है तो भी आप प्रॉफिट में, कोई नुकसान नहीं रहेगा। लेकिन सिर्फ पेशेंस रखना है, आप वहां पे कोई भी आप नुकसान करके नहीं जाएगा या किसी का भी नुकसान नहीं होने वाला, ये चीज को समझना है। तो इसीलिए मैं क्लासिक के लिए बात करूंगा, यहाँ पे आप स्वैपिंग का ऑप्शन अभी भी जा रही है, आप वहाँ पे स्वैपिंग कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्वैपिंग जैसा जो प्लेटफॉर्म है वो अपने इस प्लेटफॉर्म के अंदर आने वाले समय में भी इतना बड़ा प्रॉफिट जनरेट करके देने वाला अपना टेक्नोलॉजी मार्केट में नहीं रहेगा, ये चीज को समझना है। क्योंकि स्वैपिंग इतना गुना पैसा बना के दे रहा है, आज अगर कोई परचेसिंग करेगा और उसको मैं कॉइन अगर जनरेट यानी वापिस स्वैप करेगा उसको, इसको 5 साल में जो पैसा मिलने वाला है वो तो हम 70-80 गुना की बात कर रहे हैं, या बीच में लोगों ने जो किया उसको 100 गुना से भी ज्यादा मल्टीप्लिकेशन होने वाला है, लेकिन हम सीधा बात कर रहे हैं। लेकिन ये भी समझना है कि आपको पहले महीने भी इनकम आ रहा है, दूसरे महीने भी इनकम आ रहा है, तीसरे महीने भी इनकम आ रहा है, ऐसा हर महीना आ रहा है, और उस पैसे को अगर आप अलग जगह से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे तो उसका प्रॉफिट जनरेट करके रहेंगे तो आपको उतना गुना मल्टीप्लाई हो सकता है, यानी 5 साल के बाद नहीं मिलने वाला है, 5 साल तक मिलने वाला है, ये चीज को समझना है। 5 साल के बाद अगर मिलना वो बात अलग होती है, 5 साल तक मिलना बात अलग होती है, ये चीज को आपको समझना है। और यह सिस्टम के साथ आपको समझ के आगे बढ़ना है, अगर समझ में नहीं आया एक बार नहीं 2 बार 10 बार आप जो भी आपके साथ जुड़े उनके साथ बैठो, सिस्टम के साथ बैठो, कंपनी के साथ, अगर आपके जो भी जो वीडियोज है या जो कंपनी की मीटिंग्स है उसको अटेंड करो। यहाँ पे सिर्फ आपको टाइम देना है और सोच समझ के समझ लेना है, ये इसका ही पैसा आपको मिलने वाला है, ना कि उसके लिए आपको अलग काम करना है, ना कि उसके लिए आपको अलग कई जगह पे जाना है। अपने घर में बैठे हुए, अपने जगह पे बैठे हुए आप ये सब चीजें कंप्लीट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, इस चीज को आपको समझना है। ये सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे बैठने का काम है, या इसके लिए आपको कुछ भी किधर भी जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको आपका मोबाइल सही होना चाहिए, नेटवर्क सही होना चाहिए और आपका सोच यानी आपका दिमाग एक जगह पे होना चाहिए। नहीं तो आप मीटिंग स्टार्ट कर रहे, मैं देख रहा हूँ कोई लोग खाना खा रहे, कोई लोग सो रहे, कोई लोग टीवी देख रहे और मीटिंग सुन रहे, तो ऐसे लोग यहाँ पे सक्सेस नहीं होंगे। जो लोग अगर अपना तन मन धन ये सब लेके अगर इस सिस्टम के साथ बैठेंगे, सिस्टम को समझ के लेंगे, उसी को पैसा मिलेगा। जैसे हम अगर पिक्चर को फिल्म देखने के लिए जाते हैं थिएटर में, तो वो टाइम पे हमारा घर पे क्या चल रहा है, ऑफिस में क्या चल रहा है, वो नहीं देखते हम, सिर्फ पिक्चर देखने को एक समय देते,
उसी तरह अगर मीटिंग के लिए उसी टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आप सिस्टम को समझने के लिए काम करेंगे, बाकी सब काम अगर नहीं करेंगे तो 100% में गारंटी देता हूं आपको ये सिस्टम में आपको सक्सेस होने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता, अलग सर भी नहीं रोक सकते। ये चीज को मैं इतना ही बोलता हूँ और यहाँ पे मेरे अपडेट के लिए मैं यहाँ पे रुकता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसके बाद जो भी दीपक आगे कोई शेयरिंग करने वाले जो भी रहोगे उनको ये कर सकते, जो भी लोग दो रहेंगे तीन जो भी, उसके बाद किसी का अगर सवाल रहेगा उसके ऊपर बात करेंगे। एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे फिर ऐड करूंगा और मैं यहाँ पे रुकूंगा। जो अपना 4 मार्च का फंक्शन का प्रोग्राम के लिए मैंने बहुत बार बोला है आप लोगों को, अभी भी टाइम गया नहीं है। जो भी लोग अगर आना चाहते जल्दी से जल्दी उसको अपडेट करो, जल्दी से जल्दी आपके पासपोर्ट रेडी करो, जल्दी से जल्दी आप उस सिस्टम का हिस्सा बनो, ताकि ये सिस्टम आपका पूरा लाइफ चेंज कर सकता है। आप छोटे से अमाउंट के लिए मत देखो, फ्यूचर के लिए देखो, हमारे आने वाले भविष्य के लिए देखो, हमारे खुद के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे साथ जो लोग आने वाले उनके लिए अगर आप देखेंगे, ये जो पिकनिक नहीं है, ये पिकनिक के साथ साथ आपका एंजॉयमेंट, साथ साथ आपका एक अर्निंग पॉइंट है। यहाँ पे बहुत बड़ा अर्निंग कर सकते हैं आप, ये चीज को समझना है। मैंने पहले ही बोला जो खुद आएगा वो तो पैसा बनाएगा, लेकिन वो किसी को लेके आएगा तो पर व्यक्ति आप कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा पैसा 1 साल के अंदर बनाएंगे। इतना ही मैं बोलता हूँ और मैं यहाँ पे रुकता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दीपक कंटिन्यू। ओके थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। Yes. आपने सर बहुत ही अच्छा यहाँ पे अपडेट दिया है सर, और हम यहाँ पे जानते जो आपने जूम सीरीज चालू किया थी सर, आज हम उसके 35वें दिन पे 35 डेज है आज। और ये सच में आपने जो कारवा उठाया था सर, 1 जनवरी से कंटिन्यू जूम मीटिंग ले रहे, और सच में ये बहुत बड़ी बात है सर हमारे लिए, क्योंकि अभी तक मैं बोलता हूँ ये एक हिस्ट्री हुई कि कंटिन्यूसली 35 डेज, और ये भी एक ऐसी सिचुएशन थी कि उस सिचुएशन में कोई किसी का सुनने को भी तैयार नहीं था, और उस सिचुएशन ने आपने सबको यहाँ पे एक साथ लेके और एक ही ट्रेन में बैठा के आप उनको लेके चल रहे। उस ट्रेन का नाम है राजेंद्र एक्सप्रेस, और हम जानते हैं सर कि आप कम्युनिटी को साथ में लेके चलते हैं और उनके उनके बारे में ही सोचते, और हम देख रहे हैं अभी तक, आज उस दिन इतने सवाल थे, 15 दिन तक सवाल थे, आज एक भी सवाल नहीं है सर। और ऐसे ही हम इंडियन कम्युनिटी इसलिए आपको चाहते कि आप इतने अच्छे ग्रेट लीडर है, ये आप में कंसिस्टेंसी है, ये आप में ग्रेटिट्यूड है सर, इसलिए आप इस मुकाम पे हो, और हर कोई आपके जैसा बनना चाहता है, और आपको जो फॉलो करेगा सर वो सक्सेस हो जा, और इसी कारण से हर कोई आपको यहाँ पे फॉलो करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही हमारे साथ में जो मिस्टर राजेंद्र जी, मैं उनको राम बोलता हूँ, और उनकी जो वानर सेना लेके चल रहे अमोल जी क्षीरसागर, उनके ही टीम से आज उनका एक बंदा अपने सामने उनकी एक जर्नी शेयर करेगा, मनोज सोदारी सर, मैं आपको यहाँ पे इनवाइट करता हूँ और आपको अपनी यहाँ पे जर्नी शेयर करनी है। ओके थैंक यू दीपक सर, थैंक यू सो मच मुझे बोलने का मौका दिया। दीपक सर आवाज आ रहा है क्या? या या आवाज आ रही है सर, आप बात कर सकते हैं। आवाज क्लियर है सर? या ओके थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो मैं सबसे राजेंद्र उपाध्याय सर का बहुत बहुत यहाँ पर थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि सर ने पूरे देश भर में दौरा करके अपना प्लैटिन वर्ल्ड जैसा प्लेटफॉर्म अपने मिडिल क्लास जैसे लोगों को उपलब्ध करके दिया है। तो सर के वर्क के बारे में तो बहुत बड़ी, यानी उनका एक इतिहास उन्होंने बनाया है, तो सर के लिए तो मैं यहाँ पर बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात है मेरे ऑफलाइन मिस्टर अमोल क्षीरसागर सर, जो चंद्रपुर से बिलोंग करते हैं, और चंद्रपुर जिला विदर्भ में एक छोटा जिला करके जाना जाता है, लेकिन चंद्रपुर में अमोल सर ने ऐसा काम करके दिखाया जो शायद ही बहुत बड़े बड़े लीडर ने किया नहीं। तो अमोल सर का भी मैं यहाँ बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्यों, जब सब लोग पैनिक सिचुएशन में थे तब अमोल सर ने एक महीने का मूवमेंट चलाया, यानी एक महीना ऐसा चलाया उन्होंने वर्किंग कि सब लीडर लोग फिर से एक्टिव हो गए। तो अमोल सर का बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही साथ मेरे दूसरे अपलाइन है मिस्टर सूरज वाघमारे सर, जिन्होंने एक अच्छी तरह यानी इस प्लेटफॉर्म का एक एजुकेशन लिया, और एजुकेशन लेके
हम लोगों को टीम में एजुकेशन बांट कर उन्होंने एक हम लोगों को अच्छा मोटिवेट किए। तो आज मिस्टर सूरज वाघमारे सर का यहाँ पर मैं खूब खूब थैंक्स बोलना चाहता हूँ। साथ ही साथ मेरे छोटे भाई लाला विके जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म में इतना मदद किया कि जिनके वजह से मैं आज उनके सपोर्ट की वजह से मैं बहुत यहाँ पर एमराल्ड रैंक तक पहुंचा और एक अच्छी टीम मैंने यहाँ पर खड़ी की है। और ये तो मेरे साथ के पार्टनर या ऑफलाइन थे, लेकिन मेरे जो टीम में वर्क कर रहे ऑनलाइन मेरे पार्टनर्स, उसी में सबसे पहले नाम लेना चाहता हूँ प्रदीप देवाड़कर, और उसके बाद है अपने महेश जगनाड़े जी, जावेद और मेघा खारीकर करके एक मैडम है। इन सब लोगों की वजह से आज मैं जो कुछ बनाऊ इनकी वजह से बनाऊ, आज मैं इस लेवल में हूँ कि इनकी वजह से। तो सर ये इन सभी ऑफलाइन और डाउनलाइन का यहाँ पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साथ ही साथ हमारे सबके गुरु, सबके प्रेरणा स्थान, अपने सबके आदर्श मिस्टर एलेक्स रेनार्ड सर, उनको नमन करते हुए मैं अपनी जर्नी को स्टार्ट करता हूँ। तो सर मेरा नाम मनोज सुधारी है, मैं चंद्रपुर में मेरा रहना चंद्रपुर में है। मैं पिछले 15 साल से सर सोशल फील्ड में काम करता था, सामाजिक क्षेत्र में, और सामाजिक क्षेत्र में काम करते समय मुझे यानी मैं बहुत हैप्पी था उस क्षेत्र में, और मुझे इसी मेरे वर्क से जिला प्रशासन खुश होकर मेरे को सत्कार भी उनके हस्ते की, और पेरे पाटिल करके माने हुए बहुत बड़े सरपंच है उनके हस्ते भी मेरा सत्कार हुआ। लेकिन सर ये सब चलते हुए भी एक कोरोना का जो पीरियड आया उस समय में क्या हो गया कि हम लोग जो सोशल फील्ड में काम करने वाले लोग थे उनका पेमेंट बंद हो गया सर, क्योंकि वर्किंग बंद यानी पेमेंट बंद। और सोशल फील्ड में अक्सर क्या होता है कि हम लोग सेविंग बहुत रखते नहीं, तो इस वजह से मुझे फैमिली मैनेज करना बहुत मैं डिस्टर्ब हो चुका था उस समय में, और बहुत पैनिक सिचुएशन में चले गया था। और साथ ही साथ मेरे पीछे मेरी फैमिली थी, मम्मी पापा, उसके बाद बड़ा भाई, और मेरे बड़े भाई को गंभीर कोरोना का प्रॉब्लम हुआ और वो एडमिट था। तो उस समय में मुझे लगा कि कुछ तो भी ऐसा अपने लाइफ में एक पार्ट टाइम वर्क चाहिए, तो पार्ट टाइम वर्क किससे मिल सकता है, तो ये अपना स्मार्टफोन है, मोबाइल है, इस माध्यम से हमको पार्ट टाइम मिल सकता है। तो मैं ये रिसर्च करते गया, लेकिन उसी दरमियान मिस्टर वाघमारे सर अपने दुबई का दौरा करके आए, दौरा करके आने के बाद हमसे मिले, लाला सर से और मुझसे, और उन्होंने शेयर किया कि दादा बोले ऐसा ऐसा वर्क है और तू अच्छी तरह ये इसमें कर सकता है, और मेरी थोड़ी सी मेंटेलिटी थी। तो फिर हम लोग मिलके अमोल सर की तरफ गए, अमोल सर मेरे मित्र थे, तो उन्होंने अच्छी तरह समझाए सब समझ कर, फिर मैंने करीब करीब एक महीना इसके बारे में जाना, क्योंकि सोशल फील्ड का एकदम से मैं उतर नहीं सकता था। तो फिर मैंने पूरा जाना और इस टेक्नोलॉजी को जाना, अपने कॉइन का वर्किंग के बारे में जाना, तो बार बार उपाध्याय सर से भी बहुत सारे चीजें मुझे सीखने मिली। तो फिर मुझे लगा कि ये प्लेटफॉर्म बेस्ट है। तो मेरी जर्नी सर 1 साल पहले स्टार्ट हुई थी, 1 फरवरी को मेरा 1 साल कंप्लीट हुआ, उसी दिन राजेंद्र उपाध्याय सर का 5 साल कंप्लीट हुआ, ये एक योग जुड़ गया मेरा 1 साल के लिए। तो मैंने ये 1 साल में बहुत कुछ चीजें सीखा हूँ सर, मेरी सोच, मेरी विचारधारा सब चीजें बदल गई, क्योंकि मैं एक दायरे में बंधा हुआ था, एक सोशल फील्ड में बंधा था, और बिजनेस वगैरह के बारे में उतना मैं सोचता नहीं था। लेकिन मुझे पता चला इस फील्ड में आके कि आदमी बहुत सारा यहाँ पर अचीव कर सकता है, सिस्टमेटिक टेक्नोलॉजी का स्मार्ट वर्क करके बहुत पैसा जनरेट कर सकता है। तो मैंने स्टार्ट किया धीरे धीरे धीरे, एक एक करते करते मेरा कारवा आज बहुत बड़ा हो गया, और मेरी टीम भी बहुत एक्टिव वर्क कर रही है, करीब करीब 500 से 600 लोग मेरे टीम में है, उसमें कुछ लोग एक्टिव है और कुछ इन्वेस्टर है। तो सर इसमें सीखने के लिए इतना कुछ मुझे मिला कि अभी मैं किसी भी रेस में मुझे छोड़ देंगे तो उस रेस में मैं आगे आ जाऊंगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म मुझे इस तरह सभी लीडर के वजह से मिला है। और सर एमराट रैंक तक के मेरा जो जर्नी था इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव थे, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं इस फील्ड में आया तो कॉइन का रेट अप मूवमेंट में चल रहा था, तो अप मूवमेंट में चलने की वजह से क्या हो गया, उत्साह मिल रहा था, पॉजिटिविटी, बहुत एनर्जी मिल रही थी, और उस समय में मैंने फुल फोकस से काम किया। लेकिन इसका दूसरा भी पार्ट है जो क्रिप्टो की रियल यानी उसका नेचर के हिसाब से वो चलता है, एक तो अप होगा या तो डाउन होगा। लेकिन जब डाउन हुआ तब यानी हम लोग सब पैनिक सिचुएशन में आ गए थे, क्योंकि हमारे ऊपर कुछ लायबिलिटी थी कुछ लोगों की, लेकिन अमोल सर और हम लोगों की टीम
सब मिलकर ये डिसाइड किए कि हम लोगों को यानी बिल्कुल स्टेबल रहना है, बिल्कुल डगमगाना नहीं, और हम लोगों को पूरे जितने भी लोग पैनिक हुए उन लोगों की पैनिकनेस दूर करने का है। तो हम लोग डेली अमोल सर के माध्यम से हम लोग डेली वो मीटिंग लेते थे निगेटिव लोगों को, और उनको प्रॉपर वे से हम लोग ये सब बता देते कि अपना प्लेटफॉर्म कितना स्ट्रांग है, एलेक्स सर का विजन जो 25 साल का विजन उन्होंने दिखा बताए सभी क्लियर कट हम लोग यानी शेयर करके उनको वहां पर तक उनको हम लोग ने साइलेंट किया और उनका पैनिकनेस दूर किया सर। तो इस वजह से हम लोगों को एक प्रेरणा मिली, सब चीजें हम लोगों को अभी शुरुआत में जो हमारे विरोध में थे यानी शुरुआत में जो हम लोगों से निगेटिविटी थे वो लोग अभी पॉजिटिविटी आए, जो लोग ठंडे बैठे थे वो फिर से वर्क करना चालू किए। तो एक चंद्रपुर में अमोल सर ने ऐसा एटमोसफेयर क्रिएट किया है कि उनको भी मैं सलाम करता हूँ कि एक मेरे ही उम्र का लड़का और आज इतने चंद्रपुर जिले में इतना जबरदस्त काम किया है उन्होंने, तो सभी के लिए उन्होंने बेस्ट वर्क करके दिखाया, अपने आप को प्रूव करके दिखाया। तो सर ये मेरी एक छोटी सी जर्नी हो गई, इस जर्नी में मैंने अच्छा खासा पैसा भी कमाया और कभी सोचा नहीं था कि दुबई जैसे मैं दूसरे कंट्री में जा पाऊंगा, लेकिन इस प्लेटफॉर्म ने मुझे दुबई भी दो बार लेके गया, उसके बाद लोनावाड़ा में काफी बार ट्रेनिंग हुई उसमें भी मैं अटेंड किया। मैं हमेशा अरुण तोमर सर को मिस करता हूँ, वो कहाँ गए पता नहीं, लेकिन अरुण तोमर सर भी इस प्लेटफॉर्म में दिखते रहना चाहिए मुझे हमेशा लगता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने लोनावाड़ा में अरुण तोमर सर को सुना वहां से ही मुझे यानी इसके बारे में बहुत ज्यादा लगाव हो गया, और उनके जो वर्ड्स थे एक एक वर्ड्स मेरे कान में गूंजते थे और वो बता देते कि क्रिप्टो किस तरह है और कैसा अपना सब प्लेटफॉर्म है। तो मैं चाहता था कि वो भी इस प्लेटफॉर्म में दिखते रहे, तो इसी तरह मेरी जर्नी थी सर। और मैंने यहाँ ये मेरी जर्नी थी, लेकिन मैंने क्या सीखा, एक्चुअली क्या सीखा लोगों से, कम्युनिटी से मुझे क्या मैसेज मिलता था, साथ ही साथ मैं ग्रास रूट लेवल में काम करता था, लोगों के दिक्कतें क्या थी वो सब चीजें यहाँ सीखने मिला। वो क्या चीज थी सर, एक्चुअली लोग अभी भी मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि मेन प्लैटिनम पॉइंट वर्ल्ड का विजन क्या है और क्रिप्टो किस तरह वर्क करता है उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं, बहुत सारे लोगों को यानी क्रिप्टो यानी सिर्फ बेनिफिट ही सोचते हैं, सब पॉजिटिव यानी पैसा ही मिलेगा, बहुत कम समय में ज्यादा पैसा बनेगा, इस तरह की सोच के वजह से लालच की वजह से बहुत सारे लोग यहाँ इन होते हैं। उसका ही उसी वजह से हमको पिछले टाइम जो रेट अभी रेट जब गिरा तो उस सभी चीजों का हम लोगों को दिक्कतें आई, लेकिन ओरिजिनल क्रिप्टो का जो नेचर है नेचर वही है कि एक तो अप होगा एक तो डाउन होगा। तो इस तरह हम लोग अभी जैसे अभी एक्स में वर्क कर रहे हैं कि यही चीजें लेके हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो अभी हम लोगों को उतना दिक्कत नहीं जा रहा। और अपडेट एक इम्पोर्टेंट पार्ट है अपने अपने क्षेत्र में, क्योंकि अपडेशन ये 10 दिन का भी हो सकता है, 15 भी, 1 महीना, तो हम लोग पहले लोगों को बता दे रहे कि ये अपडेशन हो सकता है तो आप लोगों को रुकना पड़ेगा। इसलिए अभी अपडेशन जो चल रहा है इस समय में भी हम लोगों को कोई उतना क्वेश्चन करता नहीं, पूछता नहीं, क्योंकि जो प्लैटिनम वर्ल्ड का जो विजन है वो क्लियर कट बताया है। और मेन बात तो हमारे एलेक्स सर दुनिया में 7वें नंबर के व्यक्ति है, 8 से 7वें में छलांग हो गए उनकी, तो ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ आज हम काम कर रहे हैं, ये हमारे सबके लिए बहुत भाग्य की बात है। और सर इस प्लेटफॉर्म में जुड़ के मैं बहुत बहुत धन्य हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म में एक फैमिली मिली है और इस फैमिली सुख दुख में हमेशा साथ रहती है। तो मैं यहाँ पर फिर एक बार मुझे बोलने का मौका मिला, इसलिए मैं दीपक सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उपाध्याय सर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, अमोल सर है, सूरज सर है, लाला सर है, ये सब मेरे कलीग और मेरे ऑफलाइन ऑनलाइन सभी का यहाँ पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। यस सर, थैंक यू, बहुत अच्छा आपने जो भी जर्नी की और सही में आप मेहनत कर रहे उसके वजह से आप कंटिन्यू चल रहे, आपका पूरा कम्युनिटी आपका जो पूरा टीम है वो सही में अच्छी तरह से मेहनत कर रहे, मैं देख रहा हूँ एक एक आदमी यहाँ से तारीफ के काबिल है। ओके कंटिन्यू, थैंक यू मनोज सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना जर्नी शेयर किया और मिलते हैं जल्दी दुबई में। यहाँ पे हम सभी आपने कहा है कि अरुण सिंह तोमर मिस्टर राजेंद्र उपाध्याय जी सर भी उन्हें मिस करते हैं, लेकिन उनकी जरा तबियत खराब होने के कारण वो अभी नहीं है। और हमारे साथ एक ऐसे शख्स है अभी जो कि कंटिन्यूसली मिस्टर राजेंद्र जी के कंधे से कंधे मिला के चलते हैं और हमेशा उनके कोई भी सिचुएशन रहे वो हमेशा उनके साथ में रहते। ये दोनों भाई
यानी कि राम लक्ष्मण की जोड़ी है और वो हमारे साथ अभी कंटिन्यूसली जुड़ चुके हैं और उन्होंने सब काम निपटा के अभी वो 24 आवर्स लैटिन कॉइन के साथ जुड़ चुके हैं। तो ऐसे भालेराव सर जी मैं आपको यहाँ पे इनवाइट करता हूँ, आप कम्युनिटी को यहाँ पे गाइडलाइन कीजिए सर। भालेराव सर सबको नमस्कार। तो सबसे पहले मैं उपाधि जी को थैंक कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी गाइडलाइन जो दुबई में बैठ के जो आपको दे रहे हैं, सभी लोगों को दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मनोज जी भी आज जो दिखाई दिए मेरे को, मनोज जी आवाज आ रही सर? हेलो, आ रही सर आवाज, क्लियर आवाज है सर, बोलिए। जो आज तैयार हुए तो आपके अपलाइन की वजह से, क्योंकि अमोल जी बहुत बड़ी मेहनत कर रहे हैं और अमोल जी जो मेहनत कर रहे, जो बुरे वक्त के टाइम पे जो मनोज जी ने जो सामने आए और सभी लीडर्स को जो दिया है, गाइडलाइन किया है, वो बहुत बढ़िया है। इसी के वास्ते आज देखा जाए तो मनोज जी की और जो अमोल जी की जो टीम है वो हमेशा एक्टिव है। क्यों एक्टिव है? क्योंकि वो हमेशा लगातार नॉलेज लेते गए और किसी को भी किसी लीडर को छोड़ा नहीं है, इसी के वास्ते वो एक्टिव रहे तो उसका फल तो उनको मिलने वाला है। तो अमोल सिरसागर जी हमेशा मैं ग्रुप पे देखता हूँ, हमेशा एक्टिव रहते और आप उनके टारगेट। और बहुत सारे लीडर को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी बंदा यहाँ पे एक्टिव रहेगा, जो भी बंदा जूम के साथ में रहेगा, जो भी बंदा नॉलेज लेगा, जो भी बंदा आप उनके टीम को नॉलेज देगा, वो कभी भी पीछे नहीं रह सकता है। तो हमारा भी सक्सेस का राज यही है, जूम मीटिंग। और जूम मीटिंग में जितना नॉलेज मिल रहा है, जो पैनिक सिचुएशन में थे सब लोग, तब उपाध्याय सर ने जो गाइडलाइन किया है बहुत बेहतरीन गाइडलाइन किया है, क्योंकि सभी लोग पैनिक सिचुएशन में थे और हर दिन सर वहां से बैठ के आप उनको नॉलेज दे रहे थे और उस नॉलेज की वजह से आप पैनिक सिचुएशन नहीं रहे। अभी दीपक सर ने बोला किसी का कोई भी एक्सक्यूज नहीं रहा, सवाल जवाब अभी कुछ भी नहीं रहा है। क्यों नहीं रहा है? क्योंकि आज हमेशा लोग यहाँ पे जो आ रहे हैं वो नॉलेज ले रहे हैं। और दोस्तों इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम को छोड़ो मत, क्योंकि ये सिस्टम इतना बेहतरीन है, शायद आप क्वालिटी में भी इतना पैसा नहीं मिला, इतना पैसा इस सिस्टम से मिलने वाला है कि आगे की टेक्नोलॉजी बन चुकी है। जो टेक्नोलॉजी स्टार्ट हो रही है वो इतनी बेहतरीन से बेहतरीन हो रही है, जो 6-7 साल से कंपनी अलेक्स सर की इनकी जो मेहनत है वो अभी रंग लाएगी। लेकिन जो बंदा यहाँ पे टिका रहेगा वो 100% वो पैसा कमाएगा। आज तक जो भी बंदे यहाँ से निकल गए हैं वो हमेशा पछतावा ही करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बंदे हैं, बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे यहाँ से छोड़ के गए हैं दूसरी कंपनी में, लेकिन वो 4-4, 6-6 महीने कंपनी चली नहीं। और ये एग्जाम्पल है, 6-6, 7-7, 7वां साल चल चुका है और यहाँ पे जो बंदा टिका रहेगा, जो बंदा पेशेंस रखेगा, वो 100% पैसा कमाएगा। और इसने आज तक कभी पैसा नहीं देखा होगा, इतना सारा पैसा यहाँ पे देखेगा, लेकिन कौन देखेगा? जो बंदा यहाँ पे टिका रहेगा, जो बंदा पेशेंस रखेगा, जो बंदा जो सिस्टम जैसे बोल रहे सर वो सिस्टम को फॉलो करेंगे, वही बंदा टिका रहेगा, वही बंदा पैसा कमाया। दोस्तों आज देखा जाए तो हमको भी इस अप्रैल में 3 साल कंप्लीट हो रहे हैं, भले हमारे साथ में थोड़ा सा या नासिक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसी की वजह से हम थोड़े से बाजू में गए थे, बराबर दिक्कतें पैदा हो रही थी, परेशानी बढ़ रही थी इसी के वास्ते, नहीं तो आज तक देखा जाए तो उपाध्याय सर हम कहा नहीं थे। ऐसा देखो आप, अमोल सर किसी की भी टीम हो, हमने भी किसी की भी टीम हो तभी हमने ओप्पो गाइडलाइन देने की कोशिश की, कभी ये नहीं देखा कि ये किसकी टीम है, ये किसकी टीम है, लेकिन सारे अपन बिजनेस पार्टनर से ये समझ के सारे लोगों को गाइडलाइन करने की कोशिश की। दोस्तों ये सब आप सब मिलकर इसी तरह से अगर गाइडलाइन करते जाएंगे तो आपको नॉलेज भी बढ़ेगा और आपको सारे लोग मानेंगे, सारे लोग आपको पहचानेंगे। तो यही करना है, ये किसकी टीम है, डाउनलाइन अपलाइन नहीं बोलना है, सब बिजनेस पार्टनर्स है, सभी बिजनेस पार्टनर्स को एक तरीका सभी को गाइडलाइन करना है और अपन की कम्युनिटी को बढ़ाना है, अलेक्स सर को हेल्प करना है। अगर कंपनी है तो अपन सब कुछ है, अगर यहाँ पे अपन की लाइफ सेट होने वाली है तो एक दूसरे को यही बोलो कि किधर भी जाना नहीं है, टिके रहना है। क्रिकेट में अगर टिके रहे तो नो बॉल वाइड बॉल जैसे मिलते हैं वैसा यहाँ पे बहुत सारा इनकम मिलने वाला है, सिर्फ टिके रहना है। ज्यादा बोलता नहीं हूं मैं क्योंकि बहुत सारा वक्त हो चुका है, ये की बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे पेशेंस रखेंगे तो पैसा कमाएंगे,
पेशेंस नहीं रखेंगे तो पैसा नहीं कमाएंगे, बाद में सिर्फ पछतावा पछतावा और पछतावा ही करना पड़ेगा, क्योंकि वक्त चला जाएगा। अभी बहुत बड़ा वक्त आए पैसा कमाने का, इससे बड़ा मौका तो कभी नहीं मिलेगा। तो यही सभी को विनती है, पेशेंस रखो, बहुत बड़ी सिस्टम कामयाब होने वाली है और आगे जाके बहुत बड़ा पैसा मिलने वाला है, तो पेशेंस के साथ चलेंगे तो बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। इतना ही बोलना चाहता हूँ और मेरी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सर बोलने का मौका दिया, इसी के वास्ते मैं रुकता हूँ। प्लैटिन कॉइन टाइम इज नाउ। यस सर, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा गाइड किया। सही में आप भी मेरे पंडित से अंदर मिला के काम कर रहे, इसलिए सब हम लोग सब कार वाले के यहाँ पे पहुंचे और आगे बढ़ रहे और हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। और सब लोगों को जो भी अभी तक पैसा मिला है उसे कई गुना ज्यादा पैसा मिलने का मौका इस सिस्टम के माध्यम से हम लोगों को देंगे और सब लोगों का हर सपना पूरा होगा कि वे या इस सिस्टम के माध्यम से। तो थैंक यू सर। इसके बाद दीपक कौन है अभी? बहुत बहुत शुक्रिया योगेश सर, आप कंटिन्यू हमें गाइडलाइन करते हैं और मिस्टर राजेंद्र जी के साथ में आप कंटिन्यू रहते हैं, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और हम अभी जो हमारा एलेक्स कर का कैलेंडर है 2023 का, उसमें आज ये फरवरी मंथ का कोट से कि आप कहाँ से, आप कौन हो, ये कोई मायने नहीं रखता, आप कहाँ से हो ये कुछ मायने नहीं रखता, और आप क्या लीड कर रहे हो और आप क्या करना चाहते हो ये कोई मायने नहीं रहता, सिर्फ आपको काम करना है, हर किसी को एक ना एक दिन चांस मिलता है। और ऐसे ही हमारी सब कम्युनिटी, अगर किसी को यहाँ पे कुछ अपना शेयरिंग करना है, अगर कुछ बात रखने की, तो आप अपना हैंड रेज यहाँ पे कर सकते हैं। डॉक्टर जलील सर अपना हैंड रेज करें दो बार उनको जरा। हाँ हाँ ठीक है जलील सर, आप का ठीक है, आपको अनम्यूट करते हैं, अपना वीडियो स्टार्ट कर दीजिए एक बार। डॉक्टर जलील सर, तब तक हम सुचिता परब, आप अपना वीडियो स्टार्ट कीजिए तब तक। डॉक्टर जलील सर आप सुन रहे हैं? या सुचिता परब, हाँ सुचिता सर आपको यहाँ पे अनम्यूट किया है, आप अपनी जो शेयरिंग है यहाँ पे कर सकते। हेलो, हाँ बोलिए सर। उपाध्याय सर का कल की जर्नी सुन के मेरे को अच्छा लगा, इसके लिए उनके लिए मैं धन्यवाद। तो मेरे को एक काम था कि जो उपाध्याय सर का नंबर चाहिए था, मेरे को जरा बात करना था, मिल सकता है क्या ऐसा? मिलेगा सर। हेलो हेलो उपाध्याय सर, एक मिनट सर, एक वन मिनट सर। आप कहाँ से? एक मिनट सर, मैं बता दे। हाँ बोलो ना, नंबर बोलो ना, मैं आपको बता देता। 84 84 11 88 88 16 16 82 82 एक मिनट, मैं इंडिया से सर बोल रहा है। सब लोग इंडिया से है लेकिन कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं इंडिया बांडू से बोल रहा हूँ। आपका अच्छा लगा मेरे को, वो जिन्होंने आपने जर्नी आपकी बताई ना सर, इसके लिए मेरे को अच्छा लगा और मेरे को ऐसा ही जर्नी मेरे को आगे लेके जाना खुद का। यस सर, यस। इसके लिए मैं आपका गाइडलाइन लेना चाहता हूँ। यस सर, कोई बात नहीं। इसके मैं अभी तो मेरा 6 फॉर्म लिया है मैं सर। Okay. जो लीडर है बिजी बहुत रहते हैं ना, इसके लिए मेरे को उनसे ज्यादा कांटेक्ट में करता नहीं है, क्यों उनको डिस्टर्ब नहीं करते। तो आपको सर कोई बात नहीं। यस सर, आपको कॉल कभी कर सकते सर? चौबीस घंटा कभी भी। ठीक है, इंडियन टाइमिंग के हिसाब से अभी 24 आवर बोले तो पूरे दुनिया के लिए है ना सर, उसमें अभी क्या बात है उसमें? आप बिजी रहते ना सर, इसके लिए पूछा। इसलिए मैं बोला 24 घंटे के लिए, खाली मीटिंग में रहेगा तो कुछ बातें करते रहेगा तो वो टाइम पे आपको रिटर्न कॉल आएगा, इतने बात। ओके ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। ओके सुचित सर, 24 आवर्स आप कभी भी कॉल कीजिए सर, एनी टाइम अवेलेबल रहते। और ये असली लीडर की पहचान, जो लीडर
चलता है ना, जो लीडर लोगों को लीड कर रहा है ना, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि लाइव मीटिंग में, और वो भी यूट्यूब पे मीटिंग रहती है, और लाइव मीटिंग में कोई लीडर अपना नंबर देता है, बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर जलील सर आप सुन रहे, इसीलिए मिस्टर राजेंद्र जी को सभी फॉलो करते हैं और हर कोई उनके जैसा बनना चाहता है। गंगाराम जी आपको यहाँ पे अनम्यूट किया है, आप अपना शेयरिंग करी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत दिन के बाद मिले, बोले कांग्रेचुलेशन आपको। कल तो कहीं नहीं पाया मैंने, रेडियन के इलेक्शन मुझे वो आउट कर दिया था, कल लेट हो गए थे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका तहे दिल से अलग सर का जो उन्होंने स्वीट डिश बनाई है ना, उसको इतना अच्छा प्रेजेंट कर रहे हो आप, और उस स्वीट डिश को राजस्थान में कोरोना काल में लेके आए आप, और आपने मुझे पहला प्लान दिया है। और उस दिन डॉक्टर साहब को मैंने कहा सर एनर्जी बहुत इसमें ले लो आप, मिंटिंग बॉक्स 5 लाख वाला पैकेज ले लो। तो उन्होंने लिया, और फिर उन्होंने मेरी 11,000 की आईडी लगाई, और आपके माध्यम से मेरी टीम आज ब्लू डायमंड के लगभग हो रहा हूँ मैं, कुछ परसेंटेज बाकी है, और मैं चाह रहा हूँ कि 4 मार्च को ब्लू डायमंड बन के आऊंगा। ओके, दो बार दुबे आ चुका हूँ मैं, डायमंड बन गया, लेकिन अब के ब्लू डायमंड हो गया तो आऊंगा। कोशिश अचीवमेंट करके आएंगे तो इस स्टेज के ऊपर जाना मिलेगा, ये सबको बोलता हूँ मैं, ये ध्यान रखना। तो इसलिए जल्दी जल्दी अपना छोटा मोटा जो भी रैंक रहेगा वो अचीव करना पड़ेगा, नहीं तो टेस्ट के ऊपर जाने को नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। सर, जो भी टॉप लीडर्स है कंपनी को उनका, सॉरी यहाँ पे एक बोलता हूँ मैं, जो भी टॉप लीडर्स है जिसका भी प्रमोशन हो चुका है उनका कंपनी की तरफ से मेल आया होगा उनका फोटो भेजने के लिए, तो आपने अपने मेल से उसको फोटो भेज देना, ये ध्यान रखना, जिसको भी कंपनी का मेल आया है वो चेक करना। दो बार है सर, दो बार दुबई आ चुका हूँ, दो बार दोनों डायमंड के लेके आया हूँ ये। लेकिन अब है ब्लू डायमंड वाला रैंक लेके आऊंगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, राजस्थान में अच्छा कार्य हो रहा है और टीम भी बहुत अच्छी पॉजिटिव है, सबको मैं स्वैपिंग का वगैरह सब करवा रहा हूँ, और डेली जूम पे आ रहे हैं, और बहुत बढ़िया टीम का ही बहुत बहुत धन्यवाद कि इस पैनिक सिचुएशन में आप लोगों ने संभाला है, और टीम भी पेशेंस वाली है, और बहुत ही बढ़िया। और भालराव सर आए और आनंद आ गया अभी, और रात दिन में भी भालराव सर ने परसों कम से कम आधा घंटा मुझे समझाया सर, बहुत बढ़िया गाइडेंस कर रहे हैं सर, और बहुत बहुत शुक्राना आप सभी के आध्यात्मिक और सर। आपको जर्नी बोलने के लिए बोला है, आपने बताया, हम लोगों ने बताया, अच्छी बात है, लेकिन आपकी जर्नी बताना है थोड़ा सा, इसलिए आपको आगे बुलाया है, तो थोड़ा सा लोगों को गाड़ी करो जर्नी के बारे में। मैं 3 व्हीलर से स्टार्ट हुआ, ऑटो रिक्शा चलाया मैंने, ये यही सबसे बात है, लोग 2 व्हीलर से स्टार्ट करते, कोई 4 व्हीलर से स्टार्ट करते, आपने 3 व्हीलर से स्टार्ट किया, ये सबसे बड़ी बात है। बोलो सर, मेरी प्रगति ऐसे, पहले लकड़ी का ठेला चलाया था 3 व्हीलर 10वीं क्लास तक, तो लोडिंग 3 व्हीलर, फिर 11वीं 12वीं में साइकिल रिक्शा 3 व्हीलर, फिर कॉलेज लाइफ कॉलेज लाइफ से अभी तक 47 साल की उम्र तक मैंने 45 साल तक ऑटो चलाया 3 व्हीलर। अब 45 साल से अभी 47 साल का हो गया हूँ, यानी अभी 2.5 साल हो गए मुझे प्लेटिन वर्ल्ड में, अब मैं प्लेटिन वर्ल्ड गया चला रहा हूँ सर। बहुत बढ़िया सिस्टम चला रहा हूँ प्लेटिन वर्ल्ड, लेकिन उसके साथ साथ 4 व्हीलर भी चला रहे ना। मैंने देखा है आप जो एक रिक्शा चलाते हुए ये सिस्टम को स्टार्टअप किया, जब आपके पास 11,000 रुपए भरने के लिए नहीं थे, मैंने देखा है, लेकिन मेहनत किया आपने सही में, और सही मेहनत आपकी रंग लाई, दिन रात जो आप मेहनत किए, गाड़ी नहीं थी आपके पास तो आप बस से इधर उधर जाते थे, मैं देखता था किसी के गाड़ी के ऊपर बैठ के जाना, यह सब चीजें मैंने देखा है, और आपने सही में मेहनत की दिन रात, और आपके साथ साथ आप भी खड़े हुए, और आपके साथ साथ लोगों को भी आपने खड़ा किया, आपने खुद ऑफिस भी लिया था वहाँ पे, लोगों को गाइड किया, यानी इतनी बड़ी यानी अपनी हिस्ट्री क्रिएट की सही में उधर राजस्थान में, एक सोचने वाली बात है कि आप इतने छोटे से काम से इतने बड़े तक पहुंच चुके, आप डायमंड बन चुके, ब्लू डायमंड बनने के लिए जा रहे, और आपके साथ बहुत लोग आपके साथ भी खड़े, तो थैंक यू सर, आपके लिए ये जर्नी बहुत अच्छी रहेगी और आगे भी इससे कई गुना अच्छी रहेगी। तो शेयर होल्डर बना दिया सर आपने, 18 ब्लॉक प्लेस है सर, इसी से कमा के बोलो, 11 जाने थे 18 ब्लॉक प्लेस, 18 ब्लॉक प्लेसेस है, बहुत बड़ी बात, 18 ब्लॉक प्लेसेस। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, यस सर, बहुत बहुत शुक्रिया गंगाराम सर, और हमें आज पता चला कि आप ने इतनी मेहनत ली है, और वो भी राजेंद्र जी के मुंह से हमने सुना कि आप ऑटो रिक्शा चला के आज इतने बड़े मुकाम पे
बहुत अच्छी बात है, और इसी जरिए जूम में हमें मोटिवेट होने को मिलता है और ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे आते हैं कि सच में। आपका इनकम कितना हो लगभग अभी तक बता सकते थोड़ा सा? सर इनकम जूम में नहीं बताएंगे अभी। लमसम लमसम मैं तो बता दू सर, तो पूरा हिस्ट्री बताते हैं जो यानी कि कितने फ्लैट लिए क्या क्या सब बताते हैं सर। दुनिया को कुछ भी बोलने दो, आपने को जो करना है वो करना है बस, दुनिया कुछ भी बोलेगी उसको सुनना नहीं। शेयर होल्डर बना दिया और क्या चाहिए सर, ब्लॉक प्लेस के शेयर होल्डर्स कोई नहीं है अभी, भारत सरकार के पास नहीं है कोई नहीं, किसी के पास शेयर्स नहीं है, अपने पास ब्लॉक प्लेस के शेयर्स, ब्लॉकचेन शेयर्स होल्डर सर, बहुत बढ़िया सर, जीवन पर्यंत बच्चों के बच्चों तक। यहाँ पे हमारा इनकम लीगल इनकम है सबसे बड़ी बात, घबराने वाली कोई बात नहीं, अलेक्स सर खुद बोले हमारा इनकम लीगल इनकम है, कोई भी पूछेगा तो हम दिखा सकते हैं, टेंशन वाला कोई बात नहीं है, हम क्या अनलीगल काम कर ही नहीं रहे ना, इसे टेंशन नहीं ले रहे, कुछ भी नहीं कर रहे तो कम से कम 2-3 हजार डॉलर आ रहे हर महीने पैसिव इनकम, ये मतलब एक्टिव इनकम 15% का बोलो इन्फिनिटिव इनकम। आज ये टीम ऐसी डेवलप हो चुकी है कि खुद का पैकेज परचेज करती, बोलो इतनी पैनिक सिचुएशन है तो 2000-3000 डॉलर मामूली बात है सर, डायमंड में मामूली बात है। 100% थैंक यू सर, बहुत बड़ा काम, थैंक यू सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट अभी कौन है, दीपक अंकुश बोर्गे सर यहाँ पे दिख रहे शायद, अंकुश बोर्गे सर आपको अनमोट किया हुआ है, अंकुश बोर्गे सर अनमोट। हेलो सर, आप आपके तरफ से अनमोट करो ना। यस यस सर, गंगाराम सर आपका शायद नेट का प्रॉब्लम ही लग रहा है। वो उनका हो गया अभी, ये अपना अंकुश बोर्गे सर आप अनमोट किए सर, आप अनमोट करो अंकुश। हो गया सर, अनमोट हो गया। यस ओके, आवाज आ रही है सर? सॉरी सर, आ रही सर, कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग सर, सभी कम्युनिटी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और प्रणाम। गुड मॉर्निंग सभी को, और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया, आप ही की वजह से हूँ, वो केवल आप ही की वजह से हूँ सर, और आज मैं ग्रीन डायमंड के रैंक पे हूँ और महाराष्ट्र के छोटे से जिला नांदेड़ से बिलोंग करता हूँ, और आज भी मुझे याद है वो दिन 1 जुलाई 2021 जहाँ नासिक में अपने कुंभ मेला रखा था, 1.5 महीने लॉकडाउन के पीरियड में राजेशाही होटल में आपने 1.5 महीने कंटिन्यू मीटिंग की थी, और उस मीटिंग में आके मैं पहली बार आपको सुना, आपको और भालू सर जी को, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उस शख्स का जिन्होंने मुझे पहली बार ये प्लान बताया होटल नांदेड़ के एक होटल में, ताज होटल में, तो ताज पाटिल होटल में, तो इकबाल खान सर का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस मीटिंग में, क्योंकि उनकी तरफ से ये प्लान मैंने सुना, हालांकि वो बहुत दूर थे और जिन्होंने मुझे प्लान बताया था शायद उनके साथ मुझे काम करना अच्छा नहीं लगा, मुनासिब नहीं समझा मैं, क्योंकि वो उतना ये नहीं दे सकते थे, मुझे सपोर्ट नहीं दे सकते थे, इसके वजह से मैं साखरे सर और चंद्रकांत पाटिल सर की टीम से आपके पास पहुंचा, और जब से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ, मैं एक बेरोजगार युवक हूँ सर, पहले मैं ब्रोकरशिप का काम करता था प्लॉटिंग में, और ये खुशहाल जिंदगी थी, एजुकेशन एमए बीए नेट सेट हुआ है, कॉलेज को मैंने 3 साल पढ़ाया भी है, लेकिन फुल टाइम नौकरी न होने की वजह से शादी होने के बाद मैं ये काम करने लगा, और इसी काम में मुझे आनंद आने लगा और अच्छा पैसा भी मिलने लगा, लेकिन इसके पहले मैं RCM जैसे प्रोडक्ट बेस्ड 1-2 कंपनियां कर चुका हूँ, उसका कुछ थोड़ा बहुत अनुभव मेरे साथ में था, और कुछ शेयर मार्केट में और कुछ फॉरेक्स मार्केट में भी काम किया था, तो थोड़ा बहुत वहाँ का भी अनुभव था, तो लेकिन ये काम करते करते शेयर मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में मैं कम से कम 5 साल में 50-1 लाख रुपए को डूब गया था, और इससे उभर कर आने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता मुझे चाहिए था, और जो भी हमने प्रोडक्ट बेस में काम किया था, मैं प्रोडक्ट बेस को गलत नहीं कहता हूँ, अच्छा ही है वो, लेकिन वहाँ जो उन्नति होती है, प्रगति होती है, उसके लिए सालों साल लगते हैं, और जितनी प्रगति जितनी उन्नति 1.5 साल में मुझे प्लैटिन वर्ल्ड ने दिया है, वो मेरे पिछले 40 साल में 40 साल की जर्नी में नहीं मुझे मिला, ये मैं बहुत बड़ी बात बोलता हूँ मिस्टर एलेक्स रेनहार्ट सर को, ये सिस्टम को दुनिया में लाने के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने लाखों लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दिया है,
नेटवर्क एक ऐसा बिजनेस है जिसके माध्यम से आज सर कोई सगा भाई सगे भाई को मदद नहीं करता है, कोई दोस्त दोस्त की मदद नहीं करता, जो करते हैं उसको वंदन है। लेकिन बात ऐसी है इस समाज में, हम अपने ही बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम अपने ही नौकरी में आगे बढ़ना चाहते, एक दूसरे को कोई मदद नहीं करना चाहता है। लेकिन नेटवर्किंग का एक ऐसा बिजनेस है, एक दूसरे की सहायता करते हुए हम यहाँ आगे बढ़ते हैं और सब एक फैमिली की तरह यहाँ पे आगे बढ़ते हुए सब फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर, मंजिल की ओर यहाँ जा सकते हैं। सर उपाध्याय सर का और भाले राव सर का मैं शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि उन राम लक्ष्मण की जोड़े ने पूरे इंडिया में जो हंगामा मचाया था, पूरे एक एक महीने का सेशन लेते थे, टोटल पूरे इंडिया साथ साथ आठ आठ सेट घूमते थे। आपकी मेहनत आपके जज्बे को मेरा बहुत बहुत सलाम है सर, और मैं चाहता हूँ फिर से एक बार राम लक्ष्मण एक बार साथ में आ जाए और वही माहौल फिर से एक बार हो जाए। तो आप तो ट्रिपल प्लैटिन जाएंगे, हम कम से कम ब्लैक डायमंड तक तो आ ही सकते हैं सर, बराबर है। तो मेरा डेढ़ साल का सफर सर, आपको भी ट्रिपल प्लैटिन डायमंड तक पहुंचना है, सफर सबको पहुंचना है 100% सर, सबको ट्रिपल प्लैटिन आपका साथ आपका आशीर्वाद अगर रहा तो 100% पहुंचेंगे सर। और कभी मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कोई मैं फॉरेन ट्रिप करूंगा सर, लैटिन वर्ल्ड के माध्यम से आपके माध्यम से मैं 3 बार दुबई आ चुका हूँ। जब मैं पहली बार दुबई आया था 27 नवंबर 2021 को, जब हाँ प्लैटिन वर्ल्ड का ये हुआ था, अल्टिमा का शुरुआत ऐलान हुआ था, उस टाइम में मेरे कोई भी रैंक नहीं थी सर। अगले 8 महीने में मैं फर्स्ट टाइम 11 अप्रैल 2022 को मैं डायमंड बना, फिर उसके 3 महीने बाद मैं 4 जून 2022 को ब्लू डायमंड बना और 25 सितंबर 2022 को मैं ग्रीन डायमंड बना। अभी थोड़ा बहुत मेरा बाकी है पर्पल डायमंड के लिए एक 20%, वो भी मेरे ख्याल से 2 महीने में आराम से हो जाएंगे। तो इतना मान सम्मान भी मिला, और थोड़ी इकोनॉमी की बात करें तो पर्सनैलिटी में भी सुधार हुआ और अच्छा खासा कम से कम 1 करोड़ रुपए तो यहाँ से मैंने विड्रॉल किया नियर अबाउट। मैंने एक प्लॉट बेच के यहाँ पे पैसे लगाए थे, मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि कुछ खेती या प्लॉट बेच के पैसे लगाओ, मैं प्लॉटिंग के व्यवसाय में था तो लेके मैंने बेचा था, वहां से कुछ मुनाफा आया था तो यहाँ पे डाला था। तो आज मैंने वहाँ पे हमारे गांव की तरफ से 5 एकड़ जमीन लिया है 60-70 लाख रुपए का, और मैंने 4 व्हीलर का भी कभी सपना नहीं देखा था, एक बेरोजगार युवक 2 व्हीलर के सिवा कुछ ये नहीं कर सकता। तो आज मैंने 10 लाख रुपए का 4 व्हीलर भी लिया है, और ये सब आपकी बदौलत, प्लैटिन वर्ल्ड की बदौलत है सर। मैं सभी लोगों से इतना ही दरखास्त करना चाहूंगा कि इस प्लेटफॉर्म को समझिए, समझने के बाद इसको थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा आपको। जो भी बड़े बड़े लीडर है उनके जूम मीटिंग, उनके फिजिकल मीटिंग अटेंड करना चाहिए, और वो जो कहते हैं उस मार्ग पे हम अगर चलेंगे तो उन्होंने जैसे मुकाम हासिल किया है, अच्छी मंजिल पाई है, तो हम भी वो पा सकते हैं। हमें यहाँ पे टिक के काम करना पड़ेगा, पहली बात तो सीखना पड़ेगा, उसके बाद टिकना पड़ेगा, और जो टिकेगा वही पैसा कमाएगा, यही इस नेटवर्किंग का वसूल है। ऊपर जैसे भी अपलाइन बोलते हैं वैसा नॉलेज लेना पड़ेगा, और वही नॉलेज हमें डाउनलाइन पे देना पड़ेगा, तो इसके बीच में हम बिल्कुल पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारे होशियार लोग भी आते हैं, कुछ गलत सलत ये करते हैं, हमने देखा है 1.5 साल के बीच में कम से कम मेरे सामने सिर्फ 15-20 कंपनियां टोकन ये वो आई और चली गई, बहुत सारे लोग मुझे छोड़ के भी गए फिर से वापस आ गए। तो ये आते जाते रहेंगे सर, जो भी सिस्टम्स को ईमानदारी से विश्वास के साथ करेगा वही आगे बढ़ेगा, यही बात मैं कहूँगा। और मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ सर, थैंक यू सो मच आपके जज्बे को, आपके सब सलाम सर। आप इतने बड़े लेवल पे भी जाके सभी लोगों को दिन रात गाइड करते हैं, और मैंने आपको जब भी परखा था, हम पहली बार जब नासिक आ रहे थे ट्रेन से, तो मैंने 3:30 बजे रात को आपको फोन लगाया था, मुझे वो वहाँ का ठिकाना एड्रेस पता नहीं था, तो आपने 3:30 बजे मुझे सर एक रिंग के अंदर फोन उठा के वो एड्रेस बताया था। मैं जब भी मान गया था कि सर उपाध्याय सर में कोई तो ऐसी अद्भुत शक्ति है जो बिल्कुल ये सोती है कि नहीं, मैं सोचता रहता हूँ कभी कभी कि रात भर जगते कैसे है, ये फोन कैसे उठाते हैं, लोगों के 4-4 बेल आते हैं तब हम फोन के पास जाके देखते हैं रात को, तो दिन में हम सभी का फोन उठाते हैं, कॉल बैक भी करते हैं। लेकिन आपके जज्बे को सलाम कि इंडिया के इतने सारे लोगों को भी आपने फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाया, और इतनी सारी दुआएं आपके साथ में हैं,
आपकी लंबी उम्र की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। थैंक यू सर, लैटिन कॉइन द टाइम इज नाउ। यस सर, थैंक यू सर। सही में आपका जो भी मेहनत है, क्योंकि आपने बहुत अच्छा मेहनत किया है। मैंने देखा था आप जब फर्स्ट टाइम नासिक आए थे तब आपका सिचुएशन क्या था, आने जाने के लिए भी दिक्कत थी, इतनी सिचुएशन में आप थे, लेकिन बहुत अच्छा काम किया आपने। आज पर्पल डायमंड बोले तो कंपनी का बहुत अच्छा रैंक है जो आप हासिल कर चुके। और मैं सब लोगों को जो नए जुड़े उनके लिए भी, और जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ अच्छा पैसा यहाँ पे बना रहे उनके लिए भी, सही में कंपनी की शुरुआत अभी होने जा रही है। जो अभी नया टेक्नोलॉजी 2-4 दिन 8 दिन के अंदर जब स्टार्ट हो जाएगी ना, कंपनी की सही शुरुआत अभी स्टार्ट होने जा रही है। इस चीज को आपको समझना है, जो भी जिस लेवल पे अगर यहाँ पे पहुंचा है तो उसको अभी बहुत कुछ आगे का मिलने का बहुत बड़ा चांस है। मैं इतना ही बोलूंगा, अभी कुछ लोग आगे बाद में भी आएंगे, कुछ 1 महीने के बाद आएंगे 2 महीने के बाद आएंगे 6 महीने के बाद आएंगे 1 साल 2 साल 4 साल के बाद भी आएंगे, क्योंकि लंबा समय तक कंपनी चलने वाली। लेकिन जो शुरू में है उनको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, 100% मिलेगा। अभी कंपनी की सही शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि कंपनी सब टेक्नोलॉजी एक साथ काम करना स्टार्ट करेगी अभी आने वाले 15-20 दिन 1 महीने के बाद। तो बहुत बड़ा कारोबार, बहुत बड़ा सिस्टम भी बनने जा रहा है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करने का मौका मिलने वाला है। क्योंकि सर का यही कहना है, जब मैं सर को मिला था तो सर को मैं बोला था, सब सर ने मुझे को पूछा था कि आपका ट्रिपल प्लैटिनम डायमंड कब तक होगा। मैंने बोला सर वो हो सकता है 2 साल या 3 साल के अंदर हो सकता है। सर बोले 1 साल में क्यों नहीं, यानी 1 साल के अंदर आप ट्रिपल प्लैटिनम डायमंड बन सकते हैं। ये ताकत अगर सर मेरे को देने वाले तो आप समझ सकते हैं, मेरे को बोले तो अपने कम्युनिटी को देने वाले, ये चीज को समझना है। तो 5,000-2,000 करोड़ का बिजनेस, 3,000 करोड़ का बिजनेस एक साथ करना इतना आसान नहीं है। जो सिर्फ फार्मिंग का बिजनेस है, तो अगर उतना बिजनेस करने की ताकत अगर सर के दिमाग में है और उतना बिजनेस अगर सही में अपना बनने वाला है, तो आप समझ सकते हैं हमने 6 साल या 5 साल में कंपनी जो देखी वो कुछ नहीं। अभी जो होने वाला है 1 साल के अंदर, जो 6 साल में नहीं हुआ 1 साल के अंदर होने वाला, इतना बड़ा क्वार्टर ये टाइम पे अभी 1 साल में होने वाला है। तो सही में सबको मौका है, बहुत अच्छा पार्ट बनने वाला है। हम जो बोल रहे थे किसी को 2 महीने लगा, किसी को 4 महीने लगा, किसी को 1 साल 2 साल लगा डायमंड अचीव करने के लिए, लेकिन अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसा हम शुरू में डायमंड के लिए तरस रहे थे, डायमंड कब बनेगा वो सोचता सबका, लेकिन अभी 1-1 घंटे के अंदर 1-1 2-2 घंटे के अंदर डायमंड बन रहे। डायमंड एकदम वैल्यू, यानी यहाँ पे वैल्यू जीरो हो चुका है डायमंड की अगर बात करेंगे तो, क्योंकि डायमंड बनना इतना आसान हो चुका है और 1 घंटे के अंदर भी लोग डायमंड बन रहे। तो अभी ब्लैक डायमंड, रेड डायमंड या उसके ऊपर के जो डायमंड है उसके लिए वैल्यू है, लेकिन आने वाले 1 दिन में ऐसा भी वैल्यू बनेगा 1 महीने के अंदर ब्लैक डायमंड, 1 महीने के अंदर प्लैटिनम डायमंड, ये भी बातें होने वाली। ये चीज को सही में ये सिस्टम बहुत बड़ा बनने जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय जो अभी कंपनी टेक्नोलॉजी लॉन्च करने जा रही है, यहाँ पे कौन कितना यहाँ पे एंट्री करेगा हम बोल नहीं सकते। इतना अच्छा पार्ट अपने जीवन में आने वाला है। तो सब लोगों को मेरा इतना ही बोलना है, कुछ ऐसा नहीं लगना 6 साल हो गया 5 साल हो गया 4 साल या 2 साल हो गए, अभी सही शुरुआत कंपनी होने जा रही है जो अभी नया सिस्टम स्टार्ट होगा उसके साथ। तो थैंक यू सर, अंकुश सर आपने बहुत अच्छा यहाँ पे जो भी चीजें कही लोगों को, अपनी जो सही जर्नी, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई भी मोटिवेशन था, जो भी रिलेटिव थी, ये हमारे लोग जो भी यहाँ पे आ रहे रिलेटिव बता रहे, ये चीज को आपको समझना है। कोई भी किसी का नाम खराब करने के लिए यहाँ पे नहीं आ रहा है, या किसी का कोई गलत बात करने के लिए यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो जो जहाँ पे भी लोग आ रहे, जब हम जो भी हमेशा सुनते वो दिल की आवाज, इस चीज को समझना है सबको। जिसको अगर ये दिल की आवाज समझ में नहीं आ रही है, उसके जीवन में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इतना ही बोलता हूँ। जो भी लोग अगर बताते हैं उसको अगर थोड़ा सा गौर करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो 100% उनके जैसे आप भी जल्दी सक्सेस होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो देखा उससे कई गुना अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। इस चीज को समझना है, क्योंकि हमारा भी वो टाइम भी शुरू था, स्टार्टअप था, तब ये लोग मिल रहे थे, तो हम भी नहीं वो भी नहीं, लेकिन आज आपको देखने के लिए समझने के लिए बहुत कुछ है। इस चीज को समझना है और सिस्टम को समझ के लेना और आगे बढ़ना है। तो थैंक यू सर। नेक्स्ट डॉक्टर जलील सर आए क्या अभी? वो 2-3 बार आए। डॉक्टर जलील सर आपको यहाँ पे एडमिट किया है, आप बात कर सकते हैं। यस सर, आज आपका नया जो टेक्निकल सेशन था इस वेरी अनबिलीवेबल था, और आप तभी भी आते हैं कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं, ये पता है सब लोगों को। आज और एक बात मालूम हुआ, जो मैं बोलता था लोगों से गुस्से पे आके, लोग सोते हुए खाते हुए बाथरूम जाते हुए वीडियो में आ रहे हैं। थोड़ा सा टेक्निकल में रहना है, कुछ प्रोफेशनल में रहना है, कम से कम अपने लिए नहीं दूसरों के लिए। आप भी जब टी शर्ट मेरे जैसे टी शर्ट पे आ रहे थे, अभी आप कोट में आ रहे हैं, और एक बंदा बैठता
रायपुर से चित्रकांत, वो हमेशा प्रोफेशनल बैठता, आदमी काम कर रहा, रैंक है ये कोई मतलब नहीं, जब प्रोफेशनल में आ रहा है जूम में तो उसे कुछ लोग देखते हैं, अंदर के पार्ट को नहीं बाहर के पार्ट को, कुछ ना कुछ दिखना चाहिए, जो चीज दिखता है वही चीज बिकता है, ये लोग समझते नहीं क्यों, इतना टाइम निकाल के वैल्यूबल लगा के आप 25-30 दिन से आपके जो टेक्निक डेली डे बाय डे दे रहे, आज मैं रीगेन हुआ, जैसा आप लोग बताते हैं कि अलेक्स सर ने इतना डाउनफॉल हो गए, आसमान से जमीन पे गिर गए, जब जमीन पे गिरने वाला बंदा फिर आसमान के बुलंदियों पे चल रहा, ये समझ के, यही हमारे साथ भी हुआ, हमारे साथ कुछ लोग आए ख्वाब बताए चले गए, नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बंदा आया ऊपर नीचे गिरने वालों को अपने साथ उठा के चल रहा है, वही एक आदमी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ दूसरे राइट हैंड लेफ्ट हैंड वो भी दो बंदे आ रहे मार्केट में, वो जो मैं पहले जो बंदे का नाम बोला वो बंदे को देख के मैं फिर काम स्टार्ट किया, वो बंदा है दुबई में मेरे जाने पहचान का राजेंद्र उपाध्याय, मैं जानता हूँ, कोई लोग नहीं जानते उसे, उसके अंदर का जानता हूँ, और राजेंद्र उपाध्याय के माता पिता धनी है जो इस तरीके के बेटे को जन्म दिया नहीं, उसको पाला पोसा गरीबी में, गरीबी कोई गलत नहीं, आदमी जब समझा आसमान पे उठ सकता है, पहले वो समझना चाहिए पॉजिटिव एनर्जी से, आपका बैकग्राउंड बहुत दिनों से जानता हूं मैं, तभी के साथ आपसे काम करने में जो मजा आता है वो मजा कहीं और नहीं आता, बस दूसरा और एक है हमारे राजेंद्र उपाध्याय के हमारे राइट हैंड लेफ्ट हैंड अली पटेल, वो भी एक पागल है, अनपढ़ है पता नहीं, लेकिन हजारों की टीम को खड़े करता है, उसका पावर मैंने 2005 लातूर में देखा, तब मैं इंडियन नोनी में काम करता था, 8-10 हजार के मजमे को ठहरा कर दिया, पागल, अभी भी वही काम करता है, सेल्फ ड्राइविंग करता है, सेल्फ जाता है, कमिटमेंट करता है, उसे मुझे कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन कभी कभी बात करता है, मोटिवेट करता है, भाई मैं हूं तेरे साथ, मैं हूं। दूसरा है टेक्निकल आशीष वांकड़े, वो बंदा भी जब गुलबर्गा उधर आके वापिस जा रहा था, बोला कि डॉक्टर साहब को मैंने बात किया था, आपसे भी बात हुई थी उस टाइम हैदराबाद और आशीष शाह बोल के, जितना चाहे उतना यूज करो, यूज करने का मतलब अपलाइन कहीं हमारे पास आता है उसको गन्ने के तरह निचोड़ के छोड़ने का मतलब बुरा मतलब नहीं, उसको अपने लोगों में इतना मिलाना ताकि वो बोलना कि यही बंदे से काम करने वाला है, ये लोग सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, हमारे दोस्त आपके प्रेजेंटेशन बताते हैं कि ये लोग राम लक्ष्मण है, बोलने वाले क्या बोले पता नहीं, लेकिन सच्चाई यही है, अभी आपने अपने खून को गर्म करके दुबई के प्रोग्राम को सक्सेस कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग अभी भी अपने टीम के लिए सो रहे हैं, कब जागेंगे पता नहीं, एपी तेलंगाना से एक आदमी ठहरा हूं मैं, मेरी टीम 2 महीने में जो एमराल्ड में चले गया था, नेक्स्ट मंथ रहता मेरा डायमंड बनता था, कुछ गलतियों से कुछ लोग हाथ छोड़े हमारा दामन छोड़े हमारा, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, जो काम करने वाले है हम काम करते रहेंगे, एक योद्धा के तरह अभी हमने हाथ थामा है उस राजेंद्र प्रसाद का, उसके साथ हम चलेंगे, हमारे कारवां को अब मजबूत करेंगे, इमरान का छोड़ के हम आज जाड़े की तरह रैंक से हम काम कर रहे हैं, हम सक्सेस होना है। जय हिंद, जय भारत, और आपको हैदराबाद से सलाम करता हूँ। थैंक यू सर, आपका मेहनत आपको रंग लाएगा, टेंशन नहीं, बहुत अच्छा अपडेट आया आपने, आगे लोग अभी जो गए वो वापस आएंगे, सब आएंगे, जो भी गए वो भी आएंगे, जिन्होंने सिर्फ सुना वो भी आएंगे, सब लोग आएंगे वापस, टेंशन लेने वाला कोई बात नहीं, अभी हम सब लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, थैंक यू सर। उसके बाद दीपक सर, यहाँ पे ना अभी जो हमारे वानर सेना लेके चलते अमोल श्री सागर सर, उनको यहाँ पे कम्युनिटी के लिए कुछ संदेश देना है।
तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। तो अपन अमोल क्षीरसागर सर, आप आइए यहाँ पे और आपको जो कम्युनिटी को यहाँ पे आपका मैसेज देना है तो आप वो यहाँ पे अभी दे सकते। थैंक यू दीपक सर, दीपक सर, राजेंद्र सर, नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर। सर मुझे यही बोलना था कि जो जिस तरह हमारी जिंदगी आपने बदलाई है, सही में इसके लिए दिल से थैंक्स देते हैं, क्योंकि सर हम जो बेरोजगार थे, जैसे मनोज सर हो गया या फिर ऐसे दुनिया में बहुत से बेरोजगार है सर, अगर हमने आज आपने या कुछ सालों पहले हमारा हाथ नहीं थामा रहता था तो हम आज भी वो सपना या सच्चाई नहीं देख सकते थे सर। लेकिन उसके लिए एक पार्ट भी ऐसा है कि इसके लिए सर 100% प्योर प्लेटफॉर्म भी मिलना जरूरी है जो आपने हमको सही में दिया सर। इसके लिए हम तहे दिल से पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद देते हैं। और सर इसमें आज भी बहुत से ऐसे बेरोजगार है जो इंडिया में 140 करोड़ की जनता है, उनके लिए भी सर हमको पहुंचना है। लेकिन बहुत से लीडर के लिए, मैं तो नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत से लीडर थम चुके हैं, तो आपको आपके लीडर के साथ, आपके पार्टनर्स के साथ, सबके साथ बात करना चाहिए। मैं डेली वीकली एक मीटिंग लेता हूँ, उनके साथ बात करता हूँ, तो कुछ भी अगर अनबन आती है या कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम रहता है तो जो रेट के बारे में होगा कुछ भी होगा, लेकिन मिस्टर राजेंद्र उपाध्याय सर इतने अच्छे अच्छे अपडेट देते हैं। जितने अपडेट अपने को, जैसे सपोज समझ लो मिस्टर एलेक्स रेनाल सर खुद आके नहीं दे सकते, मिस्टर राजेंद्र सर दे देते हैं। यानी कि जो कुछ पार्ट था जो अपडेट होने वाला है, डैशबोर्ड पे आने वाला है, ये कितने अच्छे अपडेट है, जो भी है लेकिन बहुत अच्छे अपडेट है। इसके बाद सही में राजेंद्र सर जो बोल रहे हैं कि आपने कुछ भी नहीं कमाया फिर भी हमने थोड़ा बहुत कमा लिया, ऐसा तो हुआ है 100%। अगर राजेंद्र सर बोल रहे हैं कि खेल तो अभी चालू होगा, यानी कि ओरिजिनल वाला खेल अभी चालू होगा, तो सोचो हम कितना कमा लेंगे। तो सर सही में अभी तक तो हमने ज्यादा से ज्यादा तो फाइनेंशियल तो वैसे भी फ्री हो चुके हैं सर। अभी हमारे को तो खुद के लिए तो नहीं जीना है, मैं तो खुद के लिए तो हो गया सर, यानी कि जितना कमाना था उतना तो अपने पास आ चुका है सर। अभी जो बेरोजगार है, या जैसे सूरज सर ने सीएसएफ सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी छोड़ दिए दूसरे दोस्तों के लिए, मैं उनको भी सलाम ठोकता हूँ। मेरे टीम के सभी लोग जो डेडिकेशन से काम कर रहे हैं ना, सही में हम वार्नर सेना 100% बन के दिखाएंगे, और राजेंद्र सर का तो साथ तो 100% देंगे। ये अब 7 जन्मों का बोल दो, जैसे रहता है जोड़ा, तो हम 7 जन्मों का गुरु और चेले का रहेंगे 100%, और जितना हो सकता है हम सीख के 100% हमारे तरफ से तो पूरा कोशिश करते हैं सर। निगेटिविटी आती है तो कुछ सवाल रहता है तो मैं राजेंद्र सर को बात करता हूँ, मेरे मिस्टर राजेंद्र सॉरी संतोष सर को बात करता हूँ, वाल्मीकि सर से बात करता हूँ, और कभी कभार लगता है तो अपने भालेराव सर को भी बात करता हूँ मैं। तो इसमें कैसा होता सर, क्लियरिटी हो जाती है। लेकिन अगर कोई लीडर बोलता है कि मैं क्यों पूछूं, ये थोड़ा निगेटिविटी रहता है। अगर आप सोचते हो कि सर बिजी होंगे, आप कॉल करके तो देखो आपका आंसर मिल जाएगा, तो ये सबसे बड़ी बात है सर। और कहने के लिए तो बहुत रहता है सर वैसे भी, लेकिन यहाँ पे बहुत टाइम हो गया है तो मैं ज्यादा नहीं टाइम लूंगा। लेकिन सभी लीडर ने अपने अपने जो लीडर है, अपने बिजनेस पार्टनर है, उनके साथ बात करना चाहिए, मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है, ताकि जैसे पहले के जैसा जो पेड़ था हरा भरा वो फिर से उगेगा और बड़ा होगा, और उस पे पंछी भी आएंगे और वो शोर शराबा भी होगा, और 100% वो ऐसा होगा। सर बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं कमाया तो अपन बहुत कुछ कमा के लेके जाएंगे, वो सबको दे के भी जाएंगे। थैंक यू दीपक सर, आपने मुझे मौका दिया 2 मिनट का बात करने का। सर अमोल सर, यहाँ पे मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ आपको, आपका मेहनत तो सही में रंग लाया है, आपने इस वजह से बहुत सारे लोग भी आगे बढ़ रहे। लेकिन अभी आने वाले समय में सही में बोलता हूँ, फरवरी और मार्च ये 2 महीना ऐसा रहेगा, ये सिस्टम इतना बड़ा ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा, जिन्होंने खाली सिर्फ नाम सुना ना वो भी यहाँ पे एंट्री करने वाले, जो है तो गए तो वापस आने वाले, लेकिन जिसने खाली नाम भी सुना है ना वो भी वापस यहाँ पे आने वाले। अरे वर्ल्ड का नंबर वन का कंसर्ट ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन उसको मल्टीपेशन आप देखने को मिलेगा मार्च तक, मार्च एंड तक आप देखेंगे पूरा इसमें बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। इतना बड़ा हंगामा, बचे हुए 8-10 महीने जो बचेंगे ना उसमें 100 CR मिलियन डॉलर मिलियन यूरो बांटे जाएंगे उसके बाद, तो ये चीज को समझना है, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा माहौल बनने वाला है, जो 6 साल में नहीं हुआ वो अभी 1 साल में होने वाला है, ये चीज को सबको समझना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, हम लंबा समय में अगर बड़ा पैसा बनाएंगे ना तो बड़ा पैसा बन नहीं पाता, क्योंकि लंबे समय में खर्चा बड़ा होता है, खर्चा बनता नहीं है। शॉर्ट पीरियड में अगर ज्यादा पैसा बनता है तो मल्टीप्लिकेशन ज्यादा होता है, ये चीज को समझना है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में क्या होता है, खाना उतना ही लगने वाला है, पेट्रोल उतना ही लगने वाला है, सब चीजें उतनी ही लगने वाली है, लेकिन जो पैसा अगर मल्टीप्लिकेशन मिलेगा ना तो वो पैसा बड़ा कुछ काम करके देता है, ये चीज को समझना है। तो ये 1 साल के अंदर इस प्लेटफॉर्म के अंदर 140 कंट्री में बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है,
और सबसे बड़ी खुशी अपने लिए ये का हम 140 कंट्री में इंडियन नंबर वन पे, और उसमें से 32% हमारी कम्युनिटी, हमारे लोगों को, हमारे इंडिया के लोगों को कितना बड़ा पैसा बनने का मौका मिला है। सिर्फ जो आएगा वो पाएगा, जो नहीं आएगा वो रहेगा, इतना ही बात है। आने वाला समय बहुत बड़ा रहेगा सबके लिए, हमारे इंडियन कम्युनिटी के लिए, क्योंकि हम यूरोपीज में पैसा बना यहाँ पे दे रहे, लेकिन कमर है डॉलर यूरो में। तो बोला जाता है डॉलर में पैसा बनाना अगर है, खर्चा करना रुपया, खर्चा करना है तो डॉलर यूरो में करना, ऐसा लोग सुनते हैं, लेकिन उनको गलत फहमी, पैसा बनाना है तो डॉलर यूरो में करना है बनाना, और खर्चा करना है तो रुपीज में करना है। इस को समझ में, पैसा बनाना है आप घर बैठे बैठे, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, आज हम घर बैठे बैठे फॉरेन कंट्री का पैसा जनरेट कर रहे, डॉलर और यूरो का पैसा जनरेट कर रहे, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जो पैसा हमारे यहाँ पे 80 गुना 90 गुना बन रहा है। आज हमारी डेबिट कार्ड की वैल्यू की अगर बात करें, आप डेबिट कार्ड की बात करेंगे, जो विड्रॉल की अगर कलेक्शन की बात करेंगे, सिर्फ 1500 यूरो उनके लिए, 1500 यूरो हमारे लिए 1.25 लाख रुपए, ये चीज को लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जो दुनिया में आपका कोई ऐसा कार्ड नहीं बना है जो 1.25 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए 1 करोड़ आपको निकाल के दे सकता है, लेकिन ये कार्ड दे रहा है, ये चीज को समझना है। 15 लाख यूरो का आप स्वैपिंग कर सकते हैं पर डे 24 घंटे में, 15 हजार यूरो यानी लगभग 15 लाख रुपए पर डे स्वैपिंग कर सकते हैं, इतनी ताकत है कार्ड की। उनके लिए वो 15 हजार है, हमारे लिए कितना हो रहा है, 15 लाख हो रहा है, 14 लाख हो रहा है, ये चीज को समझना है। तो ये जिसको समझ में आया, हम घर बैठे बैठे हम डॉलर यूरो में पैसा बना रहे और खर्चा करे ये रुपीज में, मेरे जैसा नहीं है, आपको 90 गुना खर्चा करने को मिल रहा है, मेरे को 5 गुना खर्चा करने को मिल रहा है, क्योंकि मैं धीरे में खर्चा करूँ। यस सर, ध्यान रखना, मैं धीरे में खर्चा कर रहा हूँ, मैं जो बना रहा हूँ वो 5 गुना ही मेरे को मिल रहा है, आप लोगों को इंडिया में बैठे बैठे 80 गुना 90 गुना पैसा खर्चा करने को मौका मिल रहा है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आना, ये चीज को समझना है, और सही में बहुत आगे बहुत कुछ होने वाला है, ये चीज को समझना है और आगे बढ़ना है। थैंक यू सर। सर इसके बारे में एक बात बोलना चाहूंगा, जब मैं डायमंड बनाता ना सर, वो 30 जनवरी 2022 की तारीख थी, और उस वक्त मैं बनाता, आज वैसे सोचा जाए तो 1 साल होता है, तो सर 1 साल में मेरा पर्पल डायमंड भी हो गया, अगर वहां से अगर टारगेट लगा दे, और छोटे से शहर से है तो हम उतना टेंशन भी नहीं लेते, लेकिन जितना डेडिकेशन से काम कर रहे हैं उसमें रिजल्ट भी आ रहा है सर। ये सिर्फ सर जब डायमंड बनाता तो आपने मेरे को कॉल किया था विश के लिए, और हम सब बैठे थे टीम के साथ, और आपने एक ही बात बोला था, अमोल सर कॉन्ग्रेचुलेशन, और उस दिन ना सर ऐसा लग रहा था कि भगवान मिल गए, सही में ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि सर आप इतने बड़े रैंक पे होकर अगर छोटे छोटे लोगों के साथ इतने अच्छे से बात करते हो, हमारे लिए उतनी बड़ी भी बात है, बहुत है, लेकिन आपने जब बात किया था ना सर, सही में ऐसा लगा था मुझे कि बस दुनिया मिल गई। और सर आपने मेरे को एक ही बात बोला था, अमोल सर जो रैंक बोनस आने वाला है उसका क्या करने वाले हो, और संतोष सर ने भी बोला था कि हमारा छोटा छोटा यानी कि पैकेज था सिर्फ, तो हम छोटा छोटा सर 0.2 का ही सोचते थे अल्टीमा का, बस वो 1 कॉइन का तो सोचे भी नहीं थे कभी, लेकिन आपने बोला था सर मेरे से, दूसरे दिन भी दूसरे दोबारा बात की थी, 1 घंटा बात किए थे हमने और आपने, तो उस दिन बोला था आपने सर अमोल सर सिर्फ 11 लाख का पैकेज मार दो, और सर आज जो कुछ भी हुआ आपके वो पैकेज के वजह से हुआ है, जो इतना स्ट्रांग होते गया सर, और इतना वो टाइम पे सब लोगों ने बोला था एक फैम लेंगे और 1 कॉइन रखेंगे तो करोड़ों रुपए का बनाएंगे, उसी तरह मैंने आप भी लोगों को जेस्ट बोला है, एक आदमी को अगर आप दुबई लेके आएंगे 1 साल के अंदर उस आदमी के वजह से आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, ये चीज को समझना है, इतना ही मैं शॉर्ट में बोला है आप लोगों को, ये चीज को समझना है। सिर्फ अगर आप अकेले आएंगे, अकेले छोटा मोटा पैसा बनाएंगे, लोगों को लेके आएंगे तो 1 आदमी 1 करोड़ बना के देगा कम से कम, इससे ज्यादा कितना भी बना सकते हैं, ये चीज को समझना है, क्योंकि ये जो पार्ट बनने वाला है ना ये बहुत बड़ा पार्ट रहेगा। अभी यहाँ पे मैं अगर आप बात भी जो मैंने जो बात किया तो मैं 5 गुना आपका 80 गुना जो कैलकुलेशन बताया, मैं अभी यहाँ पे अगर बाल काटने को जाते हैं ना 15-20 हजार रुपये निकल जाते हैं। खाना अगर एक टाइम खाने के लिए हम लोग जाते हैं ना 25-30 हजार रुपये किलो बनते हैं, ये सच्चाई है, मैं खर्चे की बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन ये सच्चाई है, जिस हिसाब से बना भी रहा तो उससे खर्चा भी कर रहा हूँ, लेकिन हमारे इंडियन कम्युनिटी के लिए, स्पेशली इंडिया की अपनी मीटिंग हो रही है इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, इंडियन कम्युनिटी के लिए इतना बड़ा पार्ट है, यहाँ पे हम डॉलर यूरो में पैसा बना रहे और खर्चा करें रुपीज में, चीज को समझना है, तो बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू अमोल सर, आप ऐसे ही कुछ नया नया लेके आइए, और यहाँ पे सुबोध राव सर आपको अनम्यूट किया है, आप अपना शेयरिंग यहाँ पे कर सकते हैं सर। आ रही है सर। सर मैं सुबोध देवघर से मध्य प्रदेश बैतूल से हूँ,
मेरे ग्रेट अपलाइन संतोष पवार सर है और मेरी जर्नी भी स्टार्ट हुई है। सबसे पहला मीटिंग देखा था मैंने पूना में उपाध्याय सर का, नौ महीने पहले मैंने जर्नी स्टार्ट करी है। उस समय संतोष सर ने मुझे कहा था कि ये हमारे ग्रेट अपलाइन है, आप इनके साथ में भी सेल्फी ले लो। मैंने उनसे यही कहा था कि सर अभी आप मेरे ग्रेट अपलाइन हो, अभी तो सेल्फी में सिर्फ आपके ही साथ में लूंगा, उपाध्याय सर के साथ में तो मैं सेल्फी तभी लूंगा जब इस कंपनी के अंदर मैं कुछ बन जाऊंगा। आज एमराल्ड हो चुका हूँ सर, दुबई आ रहा हूँ, वहीं पर आपके साथ में सेल्फी लूंगा। यस सर। आज हमारे मित्र माधुराव खोवरे जी, ये बहुत दिनों से मुझे वाच कर रहे थे कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, आप कहीं जाते नहीं आते नहीं और घर पे दिखते हो अधिकतर, घर से बैठे बैठे क्या कर रहे हो। मैंने कहा बस एक अलादीन का चिराग मिल गया, मैंने कहा उसको घसते हैं महीने में एक बार और मैंने कहा वहां से उसको जो बोलो मैंने कहा हो जाता है। तो आज इनके समझ में आया तो सर आज ही उन्होंने स्टार्ट किया, आज ही फार्म परचेस किया 1,10,000 का और जर्नी स्टार्ट करी है। और मेरा कॉल इसलिए था आज थोड़ा सा, मैं कह रहा सर कि आप जो अपना पीएलसी का जो कार्ड है उसको अप्लाई करने का एक ट्रेनिंग सेशन सर चला रहे थे एक आध दिन, क्योंकि काफी लोग अभी ये नए टेक्नोलॉजी के साथ जब भी अभी लॉन्च हो जाएगा ना उसके साथ हम सब सेक्शन स्टेप बाय स्टेप लगा देंगे ताकि सब लोगों का अच्छा अभी जिन लोगों ने क्या कहते हैं कार्ड जिनको परचेस करना है वो अभी अप्लाई करे या नहीं करे? कर सकते सर, ऐसा कुछ नहीं, कर रहे कर सकते हैं ना। उसके लिए हमने वीडियोज वगैरह बहुत सारे भेजे सर, यूट्यूब पे भी आपको वीडियो मिलेंगे बहुत सारे, नहीं तो फिर ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। जी जी एक बार आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ वापस आज, फिर बाकी लोगों को आप देख के भी आप कर सकते, कोई बात नहीं। जी 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 मैं आपके ग्रुप में हूँ नहीं सर कहीं पर, संतोष मेरा ग्रुप बोले तो लोगों ने ग्रुप बनाया उसको मेरे को ऐड किया है, उसी में सब अपडेट दे रहा हूँ। संतोष पवार जी के ग्रुप पे हूँ, मेरा ग्रुप सिर्फ डायमंड का बना हुआ है, आपको डायमंड बनना पड़ेगा। तो अरे सर बिल्कुल उधर से दुबई से आने के बाद में क्या अपन भी डायमंड में अपने नीचे दो डायमंड। यस यस कोई बात नहीं, फिर आ जाएंगे आप अपने मेरे ग्रुप में आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाऊंगा। ठीक है सर। यस सर। यस सर थैंक यू। थैंक यू। ओके बहुत बहुत शुक्रिया सुबोध सर जी। जैसे हम बोलते कि कब किसे और किस टाइम पे अलादीन का चिराग मिल जाए ये बोल नहीं सकते, ऐसे ही सुबोध सर आपको अलादीन का चिराग मिल जाए। अभी ऐसा करो कि महीने में एक बार नहीं हर दिन उसे घिसना पड़ेगा तो आपकी विश कंप्लीट हो जाएगी। या और यहाँ पे कोई है जिनको शेयरिंग करना है? अभी यहाँ पे टॉप लीडर में अपने आशीष सर और क्या अपने अली पटेल सर होंगे, तो देखो या गोपाल सिंह तोमर सर जो भी रहेंगे, तो फिर मीटिंग क्लोज कर दें। अली सर आप है यहाँ पे, आप बात कर सकते। सर मेरा साउंड आ रहा है? यस आ रहा है सर। जस्ट अभी मैं अभी सर बोले थे कि दाढ़ी करने के बाद भी इतना खर्चा आ रहा है, तो मैं भी दाढ़ी कर रहा था और मीटिंग सुन रहा था। वीडियो ऑन तो नहीं करूंगा मैं। तो बस दाढ़ी करो, बाथरूम में रहो, आप ड्राइविंग करो, आप कहीं पर भी रहो, लेकिन कंटिन्यू मीटिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे सीक्रेट का राज की है जूम मीटिंग, उसके अलावा कुछ नहीं है दोस्तों। मैं आज ज्यादा तो लोग मीटिंग में नहीं है, 204 लोग लगभग मुझे दिख रहे हैं। एक ही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि लगभग मेरे इस करियर में 23 साल में लगभग 5,000-10,000 तो बहुत क्लोज फ्रेंड है जो नेटवर्क इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जो मेरे क्लोज फ्रेंड है, बट वो लोग मुझे फॉलो नहीं करते आज के तारीख में। वो लोग बालेराव सर को भी पता है, अगर यहाँ से मैं अगर नासिक जाना चाह रहा हूँ तो लगभग हर गाँव में रुकूंगा तो 6 महीना लगेंगे मेरे को नासिक पहुंचने के लिए, अगर मेरे को नागपुर भी जाना है तो 6 महीना लगेंगे, इतना फ्रेंड सर्कल मेरा बड़ा होने के बावजूद भी मेरे साथ अभी तक कोई जुड़ा नहीं है, तो भी मैंने इतिहास बनाना चालू किया। तो दोस्तों ऐसा मायूस मत होइए, सब लोग आएंगे, सब लोग जुड़ेंगे, पेशेंस रखिए। जैसा फरवरी मार्च में अभी जो उपाध्याय सर जो बोल रहे हैं ना, जो कारवा होने जाने वाला है, मैंने परसों भी मीटिंग में सुना, कल भी सुन रहा हूँ और 2 दिन से लगातार सुन रहा हूँ कि इतने ज्वाइनिंग गिरेंगे, इतनी बरसात होगी कि लीडर लोगों को ज्वाइनिंग करना भी मतलब मुनासिब नहीं है, इतनी ज्वाइनिंग है कि। तो सही है एक्चुअली सर, प्रोजेक्ट लाइव होने के बाद, टेक्नोलॉजी लाइव होने के बाद, वो बोलते हैं ना, मैं हमेशा बोलता हूँ मराठी में कहा होता है कि शेंडे और सगड़े शाने असतात, फिर सब लोग जुड़ेंगे, सब लोग बोलेंगे यार उपाध्याय सर मेरे बहुत अच्छे दोस्त है। मैं लातूर में परसों एक मीटिंग ले रहा था और उस मीटिंग में एक बंदा आया और वो बोला उपाध्याय सर को मैं बहुत अच्छा जानता हूँ। मैं बोला भाई क्यों, तू क्या उनका क्लासमेट है, बचपन का दोस्त है? नहीं बोले मैं बचपन का दोस्त नहीं, क्लासमेट नहीं, मैं उनके गांव का भी नहीं हूं। मैं बोला तू कैसे क्या जानता है? वो बोले लातूर आए थे पिछले साल फरवरी में, तब मैं जेल में था। मैं बोला अच्छा तू मीटिंग में देखा था क्या, फिर तेरे दोस्त कैसे बन गए? तो कामयाब होने के बाद कोई बोलने वाला अपना दोस्त है,
तो ये कहानी बनते जाएंगे, हर एक की कहानी बनेंगे। तो धीरे धीरे करके जो अभी जो चल रहा है दुबई का जो प्रोग्राम चल रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग, जैसा उपाध्याय सर बोल रहे कि एक बंदा आने के बाद कितना 1 करोड़ ना सर? यस। साल भर में आएंगे क्या सर? वो कितने साल में आएंगे? 1 साल के अंदर, ये 2023 की बात कर रहे हैं। लगभग कोशिश तो चल रहा है ज्यादा, लेकिन 200 लोग तो कंफर्म है हमारे साथ में, 200 लोग तो आ रहे हैं, इसका मतलब 200 करोड़ तो पक्के है। 200 ही करोड़? नहीं नहीं सर, मेरा टारगेट तो 27 अप्रैल, ठीक है आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ। अभी सर ने गंगाराम जी को एक सवाल पूछा था, बहुत अच्छा सवाल, और गंगाराम जी मैं इतना मानता हूँ, गंगाराम जी को मेरे बहुत प्यारे लीडर है, जो हीरो से हीरो बनता है ना सर, वाकई उसको मैं सलाम करता हूँ और उसको मैं मानता हूँ भी, और उसको मैं तहे दिल से मैं बोलता हूँ, वो आगे बढ़ने की मैं उसको लिए मनोकामना भी करता हूँ। कि जैसा भी सर, परसों 1 तारीख को आपको 5 साल पूरे हो गए, मैंने आज ही लिख के रखा है, 27 अप्रैल 2025 को मेरे को 5 साल पूरे हो जाएंगे, 27 अप्रैल 2025 को मेरे को 5 साल पूरे हो जाएंगे। और मेरा जो एक सिंपल एक फिगर में ड्रीम बता रहा हूँ, मैं तकरीबन उस टाइम 5000 करोड़ का आदमी रहूंगा। उसके लिए 100%, ये मेरा टारगेट है सर, ये मेरा ड्रीम है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि 23 साल में मैंने अभी तक जितने भी ड्रीम देखा ना, हर ड्रीम को मैंने फुलफिल किया, हर ड्रीम को, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार कुछ ड्रीम देख रहा हूँ और 100% होगा। उसके लिए फिर कुछ ब्लॉक प्लेसेस लेना पड़ेगा, उसके लिए फिर अल्टीमा के फार्म लेना पड़ेगा, उसके लिए अल्टीमा लेना पड़ेगा, उसके लिए एक्स का फार्म लेना पड़ेगा, एक्स की फार्मिंग करना पड़ेगा, ये सब प्रोसेस है। उसके बाद नेटवर्किंग करना पड़ेगा, और जहां तक मेरा नॉलेज है, मेरा सवाल है, सभी लीडर लोगों से विनती करता हूं कि लीडर मैं उसी को बोलता हूं जो 30 दिन, महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। 30 दिन में अलग अलग, हो सकता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही 30 मीटिंग ले लो, लेकिन अलग अलग गांव में आपको 30 मीटिंग लेना जरूरी है। हो सकता है आपके स्टेट में है तो स्टेट में आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में 30 जगह मीटिंग ले लो। हो सकता है हमारा देश बहुत बड़ा है, 30-31 स्टेट का देश है हमारा, तो हो सकता है हर दिन अगर एक स्टेट में मीटिंग करेंगे तो वाकई में साल दो साल अगर ऐसा मेहनत करेंगे ना, तो वाकई में पैसों की बारिश हर एक के घर में आएंगी। यहाँ पे मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, मैं आज वीडियो में आने वाला था, लेकिन ये मेरे को सेविंग करने में बहुत समय लगा है, इसलिए मेरा वीडियो ऑन नहीं कर रहा। और सब मिलके सब मैं ये कामना करता हूँ कि जितने भी लोग अभी मीटिंग में बैठे हैं, ये हर बंदे अपने साथ में 2, 3, 4, 5 जिसके साथ में अगर डायमंड है तो वो भी कोशिश करो। मैं ऐसे डायमंड को देख रहा हूँ सर, मैं किसी की कंप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन मैं ऐसे ऐसे डायमंड को देख रहा हूँ कि अपन डायमंड हो गए, अपने नीचे लोग बिजनेस करेंगे, 15% इन्फिनिटी आता है, वो बनते ना अपना काम बनता, भाड़ में गई जनता, ऐसा मैं बहुत सारे डायमंड को देख रहा हूँ, मैं किसी की कंप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन हर एक को मैं नोटिस कर रहा हूँ, हर एक लिस्ट मेरे पास है, 15% इन्फिनिटी के लिए काम कर रहे, ये लोग बड़ा होने के लिए काम नहीं कर रहे, मैं देख रहा हूँ। तो जितने भी डायमंड मुझे सुन रहे, ये मत करो, जितना भी आपको बोनस आ रहा है, जितना भी आपको बेनिफिट आ रहा है, अपने ऊपर निवेश करो। इसका मतलब ये होता है कि आपके साथ में 2, 4, 5, 10 लोगों का अगर हम लोग दुबई लेके जाएंगे, तो जैसा उपाध्याय सर ने बोला ना, 100% मेरा भी नॉलेज है, मैं भी इस चीज को समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, डेली लगातार जूम मीटिंग में मैं भी होता हूँ। तो लोगों को अगर वहां पे लेके आएंगे, 10 लोग लेके आएंगे, तो साल भर में आपका 10 करोड़ इनकम बनेगा। मतलब इसका मतलब ये होता है कि आपके फैमिली में, आपके समाज के अंदर, आपके गांव के अंदर आपका एक रिस्पेक्ट, आपके तरफ लोगों का देखने का नजरिया चेंज करने का वक्त अभी आ चुका है। इसलिए सभी लोगों को मैं आज विनती करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग बालेराव सर जी को संपर्क करिए, यहाँ पे उपाध्याय सर को संपर्क करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोग दुबई लाने का प्रयास करिए दोस्तों। उसके बाद आप अगर बोलते ना, कौन सा मोड बोलते हो, ऑटो पायलट, क्या ऑटो पायलट मोड पे भी जाएंगे तो भी आपको बेनिफिट आएगा, आप काम नहीं करेंगे तो भी बेनिफिट नहीं आएगा। दोस्तों मेरे साथ में पिछले जो घटना घटी थी 7-8 महीने की, तब मैं 96 लोग लेके दुबई आया था, उसका नतीजा था, जब मैं अंदर गया था, जब पर्पल डायमंड था, बाहर आ गया तो मैं ब्लैक डायमंड बना। तो ये क्यों बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको, थियोरेटिकल में कोई बात नहीं कर रहा, आपको मानना ही पड़ेगा, और इस पे अगर अमल करके काम करेंगे तो हो सकता है। पैसे के अलावा एक सबसे बड़ा एक सपना होता है इंसान का कि रिकॉग्निशन, नाम, मान, सम्मान, ये आपको यहाँ से मिलने का बहुत बड़ा चांस है दोस्तों, ये मिस मत करिए। यह इतना ही मैं मैसेज दूंगा और मेरे वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय पीएलसी, थैंक यू वेरी मच। यस सर, अलीपुर सर, आपने बहुत अच्छा मेहनत करके आगे बढ़ने का जो ठान लिया है, अभी पहले से आप मेहनत करे, लगभग मेरे से भी पहले से आप मेहनत करे, सबसे बड़ी बात, लेकिन जिस तरह से अभी जो रंग ला रहे हैं आप, इसीलिए क्योंकि आपका जो पुराना मेहनत है अभी काम आ रहा है आपको। यस सर, बहुत मेहनत काम आ रही है, और मेरे को ऐसा लगता है सर, मेरे को ऐसा लगता है कि जितने भी लोग मुझे अभी लगभग 197 लोग दिख रहे हैं मेरे को मीटिंग में, जितने भी लोगों को मैं प्लान बताता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा दोस्त, वो मेरा भाई, वो लीडर मेरे साथ जुड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन खेलने की मुझे आदत है और सही में मजा आ रहा है। जैसा अगर अभी अंकुश भोरगे सर, मैं उनको देख रहा हूँ अभी नांदेड़ में, ऐसा एक भी लीडर नहीं जो मुझे नहीं जानता, लेकिन मैं किसी को स्पॉन्सर नहीं करता,
लातूर है, परभनी में जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ किसी को कभी सिंगल फोन भी नहीं करता, तो भी ये टीम होते जा रही है। तो मैं बोलता हूँ ना, जितना अपने नसीब में वो होना है, हमको मेहनत करना है, करना मतलब करना ही है। आज जैसा सवेरे से लेकर शाम तक हम लोग जॉब पे जा रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, जो भी हमारी ड्यूटी है हम लोग ड्यूटी निभा रहे हैं, बस यहाँ पे अपनी ड्यूटी को निभाना है। लेकिन बेखूबी ऐसा निभाना है कि जैसा हमारा मतलब जैसा हम व्यवहार करना है टीम के साथ में, जैसा हम लोग हमारे पालक मतलब बच्चों के साथ में व्यवहार करते हैं, उस तरीके से अगर व्यवहार करके अगर यहाँ पे मेहनत करेंगे तो बहुत कड़ी मेहनत करेंगे तो बहुत रंग आएंगे। सर हम लोग तो 23 साल से मेहनत कर रहे हैं, नेटवर्क इंडस्ट्री में 50,000-1,00,000 लोगों को जोड़ना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब खाने का वक्त आता है तो परेशानी आती है, जब कंपनी को प्रॉब्लम आता है। ये हमारे साथ में 2-3 बार दिक्कत आ चुकी है। जैसा डॉक्टर जलील साहब बोले थे कि मैं 2005 को अली पटेल को मैं नोनी में मिला था, तब सर मैंने बहुत छोटा था और मैंने तब उस जमाने में मैंने 50,000 लोगों का टीम बना के मैंने 1.5 करोड़ रुपए बेनिफिट उस जमाने में मैंने लिया था। तो बात वो पुरानी बात हो गई। एक बार वो हमारे मराठी में कहावत है, एकदा बसल गंगतानी जल नंबर बसल सांगा, तो मुझे नहीं आएगा। तो जहां पर भी खड़े जब भी खड़े वहां से अपना लाइन चालू होता है। अमिताभ बच्चन जी का स्टेटमेंट बहुत लोग बोलते हैं लेकिन करते बहुत कम है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी लोगों ने अगर करेंगे तो एक बहुत बड़ा मौका आएगा। और सबसे मेन चीज है, अभी दुबई में ज्यादा से ज्यादा लोग अगर लेके आएंगे तो ये सभी लोग उस लेवल पे जा सकते हैं। ये मनोकामना मैं आज आपके लिए कर रहा हूं और यहां पे मेरे वाणी को विराम करता हूं। जय हिंद सर। यस सर, यस सर, थैंक यू सर। बहुत अच्छा, आपने जो ठान लिया वो पूरा करेंगे, मेरे को पता है, क्योंकि आपका टारगेट फाइनल होता है और उसके आगे जाते है, कम नहीं होते। तो थैंक यू सर। मेरे हिसाब से दीपक आज के लिए मीटिंग अभी यहाँ पे हम रुकते हैं, कोई बात नहीं। या सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आप कंटिन्यू आते हो सर और हमें गाइडलाइन करते हो। और ऐसा ही एक शख्स आपके साथ में जुड़ा है कुछ दिनों से, मिस्टर अश्विनी जी, और अश्विनी जी कुमार दास जो कि कटक में रहते हैं और उनके जो घर है उसके नजदीक से ही एक नेशनल स्टेडियम है जो कि वहाँ पे ओलंपिक वाला अभी किसी ने भी जीता था। और अश्विन जी एक इंस्पायरेशनल आदमी यहाँ पे, और दो लीडर का मतलब इम्तिहान देखा है, एक मिस्टर ओडिशा से अश्विन जी और चंद्रपुर से अमोल जी, इनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये बहुत काबिल तारीफ, इन्होंने पैनिक सिचुएशन में लोगों को जो सपोर्ट किया है, वेरी मैं आपका थैंकफुल हूँ। मैं आपके अंदर, दोनों के अंदर भी मैंने अली पटेल को देखा है, आप मेरे दोनों छोटे भाई की तरह है, लेकिन अली पटेल को मैंने अगर देखा तो अश्विन जी में इनके रूप में भी देखा हूँ, और अमोल सिरसागर जो चंद्रपुर से, वाकई में आई एम सैल्यूट, वाकई में लीडर। आप अगर ऐसा मेहनत करेंगे ना तो मैं बता रहा हूँ ना, ज्यादा से ज्यादा 2 साल में आप दोनों भी ट्रिपल डायमंड रहोगे। थैंक यू वेरी मच। सच बात है, थैंक यू, थैंक यू। और सच में काबिले तारीफ ही ऐसे दो हमारे मूर्ति। और अश्विन जी बहुत बहुत शुक्रिया कि हर रोज आप ऐसा नया लेके आते, ऐसे ही नया लेके प्रेजेंटेशन आप सबको यहाँ पे गाइडलाइन करते रहिए। मिस्टर राजेंद्र जी उपाध्याय, आप कंटिन्यूअसली दुबई ऑफिस में जाके कंटिन्यूअसली यहाँ पे इंडिया एलेक्स के साथ में बात करके कंटिन्यूअसली हमें अपडेट देते हैं, और ये सिचुएशन ऐसी है कि आपने सभी को यहाँ पे संभाला है सर। आप हमारे से 3,000 किलोमीटर दूर है, किसी के तो 5,000-5,000, लेकिन आप हमारे दिल में बसते हो, हमारे फैमिली में रहते हो। कि आपने एक सिचुएशन ऐसा था 1 जनवरी से कि स्वैपिंग, और बहुत लोग ऐसे थे कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो आपको इस डूबती नौका थी, तो मिस्टर राजेंद्र उपाध्याय जी आपने इस नौका को संभाला, और आपका कोशिश ये रहता है कि हर किसी को साथ में लेके जाना है, हर किसी की बात को यहाँ पे उनको समझाना है कि वो कैसे अगर मेरे साथ जुड़ते है। और राजेंद्र एक्सप्रेस में बैठते, जो कि राजेंद्र एक्सप्रेस एक ट्रेन है जो अभी मिस्टर राजेंद्र जी चला रहे, वो निकल चुकी है गरीबपुर से, और वो आने वाले दिन में अमीरपुर तक लेके जाएंगी। और इस अमीरपुर में आप सब जन अगर इस ट्रेन में बैठते हो, अभी राजेंद्र एक्सप्रेस ट्रेन क्या जो स्पीड है बहुत कम है, हर स्टेशन पे ये ट्रेन रुक रही, हर स्टेशन पे, तो आपको जैसे मौका मिलता है तो जैसी जगह मिले या ना मिले तो आप उस ट्रेन में घुस जाओ, अगर जगह नहीं मिलती तो ऊपर बैठ जाओ ट्रेन के गदर पिक्चर जैसा, लेकिन आपको यहाँ पे घुसना है ट्रेन में। अगर ट्रेन एक बार फास्ट चली गई राजेंद्र एक्सप्रेस तो बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा कि हाँ, बाद में आप पछताओगे कि अरे यार वो ट्रेन मेरे घर से गई, मेरे घर पे मेरे दीवार को लग के गई लेकिन मैं बैठा नहीं, और ऐसा मौका नहीं आना चाहिए। फिर भी अभी आपको इतना अच्छा चांस है, इतना अच्छा चांस है, अगर आप मिस्टर राजेंद्र जी को सुनते हैं और इस राजेंद्र एक्सप्रेस में बैठते हो, आप सच में यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाओगे, और आने वाले दिनों में आपको यहाँ पे आर्थिक आजादी मिलेगी, और आप अपने फैमिली को यहाँ पे हर वो सुकून, हर वो सुख यहाँ पे दे सकते।
हम क्यों काम करते हैं पैसों के लिए, अपनी अपना लाइफ कुछ भी नहीं दोस्तों, हम सिर्फ फैमिली के लिए वर्क कर रहे हैं, हम सिर्फ फैमिली को चाहते हैं, हम फैमिली के लिए कर रहे हैं। तो आपको भी अगर सच में फैमिली के लिए कुछ करना है और यहाँ पे आपको लाइफ में सक्सेस होना है, तो एक बार सिर्फ एक बार मिस्टर राजेंद्र जी उपाध्याय जो कहते हैं कि डियर एलेक्स को फॉलो करते, जो कहते आपको सिर्फ वो सुनना है और आपको यहाँ पे डुबकी लगा देने की। तो सच में सर मिस्टर राजेंद्र जी आपको यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम और आर्थिक आजादी आने वाली दिवाली तक देंगे ही देंगे। और आपको क्या करना है, कंटिन्यूसली जूम मीटिंग में आना है, बस यही करना है। और बाकी का जो भी प्रॉब्लम रहेगा तो 24 आवर्स अवेलेबल है मिस्टर राजेंद्र जी आपके लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर राजेंद्र उपाध्याय कि आप कंटिन्यूसली हमें इतना गाइडलाइन करते हो। और सच में हम पूरी इंडियन कम्युनिटी और अभी तो पूरा वर्ल्ड और दुबई भी आपका फैन हो चुका है सर। और इसके साथ में सभी कम्युनिटी को मैं यहाँ पे धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो कंटिन्यूअसली हर रोज एक तारीख से यहाँ पे जूम मीटिंग को आ रहे, अपने कम्युनिटी को यहाँ पे बुला रहे, और निगेटिव पीपल थे उनको आपने पॉजिटिव कर दिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप कंटिन्यूअसली अभी हम समझ सकते 11 बजे 12-12 12:30 बजे तक रात को हमने मीटिंग लिया है, हम सब यहाँ पे डटे रहे। तो आपने यानी कि हम समझ सकते कि अंदर से आवाज आ रही है किचन से, चलो खाना खाने, बच्चे बुला रहे डैडी पापा होमवर्क कंप्लीट कर दो, या आपको आप वो सब छोड़ के फिर भी कंटिन्यूअसली जूम मीटिंग को। तो आप सभी का भी यानी कि इतना वैल्यूएबल टाइम आप यहाँ पे दे रहे, आप सभी का इंडियन कम्युनिटी का, आप सभी जूमर्स का यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ में हम मीटिंग यहाँ पे इन करेंगे, लेकिन कल हमें इसी टाइम इसी वक्त फिर से आना है हमारे भारत के प्यारे लाडले मिस्टर राजेंद्र जी को सुनने और सभी हमारे ग्रेट लीडर्स को सुनने, क्योंकि आज तो राव सर को यहाँ पे अलादीन का चिराग मिल चुका है। और ऐसे कितने तो भी लोग है कि उन्हें इस जूम मीटिंग में कब और कौन से टाइम में अलादीन का चिराग मिल सकता है। तो कल हमें सभी कम्युनिटी को यहाँ पे इन्वाइट करना है और इसी समय पे हम मीटिंग स्टार्ट करेंगे। तो हम अभी सबको यहाँ पे अनम्यूट करेंगे और द प्लैटिन कॉइन द टाइम इज सुपर नाउ करके हम यहाँ पे मीटिंग इन कर देंगे। The time is super now. Time is super now.